तो कहानी शुरू होती है कुछ लोगों से, जो कुछ लोगों को गुलाम बनाकर अपने साथ ले जाते हैं, और उसी में हमें दिखाए जाते हैं एक माँ और एक बेटा। ये दोनों भी गुलाम बना लिए जाते हैं और थोड़ी आगे जाने के बाद इनको छांट दिया जाता है, बच्चे अलग औरतें अलग। और इसकी माँ को दूसरी तरफ ले जाया जाता है, वो अपनी माँ को रोकने की कोशिश करता है, तभी कुछ सैनिक उसको पकड़ के अपनी तरफ खींचते हैं। तब ये बच्चा अपनी माँ की तरफ इशारा करता है अपने हाथों से दरवाजे की तरफ, और वो दरवाजा लोहे का होता है उसे खींच लेता है अपनी तरफ और उसे तोड़ तोड़ के कचूमर काट देता है। उसका सीन प्रेजेंट में शिफ्ट हो जाता है और हमें दिखाई जाती है रोग। रोग को एक रोग है, वो किसी को छूती है तो वो बंदा तड़प तड़प के मर जाता है। तो इसका एक बॉयफ्रेंड होता है और उसे प्यार करने के नशे में वो भूल जाती है कि वो जिसको छुएगी वो मर जाएगा। तो वो अपने बॉयफ्रेंड को किसी करती है और इसका बॉयफ्रेंड तड़पने लग जाता है और वो इस चीज के लिए बहुत रोती है। और हमें इधर दिखाई जाती है जेन, जो कि म्यूटेंट है, और म्यूटेंट और इंसान एक साथ नहीं रहना चाहते क्योंकि म्यूटेंट में सुपर पावर्स है। वो यहाँ के प्रेसिडेंट को एक सलाह देती है कि हम म्यूटेंट को इस देश में रहने का दर्जा दे दो, लेकिन ये प्रेसिडेंट उसके लिए रेडी नहीं है। वो कहता है कि हमें तुमसे खतरा है। और वही पर हमें दिखाया था चार्ल्स एक्सेवियर, जिस पर बहुत सारे इल्जाम लगे हैं कि उसने एक बहुत बड़ा स्कूल बनाया है जिसमें बच्चे पढ़ते हैं और उनको इंसानों से लड़ने की ट्रेनिंग दी जा रही है, ऐसे ऐसे उस पर इल्जाम लगते हैं। और तभी चार्ल्स एक्सेवियर एक तरफ जाता है और दूसरी तरफ हमें दिखाया था मैग्नीटो। मैग्नीटो और चार्ल्स ये दोनों भी म्यूटेंट है, म्यूटेंट यानी कि इनमें सुपर नेचुरल पावर है और इंसानों को म्यूटेंट से डर लगता है। ये जो मैग्नीटो है उसे लगता है कि इंसान हमारे लिए खतरा है और वो इंसानों को बिल्कुल पसंद नहीं करता और वो उनको मार देना चाहता है। तभी चार्ल्स उसके पास आता है और उसको समझाता है कि देखो इंसानों से नफरत मत करो। उसका मैग्नीटो बोलता है कि इंसानों ने मेरे बेटे को मारा, इंसानों ने मेरी बीवी को मारा, अब वो सारे म्यूटेंट्स को मारना चाहते हैं और तुम कहते हो उनसे नफरत ना करें। और इधर में दिखाई जाती है रोग। रोग ने अपना घर छोड़ दिया है और वो आई है एक क्लब के अंदर बीड़ी सिगरेट दारू तंबाकू वही खाने पीने के लिए। और तभी वहां पर दिखाया जाता है लोगन, और यहां पे जो बारटेंडर होता है उसको भी म्यूटेंट्स पसंद नहीं है। उन्हें पता चल जाता है कि लोगन म्यूटेंट है तो ये अपने बंदे भेजता है उसे लड़ने के लिए। तभी लोगन अपने हाथ में से निकालता है तीन क्लॉज जो लोहे के होते हैं और इनको धमका देता है यहाँ से। उसके बाद यहाँ से निकलता है, अपनी गाड़ी में बैठता है और चलने लगता है। तब उसे पता चलता है कि वो लड़की भी इसकी गाड़ी में बैठ चुकी है और वो इसे लिफ्ट मांग रही है। और ये लोग कहीं पर जाने लगते हैं और तभी यहाँ पर एक बंदा इन पर हमला कर देता है। और हमें दिखाया था लोगन। लोगन की सुपर पावर ये है कि उसके अंदर जो है उसका जो पूरा स्केलेटन है वो एडमेंटियम धातु का है जो कि बहुत तेज है और बहुत मजबूत है, और उसके जख्म बहुत तेजी से भरते हैं। और तभी वो बंदा इस पर दोबारा बार बार हमला करता है और वहाँ पर आ जाते हैं स्टॉर्म और स्कॉट। स्टॉर्म जो है वातावरण को कंट्रोल कर सकती है, यानी कि अगर ये मंगल ग्रह पे चली गई तो वहाँ पर जीने लायक वातावरण बना सकती है। और स्कॉट जो है अपनी आंखों से लेजर मारता है सुपरमैन की तरह। तो ये दोनों लोगन और रोग को बचाकर अपने साथ ले जाते हैं। और इधर हमें दिखाया जाता है मैग्नीटो। मैग्नीटो ने इस बंदे को भेजा था रोग को लाने के लिए, लेकिन ये नहीं ला पाया। ये लाया लोगन का लॉकेट जिस पर लिखा है वुल्वरी। और इधर हमें दिखाया जाता है लोगन जो कि थोड़ा सा बेहोश है और उसका इलाज कर रही है जेन। और जेन के अंदर सुपर पावर है, वो किसी भी चीज को बिना छुए उठा सकती है और वो उसको इंजेक्शन लगाने की कोशिश करती है। तभी लोगन उठ जाता है और इस पर हमला कर देता है। उसके बाद वो इधर उधर भागने लगता है, लेकिन अपना चार्ल्स इससे बातें करता है कि तुम इधर आओ, तुम परेशान हो, तुम नाराज हो, मेरे से मिलो, मैं तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी कर दूंगा, तुम्हारे अंदर जितने भी सवाल हैं उन सबके जवाब मैं दूंगा। और वो उन आवाजों का पीछा करते करते आ जाता है चार्ल्स के पास, और चार्ल्स के पास होते कुछ स्टूडेंट। तो चार्ल्स स्टूडेंट्स की छुट्टी कर देता है और वो लोगन से बात करता है। और वहीं पर आ जाते हैं स्कॉट और स्टॉर्म। चार्ल्स इनको इंट्रोड्यूस करता है कि इन दोनों ने तुम्हारी जान बचाई है और तुम्हारी रोग भी सही सलामत है, और ये मेरा स्कूल है जहाँ पर मैं म्यूटेंट बच्चों को दुनिया की नजरों से दूर रखकर इनको जीने लायक बनाता हूँ ताकि ये शहर में हमला ना करें क्योंकि इनके पास सुपर नेचुरल पावर्स है। और हमें दिखाया जाता है म्यूटेंट बच्चे जिनके अंदर एक से एक गजब पावर है। ये लोग पढ़ाई लिखाई करते हैं, अपनी ताकतों को कंट्रोल करना सीख रहे हैं। और चार्ल्स कहता है कि तुम मेरे साथ आ जाओ 48 घंटे में, मैग्नीटो क्या चाहता है तुमसे मैं वो पता लगा कर रहूंगा, और तुम्हारे अंदर जितने भी सवाल है मैं सबके दिमाग पढ़ सकता हूँ, उन सबके मैं जवाब भी दे दूंगा जो भी तुम्हारे दिमाग में सवाल चल रहे हैं, तुम्हारी याददाश्त जा चुकी है पिछले 10 साल से। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है प्रेसिडेंट कहीं पर जा रहा होता है, लेकिन उसका सेक्रेटरी उसका एकदम से रूप बदल जाता है क्योंकि ये मिस्टिक है, ये भी एक म्यूटेंट है और इसको भी इंसानों से डर है। तो प्रेसिडेंट के गंदे गंदे बयान देने के बाद इनको गुस्सा आता है और वो प्रेसिडेंट को किडनैप करके मैग्नीटो के अड्डे में ले जाते हैं। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है जेन ने लोगन का बॉडी चेकअप किया है, उसमें वो बताती है कि लोगन का जितना भी स्केलेटन है पूरे स्केलेटन उसका एडमेंटियम धातु का बना हुआ है और इसकी उम्र प्रोफेसर आपसे भी ज्यादा है। और यहाँ पर प्रेसिडेंट को लेकर आया गया है मैग्नीटो के पास, और मैग्नीटो एक जगह में जाकर वहां से कुछ पल्स रेज ओपन करता है, यानी कुछ किरणें इसके शरीर से निकलती हैं और वो किरणें प्रेसिडेंट के ऊपर भी चली जाती हैं। यहाँ पर इसका प्लान ये है कि ये सभी लोगों को म्यूटेंट बना देना चाहता है। और यहाँ में दिखाई जाती है जेन जिसको नींद नहीं आ रही, और यहाँ पर लोगन नींद में बड़बड़ा रहा है। तो जेन आती है लोगन के पास और उसको शांत कराने के लिए उसको टच करती है, और हमें दिखाया जाता है लोगन का सपना कि उसके शरीर के अंदर एडमेंटियम गला के डाला जा रहा है। और तभी उसकी आंख खुलती है और उसके क्लोज रोग के अंदर घुसे होते हैं, तो रोग मरने लगती है। तभी वो लोगन को छू लेती है जिससे वो उसकी ताकत अपने अंदर ले लेती है और अपने घाव
गांव को भर लेती है। और यहाँ पर सभी लोग आते हैं, सारे सिचुएशन संभालते हैं। यहाँ पर चार्ल्स आके बताता है लोगन को कि उसने अपने आप को बचाने के लिए तुम्हारी शक्तियाँ तुमसे 2 मिनट के लिए उधार ले ली। और रोग के अंदर ये भी पावर है, वो किसी भी शक्तियों को अपना सकती है। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है प्रेसिडेंट एक लॉकअप में बंद है और वो म्यूटेंट बन चुका है। वो रबर की तरह एक पिंजरे से बाहर निकलता है और एक जगह पर लटक जाता है। मैग्नेटो कहता है ऊपर आओ, वो अपने बंदे को कहता है कि इसको ऊपर खींचो। वो खींचने की कोशिश करता है लेकिन ये बंदा फिसल के नीचे गिर जाता है, यानी कि प्रेसिडेंट। और समुद्र में बहते हुए आता है बीच के किनारे और बहुत सारे लोगों को देखता है। उसके बाद यहाँ पर दिखाया जाता है बॉबी और उसके सामने होती है रोग। तो रोग कहती है कल रात के इंसिडेंट के लिए तो प्रोफेसर बहुत गुस्सा होंगे, तो ये कहता है हाँ तुम यहाँ से भाग जाओ। उसके बाद हमें दिखाया जाता है ये बॉबी नहीं, ये मिस्टिक है। उसके बाद यहाँ पर प्रोफेसर आता है अपने सैनी ब्रो में, क्योंकि रोग भाग चुकी है और ये सैनी ब्रो की मदद से अपना चाल सभी म्यूटेंट्स को ढूंढ सकता है। और वो यहाँ पर आया है रोग को ढूंढने के लिए। और हमें दिखाया जाता है बहुत सारे म्यूटेंट इस दुनिया में, बहुत सारे म्यूटेंट हैं। और आखिरकार वो रोग की लोकेशन लेकर स्टॉर्म और स्कॉट को भेजता है कि जाओ उसको लेकर आओ। और तभी लोगन सुन लेता है और लोगन स्कॉट की बाइक लेकर निकल पड़ता है। और वो पहुंचता है रोग के पास और रोग को बोलता है कि प्रोफेसर तुमसे गुस्सा नहीं है, तुम आ जाओ वापिस। ये कहती है मैं सबके लिए एक बोझ हूँ। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है बॉबी, जो कि बॉबी नहीं मिस्टिक है। वो प्रोफेसर की रूप लेके उसका सैनी ब्रो खोल लेता है। तो वो उसके सैनी ब्रो में आके उसके अंदर कुछ ऐसा लिक्विड लगा देती है जिससे चार्ल्स बीमार हो जाए। और हमें यहाँ रोग दिखाई जाती है। रोग कहती है कि तुम मुझे छोड़कर कहीं मत जाना, तुम बहुत अच्छे हो। और यहाँ पे दिखाया जाता है स्कॉट जो कि स्टेशन पर पहुंच चुका है रोग को बचाने के लिए। और स्टॉर्म भी दिखाई जाती है। और तभी स्टॉर्म पर ये बंदा हमला कर देता है और उसको बचाने के लिए आता है स्कॉट। और तभी उसका चश्मा निकल जाता है जिससे वो लेजर मार मार के स्टेशन का बुरा हाल कर देता है। और स्टॉर्म यहाँ पर बिजली की पावर इस बंदे के अंदर घुसा देती है। और हमें वहाँ ट्रेन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर आ चुका है मैग्नेटो सबके सामने धातु को कंट्रोल करते हुए। और लोगन इसको मारने आता है, तभी लोगन को ये चुंबक की तरह चिपका के साइड में कर देता है। लोगन कहता है क्या चाहिए तुम्हें मुझसे, तो मैग्नेटो कहता है तुमसे तुम किस काम के हो, मुझे तो रोग चाहिए। और रोग यहाँ से भागने लगती है, तभी वो रोग को पकड़ के अपने साथ ले आते हैं। और जैसे ही वो स्टेशन से बाहर निकलता है, बाहर होती है बहुत सारी पुलिस। तो पुलिस वाले कहते हैं मैग्नेटो को चलो अपने हाथ ऊपर करो। जैसे ही मैग्नेटो अपने हाथ ऊपर करता है सारी कारें ऊपर हो जाती हैं, क्योंकि कारें मैग्नेटो को बहुत पसंद करती हैं। और तभी मैग्नेटो इन सबकी बंदूकें भी छीन लेता है और इन्हीं की बंदूक लेकर इन्हीं पे तान देता है। और तभी वहां पर आ जाता है चार्ल्स। चार्ल्स अपने दिमाग से उससे बातें करता है कि इंसानों को मत मारो, छोड़ दो उन्हें। तो मैग्नेटो कहता है कि तुम अभी भी कुर्बानी से डरते हो, दम है तो मुझे मारो। तो चार्ल्स दूसरे बंदे को कंट्रोल करके मैग्नेटो को मारने की कोशिश करता है, लेकिन मैग्नेटो गोली चला देता है और गोली बंदों के माथे पे रोक देता है। कहता है अगर मेरे को कुछ हुआ तो ये सब लोग भी मरेंगे। तो मजबूरी में चार्ल्स को इन्हें छोड़ना पड़ता है और ये लोग हेलीकॉप्टर में बैठकर यहाँ से भाग जाते हैं। और हमें यहाँ लोगन दिखाया जाता है जो कि बहुत गुस्से में है और वो कहता है कि मैं जा रहा हूँ अकेला ही रोग को बचाने के लिए। और तभी वहाँ पर आता है प्रेसिडेंट। वो आकर कहता है कि देखो उन्होंने मेरे साथ क्या किया, वो सारी सिचुएशन चार्ल्स को बताता है। तभी चार्ल्स उसके दिमाग पे हाथ रख के उस समय में चला जाता है कि इसके साथ हुआ क्या है। और उसे सारी सिचुएशन समझ में आ जाती है कि उसने रोग को इसलिए पकड़ा है, वो सभी इंसानों को म्यूटेंट बनाना चाहता है जिससे आधे लोग जिएंगे आधे लोग मर जाएंगे। और जब ये ऐसा करता है तो मैग्नेटो की पावर्स थोड़ी सी कम हो जाती है। उसके बाद ये सब लोग प्लान बनाते हैं रोग को बचाने का। और चार्ल्स आता है सैनी ब्रो के अंदर और जैसे वो अपने दिमाग पर अपने सर पे वो मशीन लगाता है उसे बहुत बड़ा शॉक लगता है और वो नीचे गिर जाता है। तभी जेन आती है, वो उसकी मशीन चेक करती है और उसके अंदर जो वायरस होता है उसे निकाल देती है। और यहाँ पे चार्ल्स दिखाया जाता है जिसके सामने है स्कॉट। और स्कॉट कहता है कि आपके जाने के बाद मैं आपकी गद्दी संभाल लूंगा, आप टेंशन ना ले। और यहाँ पर जेन ने वो मशीन चालू कर ली है और वो रोग को ढूंढने की कोशिश कर रही है। स्कॉट इधर भाग कर आता है और वो स्कॉट को बताती है कि रोग जो है इस जगह पर है। और यहाँ पर हमें दिखाया जाते हैं समुद्र के बीच में एक जगह है जहाँ पर स्टैचू ऑफ लिबर्टी है। उसके बगल में भी एक जगह है जहाँ पे बहुत सारे नेता लोग आकर एक मीटिंग रखने वाले हैं कि म्यूटेंट्स को हम कैसे मारे, कैसे उनको यहाँ से भगाएं। और यहाँ पर मैग्नेटो दिखाया जाता है जो रोग को लेकर आया है स्टैचू ऑफ लिबर्टी के पास। और उसकी टॉर्च के अंदर ही उसकी एक मशीन है जहाँ से वो रोग का इस्तेमाल करके पूरे दुनिया में सभी इंसानों को म्यूटेंट बना देगा। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है इनके प्लानिंग स्टैचू ऑफ लिबर्टी यहाँ पर है और वहाँ पर प्रेसिडेंट्स की मीटिंग होने वाली है। तो ये सबसे पहला शिकार उन्हीं का करने वाला है, तो उसको हमें रोकना होगा। तो ये सब लोग एक टीम बनाकर निकल पड़ते हैं रोग को बचाने के लिए अपने प्लेन के अंदर। और यहाँ के जो बच्चे होते हैं वो देखते हैं हमारे स्कूल के अंदर प्लेन भी है। और यहाँ पर बहुत सारा बादल स्टॉर्म फैला देती है जिससे इनका जहाज किसी को दिखता नहीं है, लेकिन मैग्नेटो समझ जाता है कि यहाँ पर वो आने वाले हैं। तो ये सब लोग आ जाते हैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी के पास और इधर उधर घूमने लगते हैं। और तभी हमें देखा जाता है मिस्टिक जो कि छोटे स्टैचू ऑफ लिबर्टी के अंदर है। और तभी लोगन पर लोगन हमला करता है, यानी कि मिस्टिक जो है वो लोगन बनकर लोगन पे ही हमला करती है और इन दोनों की एपिक फाइट दिखाई जाती है। और तभी एक और बंदा दिखाया जाता है जिसकी जुबान बहुत लंबी है और वो जेन पर हमला करता है, लेकिन जेन इसको अपनी पावर से हवा में ही अटका देती है। और यहाँ पे तभी स्टॉर्म भी आ जाती है और स्टॉर्म भी उससे लड़ती है। और यहाँ पर लोगन से लोगन लड़ता है और लड़ते लड़ते एक लोगन मिस्टिक बन जाती है और ये लोग गजब तरीके से लड़ते हैं। और यहाँ पर स्टॉर्म आ चुकी है पूरी फॉर्म में और ये लंबी जुबान वाला बंदा इसकी तरफ बढ़ता है इसको मारने के लिए, लेकिन स्टॉर्म उसको हवा से उड़ा देती है। लेकिन वो अपनी जुबान से एक लोहे को पकड़ के रखता है, तभी स्टॉर्म इसको 150 वोल्ट का करंट देके इसको पानी में गिरा देती है। और तभी लोगन यहाँ पर होता है, उसके सामने आती है स्टॉर्म और कहती है कि अब सब कुछ ठीक है। और तभी लोगन इसके पेट में घुसा देता है अपने क्लोज और पता चलता है कि ये तो मिस्टिक है और मिस्टिक घायल हो जाती है। उसके बाद ये सारे लोग ऊपर बढ़ते हैं, देखते हैं कि रोग को वहाँ पर कैद करके रखा गया है। और तभी इनके सामने आता
है मैग्नीटो, और मैग्नीटो इन सबको लोहे के अंदर ही कैद करवा देता है क्योंकि वो धातु को कंट्रोल कर सकता है। और यहाँ पर हमें दिखाई जाती है प्रेसिडेंट लोग मीटिंग कर रहे हैं कि इन म्यूटेंट्स को इस दुनिया में रहने का कोई हक नहीं है, इनको या तो किसी और ग्रह पे भेज देंगे या हम लोग इन्हें कारावास में रखेंगे। और यहाँ पर मैग्नीटो इनको समझाने की कोशिश करता है कि ये लोग इंसान लोग कैसे कैसे प्लानिंग कर रहे हैं, हमें मारने की कोशिश कर रहे हैं, जब मैं उन लोगों को हम जैसा ही बना दूंगा तो कोई भेदभाव ही नहीं रहेगा। तो लोगन कहता है लेकिन तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारी एक म्यूटेंट दोस्त वो जो रोग है वो मर जाएगी। और तभी यहाँ पर लोगन अपने क्लोज अपने अंदर ही घुसा के लोहे को काट देता है और नीचे गिर के बेहोश हो जाता है। और यहाँ पर रोग को तंग किया जा रहा है और तभी लोगन पर हमला करता है ये बंदा और लोगन इससे लड़ता है। और यहाँ पर मैग्नीटो रोग का इस्तेमाल करके इंसानों को म्यूटेंट बनाने की तैयारी कर रहा है और यहाँ पर इन दोनों की घमासान लड़ाई हो रही है और यहाँ पर लोगन इसको मार देता है स्कॉट की मदद से। और तभी ये लोग प्लान करते हैं कि हम वहाँ ऊपर कैसे जाएं। तो स्टॉर्म कहती है मैं हवा से तुम्हें उड़ा तो सकती हूँ लेकिन तुम्हें कंट्रोल नहीं कर सकती। तो जेन कहती है मैं तुम्हें कंट्रोल करूंगी। तो स्टॉर्म लोगन को उड़ाने लगती है और जेन उसको कंट्रोल करने लगती है और करते करते वहाँ पर मशीन चालू हो जाती है और लोगन को उस मशीन के ऊपर पहुंचा दिया जाता है। और लोगन उस मशीन पे पहुंचकर देखता है कि यहाँ पर किरणें शुरू हो चुकी है और वो मैग्नीटो पर हमला करने की कोशिश करता है लेकिन मैग्नीटो अपनी ताकत इस्तेमाल करके इसके क्लोज को मोड़ता है। और यहाँ पर हमें दिखाई जाते हैं इंसान जो कि देख रही है स्टैचू ऑफ लिबर्टी के पास क्या हो रहा है और यहाँ पर रोग मरने लग रही है। और यहाँ पर बहुत सारे इंसान देख रहे हैं कि कुछ लोग इस पल्स रेस को रोकने की कोशिश कर रहे हैं और रोग मरने लग रही है। तभी स्कॉट उसकी मशीन को अपनी आंखों के लेजर से उड़ा देता है जिससे वो मशीन बंद हो जाती है और मैग्नीटो बहुत कमजोर हो जाता है और रोग भी यहाँ पर बहुत घायल हो जाती है और वो मरने वाली होती है। तभी हमारा लोगन उसे छूकर अपनी ताकत उसको देता है जिससे वो ठीक हो जाती है और वो खुद बीमार होने लगता है। और हमें यहाँ पर दिखाया जाएगा सारे लोग आ चुके हैं इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए और हमें दिखाई जाती है मिस्टिक जो कि एक सिविलियन का रूप ले चुकी है और यहाँ से सारे एक्समैन निकल पड़ते हैं। यहाँ पर चार्ल्स को होश आता है और जेन बताती है सब कंट्रोल में है। और यहाँ पर लोगन दिखाया जाता है जिसकी अब सर्जरी अच्छे से हो चुकी है, वो ठीक है और पता चलता है कि वो जेन से प्यार करता है। और यहाँ पर चार्ल्स लोगन को बताता है कि तुम्हारी अंदर जो लोहा डाला गया है जो एडमेंटियम डाला गया है वो इस जगह में डाला गया था तो तुम यहाँ पर जाकर देख सकते हो। तो लोगन यहाँ से निकलता है और यहाँ पर बॉबी और रोग करीब आ चुके हैं और यहाँ पर बहुत सारे बच्चे बहुत सारे लोग न्यूज देख रहे होते हैं और न्यूज में ये लोग रियलाइज करते हैं कि अब की जो प्रेसिडेंट का जो सेक्रेटरी है वो मिस्टिक है। और यहाँ पर लोगन इनको आखिरी बार देखकर यहाँ से निकलने लगता है। तभी आती है रोग और कहती है तुम कब आओगे। तो कहता है कि मेरे को जरूरी काम से जाना है, तुम पकड़ो मेरा लोकेट, मैं आऊंगा तो मेरे को वापस दे देना। और वो एक्सेवियर स्कूल से निकलता है। और इधर मैं दिखाया था मैग्नीटो, मैग्नीटो को एक प्लास्टिक की जेल में कैद कर दिया गया जहाँ पर लोहे का इस्तेमाल नहीं है। और चार्ल्स आता है उसके पास, उसके साथ खेलता है और ये लोग अपनी पुरानी बातें करते हैं कि जब ये 18-17 साल के थे तो इनकी कितनी पक्की दोस्ती थी लेकिन इन दोनों के विचार एक दूसरे से सहमत नहीं है, ना ही एक दूसरे के दुश्मन है। उसका खेल खत्म करने के बाद चार्ल्स यहाँ से निकल पड़ता है और यहाँ पर ये फिल्म एंड हो जाती है। तो कहानी शुरू होती है व्हाइट हाउस दिखाते हुए और व्हाइट हाउस में हमें दिखाया जाता है प्रेसिडेंट जिसने बुलाई है एक मीटिंग और वो लाइव आकर कुछ अनाउंसमेंट करना चाहता है। और तभी वहाँ पर एक बंदा आता है जो बहुत तेज है और यहाँ की सिक्योरिटी को बहुत तंग करता है और धीरे धीरे करके सभी सिक्योरिटी गार्ड को मारने लगता है, वो भी बड़े गजब स्टाइल से। और हमें दिखाई जाती है इसकी स्पीड कि कितना ज्यादा तेज है। और फाइनली वो प्रेसिडेंट के पास आकर उसको मारने ही वाला होता है तभी इस पर हमला कर देता है एक सिक्योरिटी गार्ड वाला और उसके हाथ से चाकू गिरता है और चाकू पर लिखा होता है म्यूटेंट फ्रीडम नाउ। और फिर सीन शिफ्ट होता है लोगन की तरफ। लोगन आया एक पुरानी लेक पर अपनी यादों को जानने के लिए कि ये कौन है, कहां से आया और इसके अंदर लोहा कैसे डला है क्योंकि इसको चार्ल्स एक्सेवियर ने यहां पर भेजा है इसके पास्ट का पता लगाने के। और हमें वहां स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहां पर म्यूजियम के अंदर ये म्यूटेंट बच्चे घूम रहे हैं। और तभी जेन को कुछ होने लगता है, उसकी शक्तियां उसके वश में नहीं है और उसके पास आता है स्कॉट और स्कॉट बोलता है कि तुम कुछ परेशान लग रही हो। और यहां पर हमें दिखाए जाते हैं रोग, उसका बॉयफ्रेंड बॉबी और बॉबी का दोस्त फेस, ये लोग यहाँ पर बैठकर बातें करते हैं। तभी वहाँ पर दो लोग आते हैं, वो इनका मजाक उड़ाते हैं और तभी फेस इसके सिगरेट में बहुत ज्यादा आग लगा देता है और वो भी उस आग को बुझाता है। और तभी यहाँ पर सब लोग फ्रीज हो जाते हैं और वहाँ पर आता है चार्ल्स एक्सेवियर। वो अपने स्टूडेंट्स को समझाता है कि अपनी शक्तियों का इस्तेमाल ऐसे मत करो सारे आम बीच बाजार में। और तभी टीवी पर दिखाया जाता है कि व्हाइट हाउस में घुसकर एक म्यूटेंट ने प्रेसिडेंट पर हमला किया है। और यहाँ पर चार्ल्स दिखाया जाता है जो अपने टीचर्स के साथ अपने स्टूडेंट्स के साथ बैठा है, चर्चा कर रहा है कि वो जिस म्यूटेंट ने प्रेसिडेंट पर हमला किया है उसको ढूंढो क्योंकि अब सरकार चुप नहीं रहेगी, म्यूटेंट के खिलाफ कुछ ना कुछ तो करेगी। और हमें यहाँ दिखाया जाता है व्हाइट हाउस में प्रेसिडेंट से मिलने आया है प्रेसिडेंट का पीए और वहाँ पर आया है विलियम स्ट्राइकर जिसके हाथ में एक फाइल है और वो प्रेसिडेंट को बताता है कि ये चार्ल्स एक्सेवियर का स्कूल है और इस स्कूल के अंदर एक लड़ाकू विमान भी है और मुझे लगता है कि स्कूल में म्यूटेंट्स को ट्रेनिंग दी जा रही है इंसानों पर हमला करने की। तो प्रेसिडेंट कहता है ठीक है, वहाँ पर जाकर इन्वेस्टिगेशन करो और बच्चों को कुछ नहीं होना चाहिए। तो स्ट्राइकर यहाँ से निकलता है लेकिन प्रेसिडेंट का पीए इनसे पता लगाने की कोशिश करता है कि आखिर तुम लोगों ने मैग्नीटो को कहाँ पर रखा है। और क्योंकि हम जानते हैं कि ये पीए जो है मिस्टिक है लेकिन ये स्ट्राइकर उसको नहीं बताता कि हमने मैग्नीटो को कहाँ पर रखा है। और यहाँ पर बॉबी और रोग आपस में किस करते हैं और तभी वहाँ पर आ जाता है लोगन, ये लोग थोड़ी सी बातें करते हैं। तभी वहाँ पर आ जाती है जेन, वो जेन से थोड़ी सी बातें करता है। तभी वहाँ पर आता है स्कॉट और स्कॉट भी इससे बातें करता है। और यहाँ हमें दिखाया जाता है
बेनिटो जिसको प्लास्टिक के जेल के अंदर रखा गया है, और विलियम अपने बंदे से इसको पकड़वाता है और विलियम इसके गले के पीछे कुछ लिक्विड डालता है जिससे मैग्नीटो इसके वश में हो जाता है और स्ट्राइकर इससे कुछ पूछताछ करता है। और यहाँ पर एक्सेवियर आया है अपने सेरेब्रो के अंदर लोगन के साथ और वो उस म्यूटेंट को ढूंढने की कोशिश कर रहा है जिसने प्रेजेंट पर हमला किया था, और वो उसको ढूंढ कर स्टॉर्म और जेन को भेज देता है कि जाओ उस म्यूटेंट को वहां से लेकर आओ। और हमें यहाँ पर दिखाया जाता है स्ट्राइकर का ऑफिस जहाँ पर मिस्टिक उसका असिस्टेंट बनकर घूम रही है और स्ट्राइकर के कंप्यूटर में सीक्रेट फाइल्स देखती है और वो पता लगाती है कि मैग्नीटो इस जेल के अंदर है और जेल की देखरेख यानी कि मैग्नीटो की देखरेख ये बंदा कर रहा है। और दूसरी तरफ देखती है कि स्ट्राइकर ने एक अलग सेरेब्रो बना रखा है बिल्कुल चार्ल्स एक्सेवियर की तरह, और वो उसके लोकेशन देखकर प्रिंट आउट निकालती है और वो यहाँ से जाने लगती है यहाँ का पियन बनके। और तभी असली पियन इसको देख के घबरा जाता है। और यहाँ पर दिखाया जाता है जेन और स्टॉर्म आए हैं उस म्यूटेंट को पकड़ने के, लेकिन वो म्यूटेंट बहुत तेज है इधर उधर भागता है, तभी ये लोग इसकी लोकेशन का पता नहीं लगा पाते। लेकिन स्टॉर्म उसको बिजली का झटका देती है और जेन उसको हवा में रोक देती है और उससे बात करते हैं। तो ये बताता है कि मैंने प्रेसिडेंट पर हमला नहीं किया, मुझे पता नहीं क्या हो गया था, मेरे सामने लोग मर रहे थे लेकिन मैं कुछ कर नहीं पा रहा था। और तो वो देखते हैं उसके गले के पीछे निशान जो हमने मैग्नीटो के गले के पीछे देखा था। और यहाँ पर हमें दिखाया था लोगन, वो शायद सोया हुआ है और सपने में देख रहा है कि कैसे इसके शरीर के अंदर एडमेंटियम डाला जा रहा है। तभी वो घबरा कर उठता है और देखता है कि स्कूल के अंदर कोई और है ही नहीं, कोई टीचर है ही नहीं, सब स्टूडेंट है। और यहाँ पर चार्ल्स आया है स्कॉट के साथ मैग्नीटो से मिलने के लिए एकदम प्लास्टिक की जेल के अंदर, और मैग्नीटो उसको बताता है कि स्ट्राइकर ने बहुत बड़ा प्लान बनाया सारे के सारे म्यूटेंट्स को खत्म कर देने का। यहाँ पर वो भी अपनी गर्लफ्रेंड्स की बातें करता है लोगन के साथ, और यहाँ पर मैग्नीटो कहता है कि चार्ल्स तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। और तभी चार्ल्स पर हमला हो जाता है और स्कॉट पर भी हमला हो जाता है, और इसके साथ साथ स्कूल पर भी हमला हो जाता है। स्ट्राइकर अपने बहुत सारे सिपाहियों को लेकर स्कूल के अंदर हमला कर देता है, और लोगन बहुत से लोगों को मारने के बाद बहुत सारे बच्चों को बचाने की कोशिश करता है, और बहुत सारे बच्चे अपने आप ही बच कर इधर-उधर भागने लगते हैं, और बहुत सारे बच्चों को ये लोग पकड़ भी लेते हैं, लेकिन ज्यादातर बच्चे एक सीक्रेट रास्ते से भाग जाते हैं। और हमें और लोगन के सामने आता है स्ट्राइकर, और स्ट्राइकर कहता है कि वुल्वरीन तुम, तो लोगन कहता है क्या तुम मुझे जानते हो, तो स्ट्राइकर कहता है कि तुम्हारे अंदर ये धातु मैंने ही डाला है। तभी यहाँ पर वो भी आकर इनके बीच में बर्फ की दीवार खड़ी कर देता है, और वहां से स्ट्राइकर और इधर से लोगन दोनों एक दूसरे को देखते हैं, और तभी ये लोग भाग जाते हैं, और स्ट्राइकर कहता है फिर से मेरे हाथ से निकल गया लोगन। और यहाँ पर लोगन गाड़ी स्टार्ट करता है और रोग बॉबी और फायर फिस्ट के साथ निकल पड़ता है, और इसे कार के अंदर मिलता है एक मोबाइल। और यहाँ पर विलियम सेरेब्रो के अंदर आया है यानी कि स्ट्राइकर सेरेब्रो के अंदर आया है, और इधर दूसरी तरफ मैग्नीटो का सिक्योरिटी गार्ड एक जगह पर बैठकर दारू पीता है, और उसके पास आती है ये लड़की और उसको देती है बियर, और बियर के अंदर होती है दो गोलियां। उसके बाद वो उसको वॉशरूम में लेकर आती है और उसके साथ वो करने के इरादे से इसको बेहोश कर देती है, और इसके पिछवाड़े में लगाती है एक इंजेक्शन वो भी मिस्टिक बनती हुई, और इस इंजेक्शन में होता है लोहा। और यहाँ पर स्ट्राइकर को एक्सेवियर समझाने की कोशिश करता है कि तुम जो कर रहे हो गलत कर रहे हो, ऐसा मत करो, लेकिन स्ट्राइकर कहता है कि मेरे पास मेरा बेटा है जिसकी पावर तुम्हारे जैसी है, वो तुम्हें कंट्रोल करेगा, और तुम्हारी ही मदद से मैं सारे के सारे म्यूटेंट्स को इस अर्थ से खत्म कर दूंगा। तो यहाँ पर इसका बेटा आता है और इसका बेटा चार्ल्स की पावर को कंट्रोल करता है, और वो भी यहाँ पर लेकर आया है इन सबको अपने घर पर। और तभी यहाँ पर उसके मम्मी पापा और भाई आ जाते हैं, और यहाँ मैग्नीटो अपने कक्ष में सोया होता है, और तभी वहाँ पड़ता है सिक्योरिटी गार्ड, और मैग्नीटो को पता चलता है इसके अंदर लोहा है, तो वो उसको लटका के इसके अंदर का लोहा निकालता है और उसकी तीन गेंद बनाता है और उस जेल को तोड़कर वहां से निकलने लगता है, वो भी बड़े गजब स्टाइल से। यहाँ पर बॉबी के मम्मी पापा को बॉबी समझाता है कि हमारे स्कूल पर हमला हो चुका है इसलिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। और यहाँ पर जेन और स्ट्रॉन्ग फोन करते हैं लोगन को, और लोगन बोलता है कि उस स्कूल में मत जाना, स्कूल में हमला हो चुका था कुछ सिपाहियों का, तुम लोग इस जगह पे आ जाओ, मैं इस जगह पर हूँ। और तभी यहाँ पर आ जाती है बहुत सारी पुलिस, वो लोगन को बोलते हैं अपने हाथ ऊपर करो, अपने चाकू फेंक दो, तो लोगन कहता है देखो मैं अपने चाकू नहीं फेंक सकता, और तभी लोगन को ये पुलिस वाला शूट कर देता है, और तभी फायर फेस्ट को गुस्सा आता है, वो अपनी आग निकाल कर पुलिस वालों पे हमला कर देता है, और वो हमला करता ही जाता है। तो सबकी बैंड बजाने के बाद यहाँ पर आते हैं स्टॉर्म और जेन अपना जहाज लेकर, और ये सारे म्यूटेंट उस जहाज के अंदर आ जाते हैं। और यहाँ पर एक्सेवियर के दिमाग को ये बंदा कंट्रोल करता है, इसके दिमाग में छोटा बच्चा बनकर इसको कंफ्यूज करता है और कहता है कि सारे म्यूटेंट खो गए हैं, उन सबको ढूंढो। और यहाँ पर जेन और बाकी म्यूटेंट अपना जहाज लेकर उड़ते हैं, और तभी यहाँ पर आ जाती है मिलिट्री, और वो उसको बोलते हैं कि तुम्हारा जहाज जो है इलीगल तरीके से उड़ रहा है, यहाँ पे उतारो, लेकिन ये लोग नहीं मानते। तभी इन पर हमला शुरू हो जाता है और स्टॉर्म बहुत सारे स्टॉर्म क्रिएट कर देती है, और इसके बीच में ही इनसे बचकर निकलने लगते हैं, और इन पर दो रॉकेट दाग दिए जाते हैं, और जेन उन रॉकेट्स को ब्लास्ट करती है, लेकिन ब्लास्ट करते वक्त एक रॉकेट इनके जहाज के साइड में लग जाता है जिससे इनका जहाज अनबैलेंस हो जाता है,
और नीचे गिरने लगता है बड़ी ही तेजी से। तभी वो हवा में अटक जाता है और हमें दिखाया जाता है मैग्नीटो। मैग्नीटो ने इसके जहाज को गिरने से रोक लिया और वो इनको बताता है कि चार्ल्स एक्सेवियर को एक बंदे ने कैद कर लिया है, स्ट्राइकर ने, और वो इस अर्थ से सारे म्यूटेंट्स को मार देना चाहता है और उसने दूसरा सेरिब्रो बनाया, वो उस जगह पर है, तो हमें जाकर उसका सेरिब्रो तबाह करना है और मेरे दोस्त चार्ल्स एक्सेवियर को बचाना है। ये कहते हैं लेकिन हमें उसकी लोकेशन नहीं पता, वो किस जगह पर है। तभी ये बंदा कहता है कि मुझे पता है उसकी जगह कहाँ है। तो जेन कहती है ठीक है मैं तुम्हारे दिमाग को छू कर वो जगह का पता लगाने की कोशिश करती हूँ। तो वो उसके दिमाग को छूती है और उसकी जगह पता लगा लेती। उसके ये सब लोग जहाज के अंदर बैठते हैं और तभी मैग्नीटो मिस्टिक के साथ रोक का मजाक उड़ाता है उसके बालों का और वो फायर फिस्ट को समझाता है कि तुम्हारे अंदर बहुत सारी पावर्स हैं, तुम एक्सेवियर के स्कूल में क्या कर रहे हो, तुम मेरे साथ आ जाओ। और यहाँ पर दिखाया जाता है विलियम स्ट्राइकर जो कि अपने मिशन को अंजाम देने में लगा हुआ है। और यहाँ पर दिखाया जाता है इनकी प्लानिंग कि स्ट्राइकर के पास कौन जाएगा, उससे क्या बात होगी, उसको कहां से हम उस पर हमला करेंगे। और तभी नेक्स्ट शॉट में हमें दिखाया जाता है लोगन अकेला चलता हुआ आता है एक सुरंग के अंदर और कहता है स्ट्राइकर तुम्हें मेरी तलाश थी, लो मैं आ गया। और तभी यहाँ पर आते हैं कुछ लोग, वो लोगन को पकड़ लेते हैं। तभी स्ट्राइकर लोगन को देखता है कि ये कुछ बदला लग रहा है और तभी लोगन मिस्टिक बन जाता है। उन्हें पता चलता है कि लोगन नहीं मिस्टिक है और सारी सिक्योरिटी इस पर हमला करती है, लेकिन ये उन सब पर हमला करके कंट्रोल रूम में चली जाती है और डोर को लॉक कर देती है और वो अंदर जाकर सबसे कम्युनिकेट करती है कि कंट्रोल रूम मेरे हाथ में है, जल्दी से आ जाओ। और यहाँ पर स्ट्राइकर अपने सारे बंदे इधर उधर भेज देता है और यहाँ पर एक्सेवियर आया अपने सेरिब्रो में यानी इसके दिमाग के अंदर और यहाँ पर मैग्नीटो और सारे म्यूटेंट आ चुके हैं दूसरे सेरिब्रो में। और यहाँ पर लोगन कैमरे के अंदर देखता है कि स्ट्राइकर कहाँ है और वो उसकी लोकेशन पता करके उसके पास पहुंच जाता है। यहाँ पर स्टॉर्म निकलती है बच्चों को बचाने के लिए और तभी हमें दिखाता है स्ट्राइकर आया है उसी बंदे के पास जो चार्ल्स एक्सेवियर को कंट्रोल कर रहा है। वो उसको आदेश देता है कि जो करना है जल्दी करो, सारे म्यूटेंट का पता लगा के उनको मार दो। उसका चार्ल्स एक्सेवियर सारे म्यूटेंट का पता लगाता है और यहाँ पर जेन मिस्टिक और मैग्नीटो जाने लगते हैं। तभी इन पर हमला करता है स्कॉट, तो स्कॉट पर हमला करती है जेन और यहाँ पर स्टॉर्म इस बंदे की मदद से बहुत सारे बच्चों को बचाती है और जेन पर फिर से हमला करता है स्कॉट। इस बार स्कॉट इस पर हमला करती है, उसका जेन उसकी वार से बचती है और स्कॉट बिल्कुल ठीक हो जाता है। और यहाँ पर चार्ल्स लगा हुआ है म्यूटेंट्स को ढूंढने में। यहाँ पर आता है लोगन एक दूसरे कक्ष में और वो देखता है जो एक्सपेरिमेंट मेरे ऊपर किया गया था वही एक्सपेरिमेंट किसी और पर भी किया गया है। और तभी यहाँ पर आता है स्ट्राइकर और वो बोलता है मुझे लगता था कि तुम्हारे जैसा कोई और बन ही नहीं सकता, लेकिन मैंने बनाया तुमसे बेहतर, लो लड़ो। और वो लड़वा देता अपनी असिस्टेंट से और इसकी असिस्टेंट इसकी तरह ही तेज है और उसके नाखून में से क्लोज निकलते हैं और इन दोनों की घमासान लड़ाई होती है वो भी बड़े गजब स्टाइल से और ये लड़की इस पर भारी पड़ती है। और तभी लोगन उठाता है बहुत सारा उगलता हुआ एडमेंटियम का पाइप और वो इसके शरीर के अंदर ही घुसा देता है और बहुत सारा एडमेंटियम इस लड़की के अंदर भर जाता है जिसकी वजह से ये मर जाती है। यहाँ पर एक्सेवियर सारे म्यूटेंट्स को ढूंढ रहा है और तभी वहाँ पर आ जाता है मैग्नीटो सारे सिक्योरिटी वालों को मारता हुआ। वो सेरिब्रो का दरवाजा खोलता है और यहाँ पर स्ट्राइकर निकल जाता है। थोड़ी देर बाद यहाँ पर सारे म्यूटेंट तड़पने लग जाते हैं और तभी सेरिब्रो को बंद करके आ जाता है मैग्नीटो। ये बंदा मैग्नीटो के दिमाग को कंट्रोल करने की कोशिश करता है लेकिन उसके दिमाग पर कोई कंट्रोल नहीं कर सकता क्योंकि उसने पहना हुआ है एक हेमलेट। और वो यहाँ पर आकर सेरिब्रो को रिवर्स कर देता है यानी कि पहले म्यूटेंट को मारने का प्लान था अब सारे इंसानों को मारने का प्लान है। और मिस्टिक स्ट्राइकर बन के इस बच्चे को आदेश देती है कि सारे इंसानों को मार दो और वो बंदा एक्सेवियर के दिमाग में डालता है कि सारे इंसानों को मारना है और मैग्नीटो यहाँ से निकल जाता है। इधर दिखाया जाता है हमें स्ट्राइकर वो भागने की कोशिश करता है लेकिन लोगन उसको पकड़ लेता है और कहता है कि तुमने मेरे अंदर लोहा क्यों डाला, ये एडमेंटियम क्यों डाला। तो स्ट्राइकर बताता है कि तुम ही आए थे मेरे पास, तुम ही ने कहा था कि मेरे अंदर ये लोहा ये एडमेंटियम डालो, मुझे खतरनाक बंदा बनाओ। और वहाँ हमें दिखाया जाता है ये लेक पे जो बांध है वो टूटने वाला है और यहाँ पर ये सब लोग बचकर पहुंच चुके हैं चार्ल्स एक्सेवियर के पास। जेन कहती है कि अंदर एक्सेवियर सर हैं लेकिन उनके दिमाग को कोई कंट्रोल कर रहा है। और तभी सारे इंसान तड़पने लग जाते हैं, वहाँ प्रेसिडेंट भी तड़पने लगता है। और तभी ये बंदा कहता है कि मैं अंदर जा सकता हूँ और वो स्टॉर्म को लेकर पहुंच जाता है सेरिब्रो के अंदर और ये बच्ची इन दोनों के दिमाग के साथ खेलने लगती है। और यहाँ पर मैग्नीटो आया है स्ट्राइकर के पास और स्ट्राइकर को और तड़पाते हैं और यहाँ पर स्टॉर्म को समझ नहीं आता ये क्या हो रहा है। तभी वहाँ पर आंधी तूफान ला के ये जो इंसानों को मार रहा था वो सारा कनेक्शन तोड़ देती है जिसमें एक धमाका भी होता है और सेरिब्रो खराब हो जाता है। यार ये बंदा यहाँ से इनको बचा के बाहर निकलने लगता है और यहाँ पर इस पूरी फैसिलिटी में तबाही फैल जाती है और सब लोग इधर उधर भागने लगते हैं लेकिन लोगन इन सब को एक जगह से बाहर निकालता है। अब यहाँ पर सारे म्यूटेंट और म्यूटेंट बच्चे आजाद हो चुके हैं और तभी वो इंतजार करते हैं कि जहाज के आने का और जहाज को लेकर आती है रोग जिसको प्लेन अच्छे से उड़ाना नहीं आता। तो सारे म्यूटेंट आ जाते हैं प्लेन के अंदर लेकिन प्लेन फिर स्टार्ट नहीं होता है। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है स्ट्राइकर जिसको बांध रखा है मैग्नीटो ने बुरी तरह से और लोगन देता है उसका लॉकेट और कहता है अपना लॉकेट अपने पास रखो। और यहाँ पर एक्सेवियर जेन लोगन स्कॉट और स्टॉर्म जहाज को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और वो जहाज स्टार्ट नहीं हो रहा है और वहां से स्लो मोशन में सारा ब्रिज टूट रहा है और जेन देखती है कि बहुत तेजी से वहां से पानी आने लग रहा है
और तभी जेन यहाँ से निकल जाती है। वो जहाज का दरवाजा बंद करती है और प्लेन को स्टार्ट कर देती है अपने हाथों से, और दूसरे हाथों से उस पानी को बहने से रोकती है और बहुत कोशिश करके बहुत जान लगा के इस जहाज को ऊपर उठाती है। और लोगन इसको बोलता है कि जल्दी से उसको अंदर ले आओ, लेकिन वो कहता है कि मैं कुछ हिल नहीं सकता। सबको जेन कंट्रोल कर रही है, और तभी हमें दिखाया जाता है जेन के अंदर फ्यूनिक्स पावर वो ट्रिगर हो चुकी है और वो ब्लास्ट हो जाती है। लेकिन इनका जहाज हवा में उड़ जाता है और हर तरफ पानी पानी फैल जाता है, और ये लोग रोते हैं, शोक मनाते हैं जेन का, जिसने अपनी आहुति देकर इन सबको बचा लिया। और इधर में दिखाया जाता है प्रेसिडेंट एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करने जा रहा है वो म्यूटेंट के खिलाफ, वो सारे म्यूटेंट्स को मार देना चाहता है। तभी यहाँ पर सभी लोग फ्रीज हो जाते हैं और वहाँ पर आते हैं बहुत सारे म्यूटेंट, और चार्ल्स एक्सेवियर प्रेसिडेंट को देता है एक फाइल और कहता है कि ये जो भी रचा था आपको मारने का प्लान, पूरे दुनिया को मारने का प्लान, वो सब विलियम स्ट्राइकर का किया धरा है, और हम आपके साथ शांति से रहना चाहते हैं और हमें भी इस अर्थ पर रहने का हक दे दिया जाए। और यहाँ पे फाइल रख के ये लोग चले जाते हैं, और तभी वो टाइम को रिलीज कर देते हैं और प्रेसिडेंट के सामने होती है फाइल, और वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को मना कर देता है। और हमें यहाँ पर दिखाया जाता है स्कूल, जहाँ पर लोगन है, स्कॉट है, स्कॉट को समझाने की कोशिश की जा रही है कि जेन ने बहुत अच्छा काम किया है। और यहाँ पर एक्सेवियर फिर से बच्चों की क्लास लेता है, और यहाँ पर हमें लेक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें पानी के अंदर दिखाया जाता है कि वो फ्यूनिक्स अभी जिंदा है, यानी कि जेन अभी जिंदा है, और यहाँ पर ये फिल्म एंड हो जाती है। तो कहानी शुरू होती है एक्सेवियर और मैग्नीटो से, जो दोनों मिलकर आए हैं जेन ग्रे के घर पर। वो उनके पेरेंट्स से बात करते हैं कि आपकी बच्ची में सुपर नेचुरल पावर है, यानी कि वो म्यूटेंट है, और हमारे पास एक स्कूल है जहाँ हम बच्चों को उनकी पावर्स को कंट्रोल करना सिखाते हैं, तो आप अपनी बच्ची हमें दे दो। फिर वो मिलते हैं जेन ग्रे से और पूछते हैं तुम्हारी पावर क्या है, तो जेन इन्हें अपनी पावर का नमूना दिखाती है। वो बिना टच किए बाहर जितनी भी कारें हैं वो उठा देती है, और स्टैनली के पाइप का पानी भी उठा देती है उसे। ये दोनों उसे अपने साथ ले जाते हैं। और फिर हमें सीन दिखाया था 10 साल आगे का, यहाँ पे हमें दिखाया था एक साइंटिस्ट, उसका बेटा म्यूटेंट है, और ये बात ये अपने फादर से छुपाता है, लेकिन सच छुपता नहीं है, उसके फादर को पता चल जाता है। और यहाँ पर हमें सीन दिखाया जाता है एक्सेवियर के स्कूल का, जहाँ पे लोगन, स्टॉर्म ये दोनों मिलकर स्टूडेंट्स को ट्रेन कर रहे हैं ताकि वो आने वाली मुसीबत से कैसे लड़े। और यहाँ पे साइक्लोप्स दिखाया जाता है, यानी कि स्कॉट, जो कि अभी सदमे में है क्योंकि पिछली फिल्म में जेन की मृत्यु हो चुकी है और वो इसकी गर्लफ्रेंड थी, तो लोगों ने इसको समझाने की कोशिश करता है। और यहाँ पे दिखाया जाता है हंक, अब हंक जो है ये म्यूटेंट का प्रेसिडेंट बन चुका है, और वो ह्यूमन के प्रेसिडेंट के साथ बैठकर उन लोगों के साथ बैठकर चर्चा करते हैं। और इन्होंने पकड़ लिया है मिस्टिक को, और मिस्टिक से मैग्नीटो का पता लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मिस्टिक यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन रूम में जो पूछताछ करते हैं उन्हीं का रूप बनाती है, और पता नहीं किस चीज का रूप बनाकर इनको तंग करती है। और इधर दिखाया जाता है हंक को एक प्रोजेक्ट जो एक वैज्ञानिक ने बनाया है कि ये बच्चा है, ये बच्चा जिसको छू ले उसकी म्यूटेंट पावर खत्म हो जाएगी, यानी कि वो ह्यूमन बन जाएगा, और इन्होंने एक दवाई बनाई है जिससे म्यूटेंट्स की पावर को खत्म किया जा सकता है। और यहाँ पर दिखाया जाता है चार्ल्स एक्सेवियर वो बच्चों को ट्रेन कर रहा है, और हमें दिखाई जाती है एक नई स्टूडेंट जो कि दीवार के आर पार जा सकती है, और चार्ल्स इनको बायोलॉजी के बारे में कुछ सिखाता है। और यहाँ पर स्टॉर्म दुखी है, और दुख के कारण उस वो मौसम को बिगाड़ देती है, और चार्ल्स उसके पास आता है और उसको समझाता है कि तुम कुछ परेशान लग रही हो, तो कहती है मुझे इंसानों से अब डर लगने लगा है। और तभी आता है यहाँ पर हंक, वो चार्ल्स से मिलता है और बताता है कि ह्यूमंस ने एक ऐसी दवाई बनाई है जिससे म्यूटेंट्स की सारी पावर खत्म हो जाएगी और वो इंसान बन जाएंगे। तब यहाँ पर सब लोग डरते हैं। और इधर दूसरी तरफ दिखाया जाता है वो वैज्ञानिक जिसने वो दवाई बना ली है जिससे म्यूटेंट को ह्यूमन बनाया जा सकता है, वो सबके सामने लाइव टीवी पर आकर अनाउंसमेंट करता है कि जो भी म्यूटेंट इंसान बनना चाहता है वो हमसे कॉन्टेक्ट करे। और यहाँ पे हमें दिखाई जाती है रोग, रोग बहुत इंटरेस्टेड है, और यहाँ पर हंक इनको एक बात बोलता है कि जो भी म्यूटेंट इंसान नहीं बनना चाहता मुझे लगता है सरकार जबरदस्ती उनको इंसान बनाएगी। और यहाँ पर दूसरी तरफ दिखाया जाता है बहुत सारे म्यूटेंट इकट्ठा हो जाते हैं, और एक म्यूटेंट बहुत सारे म्यूटेंट का इकट्ठा करके उनको बोलता है कि हमें इंसानों के साथ घुल मिलकर रहना है, इसलिए हमें वो वैक्सीन लगवा लेनी है जिससे हम ह्यूमन बन जाएं। और तभी वहाँ पर आता है मैग्नीटो, और मैग्नीटो कहता है कि देखो हम म्यूटेंट हैं और सुपर पावर्स होना कोई गलत बात नहीं है, हमें अपनी रक्षा के लिए हमारे पास सुपर पावर्स होनी चाहिए, और वो बहुत सारे म्यूटेंट्स को अपने साथ जोड़ लेता है। यहाँ पर मिस्टिक को पकड़ के कहीं पर ले जाया जाता है, और तभी वो अलग अलग रूप बनाकर ऑफिसर्स को तंग करती है। और यहाँ पर हंक आता है उस बच्चे से मिलने के लिए जिसकी मदद से वो दवाई बनाई गई है, हंक उस बच्चे से मिलता है लेकिन इसकी पावर्स काम नहीं करती, और वो बहुत खुश भी होता है। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है लेक जहाँ पर जेन ग्रे की मृत्यु हुई है, वहाँ पे आता है स्कॉट और वो पानी में खड़ा होकर दुख से पानी के अंदर ही अपनी लेजर लाइट छोड़ता है, और तभी पानी में से बहुत बड़ा विस्फोट होता है और उसमें से निकलती है जेन, वो उसको अपने गले लगाती है, वो उसका चश्मा निकालती है और कहती है देखो, उसके बाद वो उसको किस करती है। और यहाँ पर चार्ल्स को पता चलता है कि कुछ बहुत ही गलत होने वाला है, वो लोगन और स्टॉर्म को वहाँ पर भेजता है। ये दोनों यहाँ पर आते हैं तो देखते हैं यहाँ पे तो ग्रेविटी की ऐसी की तैसी हो रखी है, बहुत सारा सामान पत्थर और स्कॉट का चश्मा हवा में तैर रहा है अपने आप ही। और तभी उनको मिलती है जेन ग्रे की बॉडी, और जेन ग्रे को ले आते हैं अपने लैब के अंदर,
और उसका इलाज करते हैं। यहाँ पर चार्ल्स एक्सेवियर बताता है कि जेन के अंदर बहुत सारी पावर्स हैं जिसको मैंने इतने टाइम से अपनी पावर से कंट्रोल कर रखा था, लेकिन वो मेरे कंट्रोल से बाहर हो रही हैं और उस पावर को खुद जेन भी कंट्रोल नहीं कर पाएगी, तो ये जितना सोए उतना सही है। और यहाँ पर ये वैज्ञानिक अपने बेटे को ह्यूमन बनाने के लिए उसे समझा रहा है, उकसा रहा है, और तभी इसका बेटा उठकर कहता है कि म्यूटेंट होना कोई बीमारी नहीं है, और ये बात बोलकर यहाँ से कूद के उड़ के भाग जाता है। और यहाँ पर म्यूटेंट आया है मिस्टिक को बचाने के लिए, वो ट्रक्स पर हमला करता है और मिस्टिक बंदे को मार के चाबी निकाल लेती है। और मिस्टिक बताती है कि बहुत सारे म्यूटेंट को इसी ट्रक में इन लोगों ने कैद कर रखा है। और मैग्नेटो यहाँ पे बहुत सारे म्यूटेंट से मिलता है, एक म्यूटेंट से मिलता है जो अपने बहुत सारे रूप बना सकता है, और एक जगरनॉट से मिलता है जो कि हर दीवार तोड़ सकता है। और तभी सिक्योरिटी गार्ड ह्यूमन बनाने वाली गन से फायरिंग करता है मैग्नेटो की तरफ, और मिस्टिक वो इंजेक्शन अपने ऊपर ले लेती है और वो ह्यूमन बन जाती है। और तभी मैग्नेटो कहता है कि तुम मेरे अब किसी काम की नहीं, और इसे छोड़कर यहाँ से निकल पड़ता है। और हंक आता है प्रेसिडेंट के पास और प्रेसिडेंट को समझाता है जो भी म्यूटेंट म्यूटेंट रहना चाहता है उनको म्यूटेंट रहने दो, आप हर किसी पर ये जिम्मेदारी थोप नहीं सकते, आपने बहुत सारे म्यूटेंट को इलीगली पकड़ रखा है उनको ह्यूमन बनाने के लिए, तो मैं आपको छोड़कर यहाँ से जा रहा हूँ एक्सेवियर के पास। और यहाँ पर दिखाया जाता है कि जेन को होश आ चुका है और वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो चुकी है, वो लोगों को किसी मिसी करती है। और तभी लोगों कहते हैं कि तुम बदल चुकी हो, मुझे ये बताओ स्कॉट का क्या हुआ। तभी जेन सोचने लगती है और यहाँ पर हर चीज आउट ऑफ कंट्रोल होने लगती है और जेन अपनी पावर्स को कंट्रोल नहीं कर पाती, वो लोगों को बोलती है कि प्लीज मुझे मार दो, लेकिन लोगों कुछ नहीं कर पाता और जेन यहाँ से निकल कर भाग जाती है। यहाँ पर ये लड़की आई है मैग्नेटो के पास और वो आकर बोलती है म्यूटेंट में एक ऐसा म्यूटेंट भी है जिसके अंदर बहुत सारी पावर्स है, मुझे अभी पता चला है, हमें उसे अपने साथ जोड़ना होगा। यहाँ पर एक्सेवियर कहता है कि हमें जेन को मैग्नेटो से पहले ढूंढना होगा, और वो आता है जेन के घर पर और वहीं पर आता है मैग्नेटो भी। ये दोनों जाते हैं जेन को मनाने के लिए और यहाँ पर जेन इन्हीं का इंतजार कर रही है। तो चार्ल्स इसको बोलता है कि देखो तुम हमारे साथ आ जाओ तो हम तुम्हारी शक्तियों को कंट्रोल करना सीख जाएंगे, लेकिन मैग्नेटो कहता है कि तुम्हें अपनी शक्तियाँ कंट्रोल करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम जो चाहे वो कर सकती हो, बट डरना छोड़ दो। और तभी यहाँ पर जेन जो है वो कंफ्यूज होने लगती है और यहाँ पर म्यूटेंट और म्यूटेंट आपस में लड़ने लग जाते हैं, मैग्नेटो और एक्सेवियर के बंदे। यहाँ पर जेन भी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, एक्सेवियर इसकी पावर को कंट्रोल करने की कोशिश करता है लेकिन जेन इसको कंट्रोल करने लग जाती है और सारे घर को हवा में उड़ा देती है और एक्सेवियर को मार देती है। और फिर मैग्नेटो उसको तसल्ली देता है और उसको अपने साथ ले जाता है। और जब ये बात लोगन और स्टॉर्म को पता चलती है कि एक्सेवियर नहीं रहे तो ये दोनों रोते हैं। और स्कूल में होता है एक्सेवियर का फ्यूनरल जहाँ पर स्टॉर्म अच्छा अच्छा भाषण देती है। उसके बाद रोग यहाँ से निकलने लगती है तो लोगन कहता है कि मत जाओ, लेकिन ये कहती है कि नहीं मैं शुरू से इंसान बनना चाहती हूँ तो मैं जा रही हूँ। और इधर दिखाया जाता है जेन के कान भर रहा है मैग्नेटो और बता रहा है कि इंसानों ने ये चीज बनाई है जिससे सारे म्यूटेंट को खत्म किया जा सकता है, और वो बहुत बड़ी टीम बनाकर पूरे जंगल में घूमता है। और यहाँ पर हंक कहता है अब तो एक्सेवियर नहीं रहे, ये स्कूल तो शायद बंद करना पड़ेगा। और तभी यहाँ पर आता है उस वैज्ञानिक का बेटा, कहता है क्या मुझे इस स्कूल में एडमिशन मिलेगा। तो स्टॉर्म कहती है ठीक है मिलेगा, और वो फैसला करती है कि एक्सेवियर का स्कूल कभी बंद नहीं होगा, हम लोग इस स्कूल को चलाएंगे। और यहाँ पर लोगन एक्सेवियर के कब्र के पास होता है और उसको जेन की आवाजें आती हैं, तो वो अपना सामान पैक करके जाता है जेन के पास। और यहाँ पर मैग्नेटो टीवी पर आकर सारे म्यूटेंट को बोलता है कि म्यूटेंट होना कोई बीमारी नहीं है, तो तुम लोग मेरे साथ आ जाओ, असल में बीमारी तो इन इंसानों को है जो म्यूटेंट को खत्म करना चाहते हैं। ऐसे ऐसे करके वो बहुत सारी धमकियां देता है। और तभी यहाँ पे जो प्रेसिडेंट होता है वो मैग्नेटो की बात सुन लेता है, वो अपनी आर्मी भेज देता है मैग्नेटो के खिलाफ कि उसको मारो। और आर्मी बिना लोहे का इस्तेमाल ये प्लास्टिक की चीजें लेकर निकल पड़ते हैं। और यहाँ शहरों में प्रोटेस्ट हो रहा है, आधे लोग म्यूटेंट रहना चाहते हैं और आधे लोग इंसान बनना चाहते हैं। और यहाँ मैग्नेटो बहुत अच्छा अच्छा भाषण दे रहा है म्यूटेंट्स को। ओनी के बीच में आ जाता है लोगन और लोगन देख लेता है जेन को और जेन को इशारा करता है कि चलो उधर मिलो, उसके बाद ये दोनों बातें करते हैं। और तभी वहां पर आता है मैग्नेटो और मैग्नेटो कहता है कि मेरे शिकार पे नजर मत डालो, और वो उसको यहां से बहुत दूर फेंक देता है। और यहां पर प्रेसिडेंट को पता चलता है कि जंगल के बीच में बहुत सारे म्यूटेंट हैं, तो प्रेसिडेंट कहता है जाओ उस एरिया में पकड़ो इन सबको, तो वो गन के साथ प्लास्टिक वाली गन के साथ भेज देता है उस जंगल में, और उस जंगल को सारी आर्मी घेर लेती है। और तभी धीरे धीरे सारे के सारे म्यूटेंट गायब होने लगते हैं। हमें पता चलता है ये एक ही बंदा था जो बहुत सारे रूप बनाकर उस जंगल में खड़ा था, यानी कि इनको मैनिपुलेट किया जा रहा था। और यहाँ मैग्नेटो आया है एक जगह पर तबाही फैलाने के लिए। यहाँ पर हंक इनको बताता है हमें तैयार होकर जाना पड़ेगा उस बच्चे को बचाने के लिए, क्योंकि मैग्नेटो जा रहा है उस बच्चे को मारने जिसकी वजह से ये दवाई बनी है। और ये लोग टीम बना के निकल पड़ते हैं अपने जहाज के अंदर। और यहाँ पर मैग्नेटो आया है इस पुल को उठाने के लिए। इस पुल के ऊपर बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारी कारें होती हैं, और इन सबके साथ ही मैग्नेटो इस पूरे पुल को हवा में उठाकर ले जाता है उसी फैसिलिटी में जहाँ पर वो बच्चा है। और वो बच्चा भी देखता है कि हमारी तरफ बहुत बड़ा पुल आ रहा है, और वो पुल लाकर इस फैसिलिटी से जोड़ देता है। उसका
का तो बहुत सारे म्यूटेंट भेजता है, जाओ उस बच्चे को मार दो। और तभी यहाँ पर बहुत सारी आर्मी निकलती है और उन म्यूटेंट को शूट करने लगती है, जिससे वो इंसान बनने लग जाते हैं। और यहाँ मैग्नीटो खुद भी आर्मी को मारता है, अपने बंदों से आर्मी की गन्स को तोड़वाता है। और यहाँ पर प्रेसिडेंट देखता है कि यहाँ पर म्यूटेंट की तादाद ज्यादा है, तो सारे इंसान जो है हमारे जो मिलिट्री के लोग मारे जा सकते हैं। और तभी हवा में से उतरते हैं हमारे एक्समैन, वो आर्मी की तरफ से हो जाते हैं और उनकी मदद करते हैं दूसरे म्यूटेंट से लड़ने में। और हंक, लोगन और सारे म्यूटेंट मिलकर दूसरे म्यूटेंट से लड़ते हैं। और यहाँ पे लड़की जो हवा के अंदर घुस जाती है, वो इस मोटू को सीमेंट के अंदर फंसा देती है। ये मोटू कहता है कि तुम मुझे रोक नहीं पाओगी, और वो भागना शुरू करता है। और ये लड़की जो दीवार के आर पार भाग सकती है, वो बहुत दूर भाग जाती है। और यहाँ पर हंक और लोगन दोनों लड़ रहे हैं, तो फाइनली ये लड़की आ जाती है उस बच्चे के पास और उसको लेकर दीवार में भागने की कोशिश करती है, लेकिन इस बच्चे के सामने किसी की पावर नहीं चलती। और तभी यहाँ पर आ जाता है ये मोटू इनको टक्कर मारने के लिए, और ये लोग उधर झुकते हैं, लेकिन इस बच्चे के पास किसी की सुपर पावर वर्क नहीं करती, तो ये दीवार से टकरा के नीचे गिर जाता है। और इधर में दिखाया जाता है ये बंदा जो कि उस वैज्ञानिक को जिसने ये वैक्सीन बनाई है उसको नीचे गिर देता है, तभी उसका बेटा हवा में ही उसको कैच कर लेता है। और इधर दिखाया जाता है फायर फिस्ट मैग्नीटो कारों को उड़ाता है और फायर फिस्ट उसमें आग लगाकर आर्मी पर हमला करता है। यही चीज लोगन, स्टॉर्म और हंक देख लेते हैं और वो एक प्लान बनाते हैं मैग्नीटो को हराने का। तो फायर फिस्ट के पास भेजते हैं बॉबी को, क्योंकि बॉबी आग को पानी बना सकता है। तो इन दोनों की लड़ाई होती है, इधर फायर फिस्ट आग फेंकता है, उधर से बॉबी बर्फ से उसकी आग को बुझाता रहता है और वो खुद बर्फ में बदल जाता है और उसके हाथों को पकड़ के बुझा देता है। और यहाँ लोगन को उसका बंदा फेंकता है मैग्नीटो की तरफ, लेकिन मैग्नीटो उसको कंट्रोल करता हुआ नीचे गिरा देता है और बोलता है कि तुम मुझसे कभी नहीं सीखोगे। और तभी उसके पीछे से आता है हंक, वो बहुत सारी वैक्सीन इसके सीने में घुसा देता है, जिससे मैग्नीटो अब ह्यूमन बन जाएगा। और वो ह्यूमन बनता बनता जेन को बोलता है कि देखो इंसान बहुत बुरे हैं, वो हमसे हमारी शक्तियां छीन लेना चाहते हैं। तभी जेन पर बहुत सारी आर्मी वैक्सीन से हमला करती है और जेन को गुस्सा आता है, वो बहुत सारी आर्मी को एक्समैन के सामने ही मार देती है और बहुत तबाही फैलाने लगती है। वो म्यूटेंट को भी मारती है, इंसानों को भी मारती है। और मैग्नीटो कहता है कि ये मैंने क्या कर दिया। यहाँ पर स्टॉर्म कहती है कि जल्दी से यहाँ से निकलो, मैं कुछ कंट्रोल करने की कोशिश करती हूँ। पर यहाँ पर बहुत तबाही होती है, सब लोग मरने लग जाते हैं, कारें टूटने लग जाती हैं, पानी हवा में उड़ने लग जाता है। तो हमारा लोगन बढ़ता है जेन की तरफ, लेकिन जेन इस पर भी हमला करती है और बहुत ही मुश्किलों के बाद, बहुत ही शिद्दतों के बाद लोगन उस तक पहुँचता है और कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो जेन कहती है कि प्लीज मुझे मार दो अगर तुम इंसानों को बचाना चाहते हो। तो लोगन अपने क्लोज निकालता है और इसके पेट में घुसा के जेन को मार देता है। और यहाँ पर ये तबाही रुक जाती है और लोगन बहुत दुखी होता है। और यहाँ पर फाइनली हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जेन ग्रे और चार्ल्स एक्सेवियर और स्कॉट तीनों मर चुके हैं। यहाँ पर बॉबी के पास आई है रोग ह्यूमन बनकर, और यहाँ पर स्टॉर्म अब मेन प्रिंसिपल बन चुकी है। वो उस बच्चे को भी उसकी पावर कंट्रोल करना सिखाती है, जिसकी वजह से वैक्सीन बनी थी। और यहाँ पर प्रेसिडेंट भी एक्समैन से बहुत खुश होता है, क्योंकि उन्होंने इंसानों की बहुत मदद करी है। और यहाँ हमें लोगन दिखाया जाता है जो कि स्कूल का अब सबसे पावरफुल इंसान बन चुका है। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है वो पुल जिसकी मदद कर रहा है ये उड़ने वाला बंदा उसको रिपेयर करने में। और यहाँ हमें दिखाया जाता है मैग्नीटो जिसकी पावर्स वापस आ चुकी है। और यहाँ पर ये फिल्म एंड हो जाती है। कहानी शुरू होती है वर्ल्ड वॉर से, मतलब वर्ल्ड वॉर टू से, जहाँ पर जापानीज लोग इधर उधर भाग रहे अपनी जान बचाने के लिए। और वहाँ की जो मिलिट्री है उन्हें पता है यहाँ पर अब न्यूक्लियर बॉम्ब फटने वाला है, तो वो कुछ सिपाहियों को वहाँ से भगाता है। और हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है हमारा वुल्वरीन यानी कि लोगन, वो एक कुएं के अंदर छुपा होता है और तभी उसको यशिदा देख लेता है और उसके पास आता है, उसको बचाने की कोशिश करता है, कहता है कि तुम यहाँ से निकलो नहीं तुम मारे जाओगे। तो वुल्वरीन कहता है कि देखो तुमने अपनी जान बचानी है तो तुम अंदर ही मेरे साथ कुएं में आ जाओ। और तभी वुल्वरीन इसको अपने साथ ही कुएं में खींच लेता है और उधर न्यूक्लियर बॉम्ब फट जाता है और हर तरफ तबाही मचनी शुरू हो जाती है। और वुल्वरीन एक ढक्कन से यशिदा की जान बचाता है और खुद जलकर ऐसा हो जाता है। उसके बाद उसकी आंखें खुलती हैं और हमें दिखाया जाता है ये प्रेजेंट का सीन है, यानी कि एक्समैन 1, 2, 3 जो थ्री थी द लास्ट स्टैंड, उसके बाद की कहानी दिखाई जाती है कि वुल्वरीन अकेला है, उसे जेन की मौत का सदमा लगा है और वो एक बार में जाता है, थोड़ी सी ड्रिंक करता है। तभी वहाँ पर कुछ लोग जान जाते हैं कि म्यूटेंट है, वो लोग इससे पंगे लेने की कोशिश करते हैं। तभी वुल्वरीन को बचाने पहुंच जाती है यूकियो और वो वुल्वरीन को रिसीव करती है और उसको बोलती है कि मुझे यशिदा ने भेजा है तुम्हारा धन्यवाद करने के लिए, तुमने एक बार उनकी जान बचाई थी वर्ल्ड वॉर टू में। और वो बताती है कि हमारी नजर काफी टाइम से तुम्हारे ऊपर थी और जो यशिदा है उन्होंने मुझे पाला है और वो बस तुम्हें से मिलकर तुम्हें शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। उसके बाद वुल्वरीन को लाया जाता है यशिदा के यहाँ और यशिदा बहुत करोड़पति आदमी हो गया है और वो देखता है कि यशिदा बहुत बूढ़े हो गए और वो मरने वाले हैं और वो अपनी बेटी से कुछ बात करते हैं। उसकी बेटी यहाँ से निकलती है, उसके बाद योक्यो वुल्वरीन को कहती है चलो यहाँ पे नहा धो लो, लेकिन वो मना करता है। उसके बाद जबरदस्ती इसे कुछ औरतें कुछ लड़कियां नंगा करके इसको नहलाती हैं, उसके बाद इसको एकदम स्मार्ट बना दिया जाता है। उसके बाद वुल्वरीन आता है यशिदा से मिलने और यशिदा के पास में दिखाई जाती है एक
एक डॉक्टर जो कि दिखता है कि ये जरूर कोई ना कोई बड़ा कांड करेगी। तो यहाँ पर यशोदा वुल्वरीन से मिलता है और वो उसको बोलता है कि मुझे पता है तुम काफी टाइम से मरना चाहते हो, एक आम आदमी की जिंदगी जीना चाहते हो, तो मैं तुम्हें वो दे सकता हूँ। मैं तुम्हारा म्यूटेशन अपने अंदर ले लूंगा जिससे तुम्हारी जो ताकत है वो मेरे अंदर आ जाएगी और तुम एक इंसान बन जाओगे, तुम यही चाहते हो ना। तो वुल्वरीन कहता है कि मैं तो देखो एक ऐसे बंदे से मिलने आया था जो दूसरों के लिए अपनी जान दांव पे लगा रहा था, तुम बदल चुके हो। तो यहाँ पर यशोदा कहता है कि देखो तुम ऐसा कर दो क्योंकि मेरे परिवार पर बहुत बड़ा खतरा आने वाला है। लेकिन वुल्वरीन कहता है कि नहीं तुम पागल हो गए हो। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है यशोदा का बेटा यकूजा। यकूजा अपनी बेटी को बिल्कुल पसंद नहीं करता, वो उसे थप्पड़ मार के माँ से भगा देता है। उसके बाद यकूजा की बेटी जिसका नाम है मारिको कूद के मरने की कोशिश करती है लेकिन वुल्वरीन उसको बचाता है। उसके बाद वो थोड़ा सा घूमता फिरता है और कोई इसके कोल्ड ड्रिंक में कुछ मिला देता है। और यहाँ पर यशोदा से मिलने आया यकूजा। यकूजा कहता है कि तुम मरने से पहले सारी प्रॉपर्टी किसके नाम करोगे? तो यशोदा कहता है कि मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी मारिको के नाम कर रहा हूँ। और यहाँ पर वुल्वरीन को खबर मिलती है कि यशोदा अब नहीं रहे। और नेक्स्ट टाइम यशोदा का फ्यूनरल होता है और वो देखता है कि बहुत लोग आए हैं यहाँ पर मिलने के लिए यशोदा से। और वहीं पर हमें दिखाया जाता है ये बंदा जो कि एक मिनिस्टर है और ये मारिको का मंगेतर है। और वहीं पर आती है ये डॉक्टर जो कि मैं जानता हूँ शक्ल से हरामी है। और एक बंदा दिखाया जाता है जो कि घर के ऊपर छुपा होता है और ये यकूजा परिवार का रक्षक है। यहाँ पर यूकियो और वुल्वरीन आकर मिलते हैं यकूजा से और यकूजा इसकी बेइज्जती करता है। उसका मारिको को कहीं पर ले जाया जाता है और तभी वुल्वरीन देखता है कि ये बंदा जो है इनके हाथों पर टैटू है और ये साधु लोग हैं, तो इसे शक होता है। उसका वो मारिको का हाथ पकड़ता है और तभी ये लोग जो साधु होते हैं वो वुल्वरीन को गोली मारते हैं। इस बार वुल्वरीन का जख्म जल्दी भरता नहीं है। और यहीं पर योकियो भी उन लोगों पर हमला करती है जो मारिको को लेने आए हैं और यहाँ पर बहुत लड़ाई होती है। वुल्वरीन बहुत लोगों को मारता है और ये जो डॉक्टर है ये इन सबकी वीडियो बनाती है। और वहाँ जो ऊपर रक्षक है यशोदा का जो रक्षक है वो भी विलन्स को मारता है अपने तीर से। उसके बाद वुल्वरीन बहुत ज्यादा घायल हो जाता है क्योंकि उसके जख्म पहले की तरह ठीक नहीं हो रहे हैं और इसको बहुत सारे लोग मिलकर मारने लगते हैं। तभी यशोदा का रक्षक जिसका नाम है हरादा वुल्वरीन की जान बचाता है लोगों को मार के। उसके बाद मारिको को वुल्वरीन लेकर इधर उधर भागता है और शरादा इन दोनों की रक्षा करता है छतों से छते टप टप कर। यहाँ पर योकियो को शक होता है कि ये सारे हमले मुझे लगता है मारिको का पापा ही करवा रहा है। उसके बाद मारिको का पापा आता है, योकियो को धमकाता है, कहता है कि तुम एक नौकर हो, नौकर की तरह रहो। और यहाँ पर वुल्वरीन ट्रेन के अंदर चढ़ चुका है, बुलेट ट्रेन के अंदर वो आता है टॉयलेट के अंदर और देखता है कि उसके जख्म यहाँ जल्दी भर नहीं रहे हैं। और तभी यहाँ पर हमला हो जाता है फिर से कुछ अलग लोगों का और यहाँ पर बहुत ही घमासान लड़ाई होती है। लड़ते लड़ते ये लोग बुलेट ट्रेन के ऊपर आ जाते हैं और बुलेट ट्रेन के ऊपर भी घमासान लड़ाई हमें दिखाई जाती है और वुल्वरीन अपने दिमाग का इस्तेमाल करके इनको हरा देता है। उसके बाद वो मारिको को लेकर यहाँ से भागता है और कहता है कि हमें यहीं बीच में किसी स्टेशन पर उतरना होगा। और वो उतर जाते हैं और वो एक जगह पर कमरा लेते हैं जहाँ पर कपल्स मेकआउट करते हैं, वहाँ पर एक कमरा लेते हैं। उसके बाद वुल्वरीन कहता है कि तुम यहाँ पर सो जाओ, मैं तुम्हारी रक्षा करता हूँ। वुल्वरीन बालकनी से थोड़ा इधर उधर देखता है तभी वहाँ पर एक बंदा आ जाता है, इसको गोली मारता है और इस पर हमला कर देते हैं। तभी मारिको उन बंदों को मार देती है और वुल्वरीन को बचाकर एक तबेले में ले जाती है और तबेले में होता है एक अधूरा डॉक्टर यानी कि एक स्टूडेंट, वो इसका इलाज करता है और इसके अंदर की सारी गोलियां निकालता है जो कि जानवरों का डॉक्टर होता है। और यहाँ पर हरादा के पास आई है वही डॉक्टर और हमें पता चलता है कि ये तो नागिन है। और इसी डॉक्टर ने हरादा को बोला था कि वुल्वरीन को पकड़ना है वो भी जिंदा। और यहाँ पर दिखाया जाता है वुल्वरीन मारिको के साथ आया है एक जगह पर घूमने के लिए और ये दोनों आपस में बात करते हैं। वुल्वरीन पूछता है कि बताओ तुम्हारे पीछे इतने लोग क्यों पड़े हुए हैं? तो मारिको बताती है कि ये जो गुंडे थे यहाँ पर वो मेरे पापा के गुंडे हैं और मेरे दादाजी ने सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दी है, इस वजह से मेरे पापा मेरे से गुस्सा है। उसके बाद ये लोग थोड़ा और घूमते हैं और वुल्वरीन देखता है कि ये तो वही जगह है जहाँ पर मैंने एक टाइम पर मारिको के दादाजी की जान बचाई थी। और तब दिखाया जाता है वो सीन जहाँ पर यशोदा वुल्वरीन को थैंक्स बोलता है अपनी जान बचाने के लिए, उसकी जान बचाने के लिए, और उसको देता है एक कटाना और कहता है इसे दोनों हाथों से चलाना। उसके बाद ये बात जानकर मारिको भी इससे काफी अट्रैक्ट हो जाती है और ये दोनों वन नाइट स्टैंड कर लेते हैं और ये लोग अच्छी अच्छी बातें करते हैं और हमें पता चलता है कि मारिको भी बहुत अच्छी लड़की है। और तभी सुबह उठते हैं तो मारिको को कुछ लोग लेकर जाने लगते हैं। वुल्वरीन उनको रोकने की कोशिश करता है लेकिन वुल्वरीन को गोलियां मारते हैं बहुत सारे और वुल्वरीन के जख्म जल्दी भरते नहीं है। और तभी वहाँ पर आती है योकियो, वो उसको लिफ्ट देती है, कहती है कि मारिको को उसके फादर उठाकर ले गए हैं तो हमें उसे बचाने जाना है, लेकिन आप ना ही जाएं तो ठीक है क्योंकि मैंने सपने में देखी है तुम्हारी मौत। तो वुल्वरीन पूछता है तुमने क्या देखा? तो योकियो कहती है कि मैंने देखा तुमने अपना दिल अपने हाथ में पकड़ा और वो धड़क नहीं रहा है। उसके बाद वो आता है मारिको के मंगेतर के पास और उससे पूछता है ये सब क्या चल रहा है, इतने सारे गुंडे हमारे पीछे क्यों लगे हुए हैं, शहर तुम्हारा है, नेता तुम हो। तो ये बताता है असल में सारी की सारी प्रॉपर्टी जो है वो मारिको के नाम हो चुकी है और उसका फादर यकूजा वो नहीं चाहता कि ये सारी प्रॉपर्टी उसके हाथ से निकल जाए, इसलिए उसी ने मुझे बोला था तुम पर हमला कराने के लिए, मारिको को मारने के लिए। तो मारिको को अभी यकूजा के यहाँ पर ले जाया गया है और तभी यहाँ पर यकूजा के यहाँ पर हमला कर देता है हरादा। और यहाँ पर यकूजा मारिको को फिर से धमकाता है और तभी यहाँ पर हमला कर देते हैं हरादा के बहुत सारे लोग और हरादा से मारिको मिलता है और उसको अपने साथ ले जाता है। और यहाँ पर यकूजा को ये नागिन मार देती है, मतलब कि इसको जहर लगा देती है थोड़ा सा, लेकिन ये मरता नहीं है, ये तड़पता हुआ भाग जाता है पानी के अंदर। और तभी वहाँ पर आता है वुल्वरीन योकियो के साथ, लेकिन
ये यहाँ से निकल जाती है नागिन। वो जो यहाँ पर आकर देखता है कि यहाँ पर कितनी सारी तबाही फैला रखी है और यहाँ पर लिखा है कम एंड गेट हर, यानी कि एक इसको चेतावनी दी गई है कि यहाँ पर आओ और इसको ले जाओ, यानी इसकी गर्लफ्रेंड को। तो योग्य बताते हैं कि ये जगह इस जगह पर है, हमें यहाँ जाना होगा। और तभी वोल्वरीन देखता है एक जगह और वो अपने आप को स्कैन करता है और हमें दिखाई जाती है इसके अंदर जो स्केलेटन है वो सारा का सारा एडमेंटियम धातु का बना हुआ है। और वो अपने दिल को स्कैन करता है और उसे पता चलता है कि इसके दिल के पास कुछ है छोटा सा कीटाणु जैसा। तो वो अपना सीना चीरने की कोशिश करता है, लेकिन योक्यो कहती है कि नहीं ऐसा मत करो, मैंने देखा है तुम मर जाओगे। तो वोल्वरीन कहता है मैं कभी नहीं मरता और वो अपना सीना चीर के उस कीटाणु को निकालने की कोशिश करता है। और तभी यहाँ पर आ जाता है यकूजा वोल्वरीन को मारने के लिए, लेकिन उसकी जान बचाती है योक्यो। योक्यो और यकूजा की बहुत ही भयंकर घमासान लड़ाई होती है और इसी लड़ाई के बीच में वोल्वरीन वो कीटाणु निकाल लेता है, लेकिन वो बहुत लेट हो जाता है, वो मर जाता है। और यहाँ पर यकूजा योक्यो को बुरी तरह से मारता है, पीटता है, उसे मारने ही वाला होता है। तभी यहाँ पर वोल्वरीन के सारे जख्म भर जाते हैं और वो होश में आ जाता है और वो यकूजा की तलवार का सामना करता है और कहता है कि मेरे दोस्तों से दूर रहो। उसके बाद इन दोनों की भयंकर लड़ाई होती है जिसमें यकूजा इसको यानी वोल्वरीन को तलवारें घुसा देता है उसके सीने में, लेकिन उसको कुछ नहीं होता। फिर दोबारा से वो बहुत भयंकर हमला करता है, फिर से इसके अंदर तलवार घुसा के उसका पेट काट देता है, लेकिन इसको कुछ नहीं होता। तो यकूजा कहता है तुम किस मिट्टी के बने हुए हो? तो वोल्वरीन कहता है मैं जानवर हूँ। उसके बाद उसे छोड़कर जाने लगता है, लेकिन ये यकूजा फिर से उस पर हमला करता है, लेकिन इस बार वोल्वरीन इसको मार देता है और अपने सीने से तलवार निकालता है। उसके बाद वो योक्यो को बोलता है देखा मैंने कहा था ना मैं कभी नहीं मरता। उसके बाद वो एड्रेस लेकर निकल पड़ते हैं यहाँ से। और यहाँ पर योक्यो देखती है एक प्रोजेक्ट और इधर में दिखाया जाता है मारिको से मिलने आया है हरादा और वहीं पर है ये नागिन। तो ये लोग बताते हैं एक्चुअल प्लान क्या है। तो ये नागिन बताती है कि तुम्हारे जो दादाजी हैं वो जिंदा है और वो जवान होना चाहते हैं, जिसकी वजह से उन्होंने वोल्वरीन को पकड़ना था, लेकिन सारा प्लान चौपट हो गया। और ये नागिन हरादा को देती है एक लिक्विड, कहती है कि अपने तीरों को इसमें डुबा के वोल्वरीन पे मारोगे तो वो घायल हो जाएगा, नहीं तो वैसे तुम्हारे आम तीर उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उसके बाद वो मारिको को लेकर आती है उसके दादाजी के पास और कहती है कि तुम्हारे दादाजी उसके अंदर हैं, इस समुराई के अंदर, जिसमें वो बिल्कुल सेफ हैं। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है हरादा अपनी टीम के साथ आया है वोल्वरीन को जिंदा पकड़ने के लिए, उसको रोकने के लिए। तो वो कहता है मेरे सामने से हट जाओ, लेकिन हरादा कहता है नहीं। तो यहाँ पर हरादा और उसके बंदे मिलकर वोल्वरीन को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वोल्वरीन एक एक को मारता हुआ आगे बढ़ता रहता है। और यहाँ पर योक्यो भी छुप छुप कर आगे बढ़ती है और उधर से मारिको देखती है कि वोल्वरीन कितने सारे तीर खाकर मुझे बचाने के लिए आ रहा है और बहुत ही सारे तीर, बहुत ही ज्यादा तीर वोल्वरीन के पीठ में घुसे होते हैं। और तभी हरादा उस जहर में डुबाकर एक तीर मारता है जिसके असर से हमारा वोल्वरीन यानी हमारा लोगन बेहोश हो जाता है और मारिको देखते कि मुझसे कितना प्यार करता है। और यहाँ पर योक्यो छुप छुप कर पहुंचती है उसके इलाके में और यहाँ पर वोल्वरीन की आंखें खुलती हैं और वो देखता है कि उसके हाथ एक मशीन के अंदर बंद है। और वहाँ पर आती है नागिन और नागिन कहती है कि तुम तो बड़े बलवान हो, तुम तो बहुत ताकतवर हो, मैंने तुम्हें इतनी बार मारने की कोशिश की लेकिन तुमने हर बार बच गए तुम मेरे जहर से। तो बोलता है कि भाई मेरे हाथ खोल दे फिर मैं तेरी बैंड बजाता हूँ। उसके बाद वोल्वरीन अपने क्लोज निकालता है और ये नागिन कहती है मैं इसी चीज का तो इंतजार कर रही थी। और यहाँ पर हरादा अपने प्यार का इजहार करता है मारिको से और मारिको कहती है कि ऐसा नहीं यार, देखो मैं तुमसे प्यार व्यार नहीं करती। और यहाँ पर समुराई उठता है और उधर हरादा मारिको को किस करने की कोशिश करता है, लेकिन मारिको उसका खंजर निकाल के उसे ही मार के भाग जाती है। और यहाँ पर ये समुराई वोल्वरीन के क्लोज काटने की कोशिश करता है, लेकिन वोल्वरीन अपनी जान बचाता है, मारिको को लेकर भागता है। यहाँ पर नागिन पे हमला करता है हरादा, क्योंकि हरादा मारिको की टीम से हो गया, वो जानता है कि मारिको मुझसे प्यार नहीं करती। और यहाँ पर फिर से वो समुराई और वोल्वरीन लड़ते हैं और यहाँ पर ये नागिन अपनी केचली उतारती है और यहाँ पर ये समुराई वोल्वरीन के एक हाथ के क्लोज काट देता है। और यहाँ पर योक्यो वो सामना करती है इस नागिन का और बहुत भयंकर घमासान लड़ाई होती है। और यहाँ पर वोल्वरीन समुराई से अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा है और यहाँ पर योक्यो नागिन को एक जगह फंसा कर लिफ्ट में इसका सर कटवा देती है। और यहाँ पर समुराई वोल्वरीन के दूसरे क्लोज भी काट चुका है और वो एक जगह पर लटका के उसके हाथों को पकड़ के अपनी मशीन से उसकी ताकत अपने अंदर लेता है कि देखो मैं तुम मरना चाहते हो तो तुम मर जाओ, लेकिन अपनी ताकत मुझे दे दो। और दूसरी तरफ देखती है मारिको कि मेरे दादा कितने बुरे आदमी हैं। और यहाँ पर यशिदा जवान होने लगता है और वोल्वरीन हमारा बूढ़ा होने लगता है, लेकिन इसके बीच में ही मारिको अपने दादाजी को मार देती है, पीछे से कुछ चुबा देती है उसको। और वहीं पर आ जाती है योक्यो, वो भी वोल्वरीन की मदद करती है। और यहाँ पर वोल्वरीन उस समुराई के जिसके अंदर यशिदा जिंदा था उसको पूरी तरह से तोड़ देता है और उसको एक पहाड़ी से ढकेल के मार देता है। और यहाँ पर वोल्वरीन फिर से नींद में चला जाता है और ये दोनों उसकी रक्षा करते हैं। उसके बाद दिखाया जाता है सीन कि मारिको को अपना बिजनेस संभालना है और वो योक्यो को वोल्वरीन के साथ भेजती है, कहती है कि इसके साथ ही रहना। और वोल्वरीन मारिको को किस करके यहाँ से निकल पड़ता है योक्यो के साथ एक अलग सफर पर। उसका सीन दिखाया जाता है 2 साल बाद का, जहाँ पर वोल्वरीन
कहीं पे जा रहा होता है और तभी वहाँ पर आता है मैग्नीटो। वो उस पर हमला करने की कोशिश करता है और तभी वहाँ पर सारी चीजें रुक जाती है और वहाँ पर आता है चार्ल्स एक्सेवियर और वो उसको बताता है कि मैग्नीटो और मैं, हम दोनों पूरी मानव जाति को, पूरे म्यूटेंट जाति को बचाना चाहते हैं क्योंकि दुश्मन ने एक ऐसी चीज बना ली है जिससे म्यूटेंट को भी खतरा है और इंसानों को भी खतरा है, तो हमारे साथ आ जाओ। और यहाँ पर ये फिल्म एंड हो जाती है। तो शुरू होती है पोलैंड 1944 से, जहाँ हमें दिखाए जाते हैं कुछ गुलाम जिनको पकड़ के एक जगह पर ले जाया जा रहा है और वहीं पर होते हैं एक माँ और एक बेटा जिन्हें सिपाही लोग मिलकर अलग कर देते हैं और माँ को दूसरी तरफ ले जाया जाता है और इधर से बच्चा अपनी माँ को बचाने की कोशिश करता है। इसी कोशिश में हमें पता चलता है कि इसके अंदर सुपर पावर है और वो अपने हाथों से लोहे के दरवाजे को खींच लेता है। और यहाँ दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है न्यूयॉर्क शहर, जहाँ पर ये लड़का है अपने घर में, इसे लग रहा है इसके घर में कोई है, तो वो किचन में आता है, किचन में देखता है इसकी माँ, तो वो बोलता है कि माँ तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तो ये बोलती है मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए आइसक्रीम जमा रही हूँ, तो ये बोलता है कि मेरी माँ तो कब की मर चुकी है और ये उसे दिमागी दिमाग में बात करने लगता है कि तुम कौन हो बताओ मुझे। तब ये अपने असली रूप में आती है और हमें दिखती है ये अजीब लड़की जो कि म्यूटेंट है और ये उसको बोलती है क्या तुम्हें डर नहीं लगता, तो ये जिसका नाम है एक्सेवियर यानी चार्ल्स एक्सेवियर, ये बोलता है नहीं मुझे डर नहीं लगता, मुझे खुशी है कि मेरे जैसे और भी लोग हैं यानी कि म्यूटेंट्स, और ये कहते हैं कि तुम हमेशा इस घर में रह सकती हो मेरे साथ। और इधर में दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है जहां पर उस लड़के को जिसका नाम है एरिक, इस बंदे ने पकड़ लिया और कह रहा है कि जैसे तुमने उस दरवाजे को तोड़ दिया था वैसे इस सिक्के को उठा कर दिखाओ, तो ये कोशिश करता है लेकिन नहीं कर पाता। फिर वो इसकी माँ को बुलाता और कहता है कि अगर तुमने ये सिक्का नहीं हिलाया तो मैं तुम्हारी माँ को गोली मार दूंगा। ये बच्चा फिर से कोशिश करता है, इसकी मैं कहती है करो हो जाएगा। इधर से ये बंदर जिसका नाम है शॉ गिनती करना शुरू करता है पर एरिक सिक्का नहीं उठा पाता, तो शॉ इसकी माँ को गोली मार देता है। उसके बाद एरिक को गुस्सा आता है और उसके सामने जो घंटी बजी होती है उसको पिचका देता है, आसपास के सारे सामान को हिलाने लग जाता है अपनी पावर से और जो पीछे जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं उनके दिमाग को इनके हैमलेट के अंदर ही कुचल देता है और पूरे ऑफिस की ऐसी की तैसी करता है। फिर शॉ उसको समझाता है, कहता है तुम्हारे अंदर बहुत सारी पावर्स हैं, तुम एक दिन पूरी दुनिया में बहुत ताकतवर बन जाओगे, और वो इसको देता है एक सिक्का और उस सिक्के को हाथ में घुमाते घुमाते एरिक बड़ा हो जाता है और वो 1962 में शो का पता लगाता है, पूरी इन्वेस्टिगेशन करता है। और इधर दूसरी तरफ हमारा चार्ल्स अब बड़ा हो चुका है, वो एक लड़की की तारीफ करता है उसकी आंखों में डूबकर, और तभी उसके पास आती है वो लड़की जिसका नाम है रिवन, जो बचपन में इसको मिली थी, वो भी अपनी आंखें रंगीन कर लेती है और चार्ल्स इसको साइड में लेकर आता है और कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो कहती है कि मैं भी ये रूप बना बना के थक चुकी हूं, तो चार्ल्स कहता है ऐसी बात नहीं है, तो वो उसको अपने घर पर लेकर आता है। तो ये दोनों थोड़ी सी बातें करते हैं, बातों बातों में रिवन इससे पूछती है क्या तुम मुझे डेट पर ले जाओगे, तो चार्ल्स कहता है कि मैंने कभी इस बारे में नहीं सोचा। और यहां पर एरिक आया है एक बैंक के अंदर, इस बंदे से जानकारी लेता है कि बताओ शो कहां पर है, तो ये बंदा जानकारी देने से मना करता है, तो एरिक उसके मुंह में उसके सोने का दांत निकालने लगता है अपनी पावर से और ये बंदा घबरा के परेशान होके सब कुछ बता देता है, लेकिन एरिक इसका दांत निकाल लेता है। और यहां पर हमें लॉस एंजलिस का सीन दिखाता है जहां पर ये लड़की है जो कि CIA एजेंट है, वो कुछ लोगों का पीछा करती है और पीछा करते करते वो आ जाती है एक ऐसी फैसिलिटी में जहाँ पर शॉ अपने म्यूटेंट दोस्तों के साथ बैठकर रशिया के बंदे के साथ कुछ डील कर रहा होता है और इनको चुपके से सुन लेती है ये हीरोइन जिसका नाम है मायरा। और तभी ये लोग अपनी सुपर पावर का इस्तेमाल करके इस नेता को अलग जगह ले जाते हैं। और यहाँ पर ये मायरा CIA एजेंट है, ये अपने ऑफिस में फोन करती है और बताती है कि वो बंदा जो है यहाँ पर था, जो वहाँ पर बैठा है, तो इसका सीनियर कहता है कि इतनी सी देर में वो बंदा 10 मिनट में यहाँ से यहाँ कैसे आ सकता है, तो ये बहुत सारी बातें उनको बताती है कि वहाँ पर म्यूटेंट्स हैं, ऐसे हैं, वैसे हैं, पर इसका सीनियर इनकी बात का यकीन नहीं करता, तो ये कहती है मेरी बात का यकीन अब करेगा चार्ल्स एक्सेवियर। और यहाँ अर्जेंटीना में एरिक आया है इन दो बंदों के पास, वो इनसे पता लगाने की कोशिश करता है कि शो कहाँ है, लेकिन ये लोग नहीं बताते, तो ये अपनी पावर का इस्तेमाल करके इनको तंग करता है और पता लगा लेता है। और यहाँ पर चार्ल्स से मिलने आई है मायरा, मायरा कहती है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, और तभी चार्ल्स इसका दिमाग पढ़ लेता है कि इसके दिमाग में क्या क्या चल रहा है, इसने क्या क्या देखा है। और यहाँ पर मायामी का सीन दिखाया था जहाँ पर ये शो आया है, इसके सामने है वही मिलिट्री का बंदा जिसके हाथ में ग्रेनेड, तो ये कहता है मेरे पैसे बढ़ाओ, मैं बहुत रिस्की काम कर रहा हूँ, अगर नहीं बढ़ाओगे तो मैं ये बम फोड़ के तुम सबको मार दूंगा, तो शो इससे ग्रेनेड ले लेता है और खुद ही फोड़ कर उसकी पावर को अपने अंदर ऑब्जॉर्ब कर लेता है, और ऑब्जॉर्ब करने के बाद ये उस सिपाही को छूता है और वो धराशाह हो जाता है यानी खत्म हो जाता है। और यहाँ हेडक्वार्टर का सीन दिखाया था जहाँ पे CIA एजेंट है और चार्ल्स इन सबको समझा रहा है कि हमारी इस दुनिया में बहुत सारे म्यूटेंट्स हैं जिनके पास अजीबोगरीब पावर्स हैं, पर ये CIA एजेंट इसकी बात का यकीन नहीं करते। और तभी इनको ये नमूना दिखाता है कि ये जो लड़की बैठी है ये यानी कि रिवन, वो इनके सीनियर रूप ले लेती है इनके सामने और फिर अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाती है। फिर ये बंदा कहता है कि तुम्हारे जैसी टीम मेरे पास एक है, तो चलो मैं तुम्हें वहां लेकर चलता हूँ, और वो इनको लेकर निकल पड़ता है। और यहाँ पर एरिक आया है शो का पता लगाते हुए, शो को ढूंढते हुए, और शो इसको देखकर बड़ा खुश होता है कि बचपन का प्यार मेरा तो भूला नहीं है। और इसके बगल में जो ये लड़की होती है ये समझ जाती है कि ये शो को मारने आया, तो ये उसको उठा के पटक देती है पानी के अंदर। और यहाँ पर चार्ल्स अपने दिमाग का इस्तेमाल करके शो को पकड़ने के लिए अपनी टीम को लेकर आया है, मतलब CIA टीम को। और तभी चार्ल्स कहता है कि मेरा दिमाग को पढ़ने से रोकने के लिए उनके शिप पर कोई और बंदे भी हैं जो मेरे जैसी हैं। और तभी शो कुछ बंदों को यहाँ पर भेजता है और यहाँ पर CIA एजेंट और शो के जो बंदे होते हैं जो म्यूटेंट्स हैं उनकी लड़ाई शुरू हो जाती है। और अंदर जो पानी का म्यूटेंट गिरा होता है जो एरिक होता है, वो अंदर से बहुत सारी सिंगलें निकालता है और शो के शिप को पूरा तबाह कर
देता है, लेकिन शो अंदर से एक पनडुब्बी निकाल कर निकल पड़ता है और एरिक उसके पीछे पीछे उसको पकड़ के भागता है। और ये चीज चार्ल्स देखता है कि एरिक अगर उसके पीछे भागता रहा तो वो मर जाएगा, तो वो कूद जाता है एरिक को बचाने के लिए। और एरिक को दिमाग में उससे बात करता है कि देखो तुम उसको नहीं पकड़ पाओगे, तुम अकेले उसको नहीं मार सकते, हमें एक टीम बनानी होगी। यहाँ पे चार्ल्स एरिक को और अपनी टीम को लेकर आता है CIA हेडक्वार्टर में, और यहाँ पर इन्हें मिलता है हंक जो कि एक म्यूटेंट है। और ये बात CIA एजेंट को नहीं पता थी। उसके बाद अपने पैरों में से निकालता है जूते और दिखाता है कि इसके पैर पैर नहीं, इसके पैर हाथ है, यानी कि इसके चार हाथ है। तो रिवन इसको देख बड़ी खुश होती है। और यहाँ दूसरी तरफ दिखाता है शॉ जो कि न्यूज देख रहा है, और वो एक हेलमेट पहनता है जिससे चार्ल्स इसके दिमाग को ना पढ़ पाए। और इस लड़की को कहता है कि चलो मेरा दिमाग पढ़ के दिखाओ, जिसका नाम है एमा। तो एमा इसके दिमाग को पढ़ने की कोशिश करती है लेकिन नहीं पढ़ पाती। और हमें दिखाई जाती है इसकी लोकेशन जो कि अजीबोगरीब जगह में है। और यहाँ पर एरिक CIA हेडक्वार्टर में से शॉ की फाइल लेकर जाने लगता है क्योंकि वो उससे अकेला मारना चाहता है। वहीं पर आता है चार्ल्स एक्सेवियर और इसको बोलता है कि देखो तुम अकेले उसको नहीं मार सकते, तो तुम्हें अपने दोस्त बनाने होंगे क्योंकि शॉ ने भी अपने बहुत सारे दोस्त बना रखे हैं। उसके बाद चार्ल्स की टीम में एरिक आ जाता है प्रॉपर तरीके से, और चार्ल्स आता है एक जगह पर जहां हंक ने एक ऐसी मशीन बनाई है जिससे चार्ल्स सारे म्यूटेंट्स को ढूंढ सकता है। और वो शॉ को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन शॉ को ढूंढने के चक्कर में देखता है कि यहां पर तो बहुत सारे म्यूटेंट हैं, यानी कि अर्थ पे इतने सारे म्यूटेंट हैं, ये बात जानकर ये बहुत खुश होता है। तो ये कहता है कि हमें एक टीम बनानी पड़ेगी म्यूटेंट्स की। तो एक लड़की का एड्रेस निकाल कर पहुंचते हैं और उससे पूछते हैं तुम्हारी सुपर पावर क्या है। तो ये लड़की जिसका नाम होता है एंजल, वो दिखाती है अपने पंख पर इनके सामने उड़ के दिखाती है। और फिर ये आते हैं एक टैक्सी ड्राइवर के पास जिसकी सुपर पावर है, ये हालात के हिसाब से कुछ भी बन जाता है। और तीसरी तरफ आते हैं एक बंदे के पास एलेक्स जो अपने शेर में से छल्ले फेंकता है, यानी लेजर के छल्ले फेंकता है। और फिर वो आते हैं एक और बंदे के पास जो अपने मुंह से वेव निकालता है। और फिर वो आते हैं फाइनली लोगन के पास, और लोगन को कहते हैं तुम्हारे पास सुपर पावर से तुम्हारी टीम में आ जाओ। लेकिन लोगन इनको पता क्या बोलता है, लोगन इनको बोलता है डांड मराओ, मतलब वही बोलता है जो मैं कहना चाहता था लेकिन मैं कह नहीं पाया, ऐसे ही बोलता है ये। और यहाँ पर एरिक और चार्ल्स की बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। और यहाँ पर जितने म्यूटेंट इन्होंने इकट्ठे किए होते हैं वो आपस में बैठकर गपशप करते हैं, बातें करते हैं, अब एक दूसरे की पावर्स के बारे में बताते हैं और बहुत इंजॉय करते हैं। और एलेक्स भी अपनी पावर दिखाता है। और यहाँ CIA ऑफिस में ये एजेंट इनको बताता है कि हमें म्यूटेंट्स की मदद चाहिए, पर ये लोग उसके साथ एग्री नहीं करते। और चार्ल्स आता है अपनी टीम के साथ और वो देखता है कि यहाँ पर इन बच्चों ने जो नए म्यूटेंट हैं इन्होंने पूरा गंद मचा रखा है। और मायरा भी इन पर गुस्सा करती है। उसके बाद एरिक मायरा और चार्ल्स वो लोग आते हैं शॉ की बंदी के पास क्योंकि इसकी बंदी कहीं पर जा रही है। और चार्ल्स वहाँ पर एक सिक्योरिटी गार्ड होता है, उसको दिमाग को हैक करता है। उसके बाद वो ये एमा क्या बोल रही है वो सुनता है। एमा इस बंदे को बोलती है कि शो आज नहीं आ पाएगा। उसके बाद वो अंदर जाके बातें मारने लग जाती है इससे। और एरिक और चार्ल्स दोनों सिक्योरिटी को तोड़ते हुए पहुंच जाते हैं इस लड़की के पास। चार्ल्स उसका दिमाग पढ़ने की कोशिश करता है लेकिन ये अपने डायमंड फॉर्म में आ जाती है जिससे कोई इसका दिमाग नहीं पढ़ सकता। तो एरिक इसको बांध देता है और उसकी गर्दन तोड़ने वाला होता है, तभी वो अपने असली रूप में आती है। फिर चार्ल्स उसका दिमाग पढ़ता है और पता लगाता है शो का प्लान क्या है। तो प्लान ये है वो अमेरिका और रशिया की लड़ाई करवाना चाहता है, जिसके लिए वो रशिया के कुछ मिलिट्री के कुछ आर्मी के लोगों को खरीद कर पहल करना चाहता है ताकि अमेरिका इन पर इन दोनों की लड़ाई हो जाए और न्यूक्लियर वॉर हो जाए, क्योंकि जो म्यूटेंट्स हैं वो लोग न्यूक्लियर की एनर्जी को सह सकते हैं लेकिन इंसान नहीं सह सकते, तो सारे इंसान खत्म हो सकते हैं और इनकी मौज ही मौज है। और यहाँ पर हेडक्वार्टर में शो अपनी टीम के साथ हमला कर देता है और बहुत सारे यहाँ के जो सिपाही होते हैं उनको मार देता है, वो भी गजब स्टाइल से, और जगह जगह तबाही फैलाता है। और फाइनली वो आता है इनके लोगों के पास और इनको बोलता है कि देखो इंसान अलग है और म्यूटेंट्स अलग है, इंसान हमारे दुश्मन है, तो जो मेरी टीम में आना चाहता है आ जाए। तो एंजल इसकी टीम में चली जाती है और इसको बचाने के लिए आ जाता है ये टैक्सी ड्राइवर, और तभी वो उसको बचाने की कोशिश करता है, उस पर हमला करता है, मतलब एलेक्स हमला करता है शॉ के बंदों पर, लेकिन शॉ उसके हमले को उसकी एनर्जी को ऑब्जर्व करके इस टैक्सी ड्राइवर के मुंह में डाल देता है जिससे इनका ये दोस्त मर जाता है। और यहाँ रशिया का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शॉ इस बंदे को खरीद चुका है जो रशिया का बंदा है कि तुम अपने जहाज से अमेरिकन जहाज पर हमला करना क्यूबा में। और यहाँ पर चार्ल्स आया है हेडक्वार्टर के अंदर, देखता है कि इनके बच्चों के साथ क्या हालत कर दी है शॉ ने आकर। तो ये कहते हैं कि हम लोगों को मिलकर इन बच्चों को ट्रेन करना होगा, और वो लेता है एक जगह किराए पे जहाँ पे चार्ल्स और एरिक दोनों मिलकर इन सबको ट्रेन करने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पर ये रशिया का बंदा अपने बंदों को भड़काता है कि अमेरिका हम पर हमला करके हमारी अर्थव्यवस्था को अस्त व्यस्त करने वाला है, और अखबारों में भी पूरी चर्चा होती है कि रशिया और अमेरिका का युद्ध कभी भी छिड़ सकता है, पूरी आग लगा दी जाती है। और यहाँ पर एरिक कहता है चार्ल्स को कि मुझ पर गोली चलाओ क्योंकि मैं गोली को रोक सकता हूँ, लेकिन चार्ल्स उसके लिए नहीं मानता। और यहाँ पर एलेक्स को प्रैक्टिस करने के लिए बोला जाता है, यहाँ पर हंक को भी तेजी से भागने के लिए बोला जाता है, और इन सब की ट्रेनिंग अच्छी खासी चल रही होती है और सभी बच्चे ट्रेंड हो जाते हैं, लेकिन एरिक थोड़ा सा कमजोर रह जाता है। तो चार्ल्स इसको बोलता है कि तुम्हें उस जो छतरी दिख रही है उसको अपनी तरफ घुमा के करो, लेकिन एरिक नहीं कर पाता। तो चार्ल्स उसके दिमाग में घुसता है और देखता है कि उसकी माँ को शॉ ने मारा है, इस वजह से वो बदला लेना चाहता है और ये बहुत दुखी है। तो ये बोलता है इसको कि अपने दिमाग से सारे दुख निकाल दो, तभी तुम अपनी शक्तियों पर कंट्रोल कर सकते हो। और यहाँ पर चार्ल्स और उसकी टीम न्यूज देखते हैं कि इन लोगों का युद्ध कभी भी हो सकता है क्यूबा के अंदर। और यहाँ पर रिवन के पास आया है हैंक, वो बोलता है कि मैंने एक दवाई बनाई है जिससे हम अपने म्यूटेशन को खत्म कर सकते हैं, यानी कि हमारे शरीर पर ऐसा असर होगा कि हम इंसान रहेंगे लेकिन
लेकिन हमारी पावर्स कभी खत्म नहीं होगी। लेकिन रेवन ये करने से मना करती है और हंक अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट कर लेता है। उसके बाद हंक जो है वो बिल्कुल ही बदल जाता है एक बीस्ट में। यहाँ पर एरिक रेवन के साथ टाइम स्पेंड कर लेता है, यानी कि वन नाइट स्टैंड कर लेता है, और वो उसी हालत में आती है चार्ल्स के पास और उसे थोड़ी सी बातें करती है। यहाँ पर चार्ल्स ढूंढता हुआ आता है हैंक को और देखता है हैंक की ऐसी हालत, और ये सब लोग एक कॉस्ट्यूम पहनकर निकल पड़ते हैं अमेरिका और रशिया की लड़ाई को रोकने के लिए। यहाँ पर अमेरिका के लोग तैयार होते हैं लड़ने के लिए, उधर रशिया के लोग तैयार होते हैं लड़ने के लिए, और इनके बीच में एक शिप निकल चुका है अमेरिका पर हमला करने के लिए, जिसे कंट्रोल कर रहा है शो का बंदा, क्योंकि वो चाहता है कि अमेरिका और रशिया की लड़ाई हो जाए। और तभी वहाँ पर पहुंच जाते हैं एक्समैन, और चार्ल्स पता लगाता है कि ये जो शिप निकला है रशिया की तरफ से अमेरिका पर हमला करने के लिए उसके अंदर कौन है। तो अमेरिका के लोग रशिया पर हमला करने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन तभी चार्ल्स रशिया के सिपाही को हैक करके यानी उसके कंट्रोल करके एक मिसाइल वहीं से छुड़ा के उसी शिप पर हमला करवा देता है जो कि शो ने प्लान किया था अमेरिका पर हमला करने के लिए। और तभी अमेरिकन आर्मी कहती है ये क्या कर रही है, अपने लोगों को मार रहे हैं। और तभी यहाँ पर ये रशिया का बंदा कहता है कि तुमने अपनी शिप को उड़ा दिया, और यहाँ पर शो का बंदा आ जाता है अपने पनडुब्बी के अंदर। यहाँ पर शो अपना हेलमेट पहन लेता है क्योंकि ये सब लोग उसको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। और तभी ये लोग चार्ल्स इस बच्चे को भेजता है कि जाओ अपनी मुंह से जो वेव निकालते हो उससे पता लगाना कि शो कहाँ है। तो ये बच्चा घुस जाता है पानी के अंदर और अपने मुंह से लहरें निकाल कर पता लगा लेता है कि शिप इस जगह पर है। तो ये अपने जहाज को वहां लेकर जाते हैं और यहाँ पर शो अपनी सारी एनर्जी निकाल कर एक बहुत बड़ा धमाका करने वाला है। और यहाँ पर चार्ल्स मैग्नीटो को लेकर जहाज से बाहर लटक चुका है, और मैग्नीटो अपनी पावर का इस्तेमाल करके शो की जो पनडुब्बी है उसको बाहर निकाल देता है, वो भी अमेरिका के सामने। और रशिया के लोग भी देखते हैं कि इन दोनों के बीच में दुश्मन तो ये तीसरा है। और तभी शो का बंदा जो कि बादल को कंट्रोल कर सकता है वो इन पर हमला कर देता है, लेकिन मैग्नीटो इनके पनडुब्बी को बीच पर लाकर गिर देता है और इनका जहाज भी अनबैलेंस हो जाता है और ये लोग गिर जाते हैं उसी आइलैंड पर। और तभी चार्ल्स कहता है कि उस पनडुब्बी के अंदर जो भी बाहर आएगा उस पर हमला कर देना। और तभी कुछ म्यूटेंट्स जो पनडुब्बी के अंदर से म्यूटेंट्स बाहर निकलते हैं उन पर हमला करते हैं। इन दोनों की आपस में बहुत भयंकर लड़ाई होती है। यहाँ पर चार्ल्स मैग्नीटो को बोलता है कि जाओ उसको ढूंढो, और यहाँ पर बाकी म्यूटेंट्स दूसरे म्यूटेंट्स से लड़ते हैं, और चार्ल्स बोलता है कि इस जगह पर जाओ उस जगह पर जाओ, और मैग्नीटो उस जगह पर पहुंचकर ये जो शो एनर्जी शो कर रहा था उसको बंद कर देते हैं। यहाँ पर बाकी म्यूटेंट्स लड़ते हैं। उसके बाद एरिक पहुंच जाता है शो के पास और ये दोनों आपस में थोड़ी सी बातें करते हैं। और यहाँ पर ये दोनों म्यूटेंट इन दोनों की बैंड बजा रखी है एंजल ने, और यहाँ पर शो ने एरिक की बैंड बजा रखी है। और तभी एक शीशा टूट जाता है जहाँ से चार्ल्स को सिग्नल मिल जाता है। अब वो एरिक को अच्छे से कंट्रोल कर सकता है यानी उसका दिमाग पढ़ सकता है। और यहाँ पर ये दोनों मिलकर एंजल को मार गिराते हैं। इधर शो एरिक को मारने वाला था लेकिन एरिक उसको इमोशनल कर देता है, कहता है कि मुझे मत मारो। और यहाँ पर हैंक इस बंदे को मार देता है रेवन की मदद से। और यहाँ पर शो एरिक को मारने वाला था लेकिन एरिक बोलता है कि देखो तुमने मेरी शक्तियां जगाई हैं, एक तरह से तुम मेरे पिता की तरह हो, ऐसे ऐसी इमोशनल बातें शो के सामने करने लगता है। और इधर दूसरी तरफ से एरिक उसका हेलमेट निकाल लेता है और चार्ल्स उसके दिमाग को हैक कर लेता है, और वो हेलमेट निकाल कर एरिक खुद पहन लेता है और बन जाता है मैग्नीटो। और चार्ल्स कहता है ऐसा मत करो, क्योंकि वो पहले उसके दिमाग को पढ़ चुका था, क्योंकि मैग्नीटो यानी कि एरिक शुरू से ही शो को मारना चाहता था। यहाँ पर चार्ल्स बहुत कोशिश करता है मैग्नीटो को रोकने की लेकिन वो नहीं रुकता। वो अपना सिक्का शो के सर के अंदर घुसा के करके उसको मार देता है। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है नाटो, जिनको खबर मिली है कि वहाँ पर अमेरिका और रशिया की लड़ाई करने वाले थे, और लड़ाई करवाने वाले जो लोग थे वो टापू को उस साइड पर खड़े हैं, और ये लोग फैसला करते हैं कि उन सबको उड़ा दो। यहाँ पर मैग्नीटो इन सबको समझाता है कि देखो इंसान हमारे बहुत बड़े दुश्मन हैं, वो देखो सामने उधर खड़े हैं, वो हम पर हमला करने वाले हैं, तो हम सबको मिलकर इंसानों के खिलाफ लड़ना चाहिए। चार्ल्स इनको समझाने की कोशिश करता है। तभी यहाँ से अमेरिका और रशिया दोनों अपनी तरफ से मिसाइल्स लॉन्च करते हैं इस बीच पर इन सारे म्यूटेंट्स को मारने के लिए, लेकिन मैग्नीटो इनके सारे बॉम्ब्स इनके सारे मिसाइल्स को हवा में रोक लेता है और उल्टा उनकी तरफ ही फायर कर देता है। तभी चार्ल्स इसको धक्का देके मिसाइल्स की डायरेक्शन को चेंज करने की कोशिश करता है, और तभी इन दोनों की हाथापाई होती है और कुछ मिसाइल्स बीच में ही फटने लगती हैं। तभी मायरा गोली चलाती है मैग्नीटो पर, लेकिन मैग्नीटो गोली की डायरेक्शन चेंज करता है और एक गोली चार्ल्स की रीढ़ में लग जाती है, और मैग्नीटो वो गोली निकालता है और वो बहुत सेंटी हो जाता है और वो मायरा को मारने लगता है और कहता है कि तुमने मेरे दोस्त को मारने की कोशिश की, लेकिन चार्ल्स कहता है कि उसने नहीं तुमने मुझे मारने की कोशिश की। तो मैग्नीटो चार्ल्स को बोलता है कि इंसानों ने मेरे से मेरा सब कुछ छीन लिया, मेरी इज्जत, मेरा घर, मेरा रुतबा और मेरा सबसे अच्छा दोस्त। और ये सेंटी होकर इन सबको बोलता है कि जो जो मेरी टीम में आना चाहता है वो मेरे साथ आ जाए, क्योंकि ये इंसान कभी हमारे हो नहीं सकते। तो रिवन भी चार्ल्स का साथ छोड़कर मैग्नीटो के साथ हो जाती है और ये पांच लोग मिलकर गायब हो जाते हैं। उसके बाद चार्ल्स के पास उसकी बची हुई टीम आती है और चार्ल्स बोलता है कि मेरे पैर हिल नहीं पा रहे हैं, मैं अपने पैरों को महसूस नहीं कर सकता। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि चार्ल्स अपने घर में आया है और उसको छोड़ने आई है मायरा, और चार्ल्स उसे किस करके उसकी पूरी मेमोरी वाइप कर देता है यानी कि मिटा देता है, और ये अपनी CIA एजेंट को कोई खबर नहीं दे पाती चार्ल्स के बारे में। और यहाँ पर एमा से मिलने आया है मैग्नीटो और वो बोल रहा है कि तुम भी मेरी टीम में आ जाओ, हम लोग
लोग इंसानों से बदला लेंगे, उनको इस दुनिया से खत्म कर देंगे क्योंकि वो म्यूटेंट्स को पसंद नहीं करते। और यहाँ पर ये फिल्म एंड हो जाती है। तो कहानी शुरू होती है एक ऐसी दुनिया से जहाँ पे इंसान और म्यूटेंट बहुत ही कम बाकी रह गए हैं, क्योंकि इंसानों ने बनाए हैं सेंटिनल्स जो कि म्यूटेंट्स की पावर को खत्म करके म्यूटेंट्स को मार देते हैं और वो इंसानों को भी मारने लग गए हैं। और हमें दिखाया जाता है यहाँ पर बहुत लोग मरे हैं और कुछ लोग तलाश में हैं हमारे रक्षकों की, जिन्हें हम कहते हैं एक्समैन। उसके बाद मोकाओ शहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर तीन सेंटिनल एक जगह पर उतारे जाते हैं। और हमें दिखाया जाते हैं जहाँ पर ये सेंटिनल्स उतारे जा रहे हैं वहाँ पर कुछ म्यूटेंट हैं, वो इनसे बच के इधर उधर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये सेंटिनल्स एक एक करके सबको मारने लगते हैं। वो टिन मैन को मार देते हैं, आयरन फेस्ट को मार देते हैं और फ्रीजर को भी मार देते हैं। और यहाँ से ये बच्ची दूसरा पोर्टल खोल के वहाँ से भाग जाती है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि चार्ल्स एक्सेवियर म्यूटेंट्स की तलाश कर रहा है और वो म्यूटेंट्स को ढूंढ के पहुंचता है चाइना। और चाइना में लोगन, स्टॉर्म, एक्सेवियर, मैग्नीटो ये सब लोग मिलते हैं उन्हीं म्यूटेंट्स से जो कि थोड़ी देर पहले मर गए थे। तो चार्ल्स लोगन को बताता है कि ये लोग ऐसा मायाजाल बनाते हैं जिससे सेंटिनल्स को लगता है कि ये लोग इनको मार रहे हैं, लेकिन ये एक बार एक भ्रम उनके सामने पैदा कर देते हैं। सेंटिनल्स को एक पागल वैज्ञानिक ने बनाया है मिस्टिक का डीएनए इस्तेमाल करके, क्योंकि उसने उस वैज्ञानिक को मारा, उन वैज्ञानिकों ने मिस्टिक को पकड़ लिया और उसका डीएनए इस्तेमाल करके, उनके जीन इस्तेमाल करके बनाए सेंटिनल्स किसी की भी शक्तियां लेके उसको मार सकते हैं। तो हमने प्लान ये बनाया है, सेंटिनल्स को हराया नहीं जा सकता, तो हम समय में पीछे जाके सेंटिनल्स को बनने से ही रोक लेंगे, यानी कि जब मिस्टिक उस वैज्ञानिक को मारती है उसको मारने ही नहीं देंगे, वहां तक पहुंचने नहीं देंगे। लेकिन ये करने के लिए ये जो केट है ये समय में पीछे भेज सकती है किसी को भी, लेकिन पीछे जाने के लिए फिजिकली और माइंड से कोई भी स्ट्रांग नहीं है। तो यहाँ पर लोगन को सजेस्ट किया जाता है क्योंकि लोगन उस दर्द को झेल सकता है। उसके बाद लोगन को उस समय में भेज दिया जाता है जहाँ पर लोगन बहुत ही रंगीन मिजाज का है, वो एक लड़की के साथ सो रहा होता है। और तभी वहाँ पर आ जाते हैं उस लड़की के जानकार और लोगन पर हमला करते हैं। और लोगन अपने क्लोज निकालता है जो कि अब हड्डियों के हैं, वो इनको मार के यहाँ से भागता है। और यहाँ पर इस समय का दिखाया जाता है वैज्ञानिक जो कि कुछ नेताओं से मांग कर रहा है कि मुझे बहुत सारा डोनेशन दो, मैं एक ऐसा हथियार बना रहा हूँ जिससे हम म्यूटेंट्स को मार सकते हैं। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है फौजियों का कैंप जहाँ पर बहुत सारे म्यूटेंट्स को पकड़ रखा होता है और इनका जो लीडर है वो इनको इंजेक्शन लगाने आता है और देखते ही देखते वो बदल जाता है मिस्टिक में। और वो यहाँ पे हमला करती है, मिस्टिक सबको मारती है और जितने म्यूटेंट होते हैं वो भी अपनी अपनी जान बचाते हैं और सारे म्यूटेंट को जहाज में बैठा के उनको रवाना कर देती है मिस्टिक। और यहाँ पे विलियम स्ट्राइकर देखता है मिस्टिक को। और यहाँ एक्सेवियर के स्कूल में आता है लोगन जो कि अब बंजर हो चुका है, बेजार हो चुका है, तो हंक से मिलता है, हंक उसको अंदर नहीं आने देता, तो जिद करके वो अंदर आ जाता है और देखता है कि चार्ल्स की हालत तो बहुत खराब है, वो सबसे ज्यादा दारू पीने लग गया, नशे करने लग गया है अपने पास्ट को भुलाने के लिए। तो लोगन उसको समझाता है कि देखो फ्यूचर में हमारी हालत बहुत खराब होने वाली है और तुम ही ने मुझे भेजा है यहाँ पर उस हालत को सुधारने के लिए और हमें मैग्नीटो की भी जरूरत है, वो सारी सिचुएशन उसको समझाता है। तो हमें मैग्नीटो का सीन दिखाया था जो कि एक जेल के अंदर बंद है और उसको निकालने की ये लोग प्लानिंग कर रहे हैं। और यहाँ पर ये वैज्ञानिक उसके ऑफिस में आई है मिस्टिक, वो सबकी फाइल्स देखती है कि ये लोग कुछ बना रहे हैं और बहुत सारे म्यूटेंट पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए हैं और इसके जितने भी दोस्त हैं सबको इस एक्सपेरिमेंट में मार दिया है। उसके बाद यहाँ से फिर से वैज्ञानिक बनकर निकल पड़ती है। और यहाँ चार्ल्स, लोगन और बीस्ट यानी कि हंक ये लोग आए हैं एक दूसरे म्यूटेंट के पास जिसकी स्पीड बहुत तेज होती है और कहा जाता है कि वो मैग्नीटो का बेटा है, तो वो उसकी मदद लेते हैं मैग्नीटो को जेल से निकालने की। और वो मैग्नीटो के पास पहुंचता है और उसको वहां से निकाल के बहुत ही तेजी से सिक्योरिटी के सामने ही भागता है। तो ये सब लोग आपस में मिलते हैं और तभी वहां पर आ जाती है सिक्योरिटी, वो लोग इन पर गोली चलाते हैं, लेकिन क्विक सिल्वर बहुत ही ज्यादा तेजी से सारी चीजें मैनेज करने लगता है, वो गोलियां इधर से उधर उड़ाता है, बंदूकें इधर से उधर करता है, पुलिस वालों के पंच उनके ही मुंह पे लगा देता है। और देखते ही देखते यहाँ पर ये लोग आसानी से बच जाते हैं। फिर ये लोग प्लेन के अंदर जाते हैं, प्लेन में चार्ल्स मैग्नीटो पे इल्जाम लगाता है, मैग्नीटो चार्ल्स पे इल्जाम लगाता है, ये दोनों एक दूसरे को कसूरवार मानते हैं अपनी इस हालत का। और यहाँ पे ये ट्रस्ट जो कि वैज्ञानिक है वो इनके सामने फिर से एक डिवाइस लेकर आया है, कहता है कि मैंने एक ऐसा डिवाइस बनाया है जो कि म्यूटेंट्स को पहचान लेगा। और वो एक तरफ इशारा करता है और पता चलता है कि ये तो मिस्टिक है। तो सब लोग इसको पकड़ के मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारी मिस्टिक इन सब से लड़ती है और वो ट्रस्ट को मारने ही वाली होती है। तभी यहाँ पर आ जाते हैं एक्समैन्स, वो लोग सिचुएशन को हैंडल करते हैं और मिस्टिक यहाँ पर कमजोर पड़ी रहती है, लोगन अपने ख्यालों में खो जाता है और मैग्नीटो कहता है कि मुझे अपना फ्यूचर सुरक्षित करने के लिए मिस्टिक को ही मारना होगा। और वो मिस्टिक पर गोली चला देता है और मिस्टिक भागती रहती है और गोली भी मिस्टिक के पीछे भागती है और उसके पैर में लग जाती है। मिस्टिक एक औरत का रूप बना के भागने लगती है, लेकिन मैग्नीटो वहाँ पर पहुंच जाता है और मिस्टिक को मारने वाला होता है। तभी वहाँ पर हंक आता है, हंक और मैग्नीटो की यहाँ पर लड़ाई होती है और इसी बीच में मिस्टिक भाग जाती है और पूरी दुनिया ये नजारा देखती है कि म्यूटेंट्स आपस में लड़ रहे हैं। और टीवी में दिखाया जाता है कि म्यूटेंट इंसानों के लिए खतरा है। और तो इसी बीच में टास्क आता है और कहता है मुझे बहुत सारी फंडिंग दे दो इनको रोकने के लिए, मैंने बनाया एक सेंटिनल, इनका मुकाबला कर सकते हैं। तो यहाँ का जो प्रेसिडेंट होता है वो मंजूरी दे देता है कि तुम बनाओ अपने सेंटिनल्स बनाओ। यहाँ पर मैग्नीटो जाता है, उस पर हमला करती है मिस्टिक और मैग्नीटो बताता है कि तुम आने वाले टाइम में हमारे लिए खतरा बन चुकी थी, इस वजह से मैंने तुम पर हमला किया था अपने फ्यूचर को बचाने के लिए। यहाँ पर चार्ल्स अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर सकता तो लोगों उसको रोकता है कि तुम नशे करना बंद कर दो, तुम्हारी शक्तियाँ फिर से काम करने लगेंगी। और यहाँ पर टास्क मिस्टिक
का ब्लड सैंपल लेके उन पर एक्सपेरिमेंट करता है और स्ट्राइकर को बोलता है कि मुझे वो मिस्टिक जिंदा चाहिए। और यहाँ पर मैग्नीटो टास्क की कंपनी में लेबर बनके काम करने लग गया है। और यहाँ पर चार्ल्स आता है अपने सेरेब्रो के अंदर और वो मिस्टिक को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन ये कुछ कर नहीं पाता। तो वो अपने फ्यूचर वाले वर्जन से ही कॉन्टेक्ट करता है। तो फ्यूचर वाला एक्सेवियर इसको समझाता है, देखो तुम बहुत स्ट्रांग हो, बस अपनी ताकत का सही से इस्तेमाल करना सीख जाओ तो तुम इस पूरी दुनिया को बचा सकते हो। और यहाँ पर मैग्नीटो और वो जो टास्क ने इतने सारे सेंटिनल्स बनाए हैं वो प्लास्टिक के और दूसरे धातु के हैं जो कि मैग्नीटो कंट्रोल नहीं कर सकता। तो मैग्नीटो यहाँ की पटरियाँ उठा के इनके सेंटिनल्स के अंदर ही बहुत सारा लोहा भर देता है और खुद कंट्रोल करने लगता है। और इधर चार्ल्स सबको बताता है कि मैं फ्यूचर वाले चार्ल्स से अच्छी खासी बात कर चुका हूँ और हम कामयाब होने ही वाले हैं। और यहाँ पर मिस्टिक से कॉन्टेक्ट करता है चार्ल्स एक्सेवियर और उसको रोकने की कोशिश करता है कि तुम उसको मारने मत जाओ, क्योंकि तुम उसको मारोगी तो वो लोग तुम्हारा डीएनए इस्तेमाल करके पूरी इंसानियत को और पूरे म्यूटेंट जाति को खत्म कर देंगे, पर वो नहीं मानती। तो ये लोग प्लस माइनस करके पता लगा लेते हैं कि ये मीटिंग कहाँ पर होने वाली है। तो इन्हें पता चलता है कि एक जगह है जहाँ पर बहुत सारे मिनिस्टर्स आएंगे और ये टास्क अपने हथियारों का नुमाइश करने वाला है और वहीं पर मिस्टिक जा रही है इसको मारने के लिए। और यहाँ पर मैग्नीटो एक फैसिलिटी के अंदर आया है अपना हैमलेट लेने के लिए ताकि चार्ल्स इसके दिमाग को कंट्रोल ना कर पाए। यहाँ पे चार्ल्स को लोगन बोलता है कि देखो सबको सही होने के बाद तुम मुझे ढूंढना और मुझे ठीक कर देना और सारे म्यूटेंट्स को ढूंढ के उनका अच्छे से ध्यान रखना, स्कूल कभी बंद नहीं होना चाहिए। और इधर रियल टाइम में सेंटिनल्स आने लगते हैं इन फ्यूचर वाले म्यूटेंट्स को मारने के लिए। और यहाँ पर जहाँ पर हथियारों की नुमाइश होने वाली है बहुत सारी जनता आती है, बहुत सारे मंत्री आते हैं यानी कि नेता आते हैं और वहीं पर चार्ल्स मिस्टिक को ढूंढता है। और यहाँ पर मैग्नीटो एक बहुत बड़ा प्लेग्राउंड उठाता है, मतलब एक स्टेडियम उठाता है। और इधर रियल टाइम में सेंटिनल्स इन पर हमला करने वाले हैं और यहाँ पर मिस्टिक नेता को मारने वाली होती है, लेकिन उससे कॉन्टेक्ट कर लेता है चार्ल्स और उसको मना करता है। और यहाँ पर मैग्नीटो भी पहुंचने वाला होता है और उधर रियल टाइम में बहुत सारे सेंटिनल्स इन पर हमला करने वाले होते हैं। और यहाँ पर टास्क के रोबोट यानी कि जो सेंटिनल्स हैं वो अपने आप एक्टिवेट हो जाते हैं। और इधर रियल टाइम में बहुत सारे सेंटिनल्स इन पर हमला करते हैं और स्टॉर्म उनसे लड़ने की कोशिश करती है। और इधर पास्ट में अधूरे सेंटिनल्स से ये लोग लड़ते हैं और यहाँ फ्यूचर में एक एक करके धीरे धीरे म्यूटेंट्स मरने लगते हैं। और इधर पास्ट में सारे नेताओं को एक सिक्योर जगह में पहुंचाया जाता है और इधर फ्यूचर में धीरे धीरे सारे म्यूटेंट मरने लगते हैं। और इधर पास्ट में मैग्नीटो अपनी आर्मी को लेकर व्हाइट हाउस को स्टेडियम से कवर कर देता है और यहाँ फ्यूचर में स्टॉर्म को भी मार देते हैं ये सेंटिनल्स और धीरे धीरे करके सबको मारने लगते हैं। तो मैग्नीटो इनका सामना करता है, लेकिन वो मैग्नीटो को भी मार देते हैं और कुछ म्यूटेंट्स सेंटिनल्स से लड़ते हैं। यहाँ पर हंक और लोगन मैग्नीटो को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैग्नीटो लोगन के अंदर बहुत सारा लोहा डाल देता है। और इधर रियल टाइम में लोगन को कुछ होने लगता है और मैग्नीटो लोगन को पानी के अंदर घेर देता है। और चार्ल्स कहता है अब हमारे पास टाइम बहुत कम है। और इधर मैग्नीटो ये जो नेता होते हैं सेफ हाउस में, वो सेफ हाउस को अपनी तरफ खींच लेता है और तभी वो सारे कैमरा ऊपर उठाता है और उनमें बोलने लगता है, सबको धमकी देने लगता है कि हम म्यूटेंट्स हैं, इंसानों से हम लोग बहुत आगे हैं और हमें रोकने की कोशिश मत करो, हमें इंसानों की तरह जीने दो। और यहाँ फ्यूचर में बहुत सारे सेंटिनल्स मिल करके एक एक म्यूटेंट को मार रहे हैं। यहाँ मैग्नीटो का भाषण चालू है जो कि धीरे धीरे सबको करप्ट करने लग गया है और यहाँ फ्यूचर में बहुत कम लोग बचे हैं। और मैग्नीटो यहाँ के प्रेसिडेंट को मारने की कोशिश करता है, लेकिन प्रेसिडेंट निकालता है बंदूक और गोली चलाता है और गोली लगती है मैग्नीटो के गले में। और पता चलता है कि ये मिनिस्टर नहीं है, ये मिस्टिक है। और मिस्टिक से कॉन्टेक्ट करता है चार्ल्स जो कि एक जगह फंसा होता है और चार्ल्स उसको समझाता है कि यही मौका है, पूरी दुनिया तुम्हें देख रही है एक हीरो बनने का, तुम उसकी हत्या करके यानी कि उस वैज्ञानिक की हत्या करके दुनिया के सामने बुरी बन सकती हो, ऐसा मत करो। और इधर रियल टाइम में चार्ल्स पर हमला करने वाले हैं सेंटिनल्स। और इधर रियल टाइम में मिस्टिक ने अपना मन बदल लिया है उस वैज्ञानिक को मारने का और मिस्टिक मैग्नीटो का हैमलेट निकाल देती है और मैग्नीटो बोलता है कि तुम इंसानों के लिए इतना कुछ कर रहे हो, इंसान तुम्हारे लिए कुछ नहीं करेंगे। और ये बात बोल के यहाँ से वो चला जाता है। और यहाँ पे मिस्टिक अपना रूप चेंज करके भाग जाती है, यानी कि यहाँ पर अपने फ्यूचर को इन्होंने चेंज कर दिया, यानी कि सेंटिनल्स कभी बने ही नहीं। और यहाँ पर लोगन की आंख खुलती है, वो सुबह उठता है, वो देखता है कि बॉबी, रोग सब लोग सुरक्षित हैं, चार्ल्स एक्सेवियर सुरक्षित है, हंक भी सुरक्षित है और स्टॉर्म भी सुरक्षित है और सब लोग पढ़ा रहे हैं, यहाँ जेन भी है और जेन का बॉयफ्रेंड है स्कॉट जो कि थोड़ा चेंज है। और वो चार्ल्स के पास आता है और चार्ल्स को बोलता है कि तुमने फ्यूचर बचा ही लिया। और चार्ल्स कहता है क्यों नहीं, तुमने मुझे इतनी अच्छी राय दी। उसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जिसमें लोगन को पानी में से निकालता है विलियम स्ट्राइकर। और हमें इस फिल्म में एक पोस्ट क्रेडिट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि दुनिया का सबसे पहला म्यूटेंट जिसने बनाए हैं पिरामिड्स। और यहाँ पर ये फिल्म एंड हो जाती है। तो कहानी शुरू होती है 1845 से और हमें दिखाया जाता है बचपन का लोगन और उसके पास है उसका भाई जो कि सौतेला है। ये दोनों भाई आपस में थोड़ी सी बातें करते हैं। तो लोगन का बचपन में नाम होता है जिमी और उससे मिलने आता है उसका फादर। उसके बाद वो नीचे आता है तो कोई उसको मार कर उसकी जान ले लेता है। तब जिमी को आता है गुस्सा, वो अपने हाथों से निकालता है अपने क्लॉज और इस बंदे को मार देता है जिसने इसके फादर को मारा होता है। और ये बंदा बोलता है कि बेटा तुम मेरे बेटे हो, वो तुम्हारा फादर नहीं था। उसका हमारा लोगन यानी कि जिमी बहुत तेजी से भागता है अपने घर को छोड़कर क्योंकि इसने अपने असली फादर को मार दिया। और तभी उसका भाई विक्टर उसको पकड़ता है बीच में और कहता है कि हम दोनों को एक साथ रहना होगा, इस दुनिया में हम दोनों का कोई नहीं है। उसका ये दोनों बड़े होते रहते हैं और हमें दिखाया जाता है इनकी जर्नी
कि ये लोग सेना में भर्ती हो चुके हैं और अपने देश की रक्षा कर रहे हैं और एक से एक वॉर हो रहे हैं जिसके अंदर ये दोनों कमाल कर रहे हैं। और तभी विक्टर को खून करने का चस्का लग जाता है और वो एक लड़की का रेप भी कर देता है और सारी मिलिट्री इनको रोकने की कोशिश करती है और मिलिट्री इनके ऊपर ही टूट पड़ती है और ये दोनों अपने आप को बचाते हैं। उसके बाद इनको मौत की सजा दी जाती है, इनको बांध कर इन पर गोली चलाई जाती है, लेकिन इनको कुछ भी नहीं होता। तो इनके पास आता है विलियम स्ट्राइकर जो कि जवान है और वो इनको बोलता है कि मैं एक फौज बना रहा हूँ जो हमारे देश की रक्षा कर सके, तो तुम हमारी फौज में भर्ती हो जाओ। और स्ट्राइकर इन दोनों को अपनी टीम में मिलाता है और इनकी टीम में पहले से ही बहुत सारे लोग होते हैं जो कि सारे के सारे म्यूटेंट हैं। हमें डेडपूल भी दिखाया जाता है, वेड। और ये लोग एक प्लेन में जाते हैं एक मिशन पर और एक फैसिलिटी में आते हैं जहाँ पे बहुत सारे सिक्योरिटी वालों को डेडपूल मारता है। और सबकी बैंड बजाने के बाद स्ट्राइकर आता है इस बंदे के पास और इसको बोलता है कि ये जो एडमेंटियम है बताओ तुम्हें कहाँ से मिला। तो ये बंदा बोलता है ये अफ्रीका के एक गांव में एक उल्का पिंड गिरा था, उसी में था। तो स्ट्राइकर आता है उस गांव में और गांव के लोगों से पूछता है ये उल्का पिंड कहाँ से मिला तुम्हें। तो गांव के लोग बताते हैं कि इस जगह पे है, इस जगह पे है। बताने के बाद स्ट्राइकर कहता है कि सबको मार दो। तो विक्टर उनको मारने जाता है और डेडपूल भी मारने लगता है लोगों को। तभी जिमी यानी कि लोगन अपने भाई को रोकता है, कहता है कि मासूम लोगों को मत मारो, हम लोग मासूम लोगों को मारने के लिए यहाँ भर्ती नहीं हुए थे, हम देश की रक्षा करने के लिए यहाँ भर्ती हुए थे। लेकिन विक्टर कहता है कि मेरा हाथ छोड़ो। उसके बाद लोगन इनकी टीम छोड़कर चला जाता है यहाँ से। और सीन दिखाया जाता है 6 साल बाद का कनाडा का, जहाँ पे एक खूबसूरत पहाड़ी होती है और पहाड़ी के बीच में इसका एक घर होता है और उसके घर में होती है इसकी स्वीट गर्लफ्रेंड जो कि बहुत हॉट होती है। और लोगन जाता है मजदूरी करने और इसकी गर्लफ्रेंड उसको छोड़ने आती है और उसे किसी करके उसे अलविदा करती है। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है जो स्ट्राइकर का एक और बंदा था वो स्ट्राइकर की टीम छोड़कर यहाँ पर जादू दिखाने का काम करता है और अपनी आजीविका कमाकर अपने जीवन को व्यतीत करता है। और तभी इसके पास आता है विक्टर। विक्टर इसको कहता है कि तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी स्ट्राइकर की टीम को छोड़कर, अब तुम्हें मरना होगा। उसके बाद विक्टर इसको मार देता है। इधर लोगन के पास आता है स्ट्राइकर और स्ट्राइकर बोलता है इसको देखो वेड को किसी ने मार दिया है और एक और बंदा जो हमारे वहाँ जादू दिखाया करता था जो बिजली कंट्रोल कर सकता था उसको भी किसी ने मार दिया है, तो मैं तुम्हें वार्न करने आया हूँ, थोड़ा बच कर रहना या हमारे साथ आ जाओ। उसके बाद वो अपनी गर्लफ्रेंड को रिसीव करता है उसके स्कूल से और आता है अपने घर पर। और घर पे आने के बाद ये दोनों रोमांटिक होते हैं और इसकी गर्लफ्रेंड इसको एक कहानी सुनाती है कि आसमान में पहले 2 चांद हुआ करते थे और जो फीमेल चांद थी वो अपने ही चांद को बोलती है कि जाओ मेरे लिए वो फूल तोड़ के लाओ जो धरती पे पड़ा है। तो जैसे ही दूसरा चांद धरती पे आता है तो उसे पता चलता है कि धरती पे आने के बाद वो वापस आसमान में नहीं जा सकता और वो हमेशा के लिए धरती पर ही रह जाता है। और आज भी ऊपर जो चांद है वो अपने नीचे वाले चांद को देखकर तरसता है उसकी यादों में। अब वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं लेकिन छू नहीं पाते। और जो धरती पे चांद है ही चांद है उसको कहा जाता है वुल्वरीन। उसके नेक्स्ट डे लोगन फिर से आते हैं अपने काम पर और इसकी गर्लफ्रेंड भी जाती है अपने काम पर यानी कि स्कूल में पढ़ाने के लिए। और इसकी गर्लफ्रेंड के पास आता है विक्टर, वो इसको मारने की कोशिश करता है। इधर लोगन को पता चल जाता है कि कोई मेरी गर्लफ्रेंड को मारने वाला है और वो आता है, देखता है कि इसकी गर्लफ्रेंड को विक्टर ने मार दिया है और लोगन यहाँ पर बहुत रोता है। तो लोगन विक्टर को ढूंढता हुआ आता है एक होटल के अंदर, एक बार के अंदर। यहाँ पर इन दोनों की घमासान लड़ाई होती है और बहुत सारी लड़ाई होने के बाद विक्टर लोगन पर भारी पड़ता है और उसके क्लोज को तोड़ देता है। तो यहाँ पर लोगन को अस्पताल में भर्ती किया जाता है लेकिन लोगन के सारे जख्म भर जाते हैं और वो उठता है। उसके पास आता है स्ट्राइकर तो लोगन स्ट्राइकर को पकड़ लेता है और कहता है कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि विक्टर सबको मार रहा है। तो स्ट्राइकर कहता है मुझे भी नहीं पता था कि वही सबको मार रहा है। तो लोगन कहता है कि मैं जा रहा हूँ उसको मारने। तो स्ट्राइकर उसको रोक कर बोलता है कि तुम उसको ऐसे नहीं मार सकते, उसके अंदर बहुत सारी पावर्स हैं, उसको मारने के लिए मैं तुम्हें ताकत दे सकता हूँ। तो लोगन कहता है ठीक है जो करना है करो। तो स्ट्राइकर उसको बैठा कर ले आता है उसी लेक में जो हमें फर्स्ट पार्ट में दिखाया गया था, वहाँ अपनी फैसिलिटी के अंदर लाकर इसको एक जगह पर लेटा दिया जाता है इसके अंदर एडमेंटियम डालने के लिए। और इसको बोलता है कि तुम्हें बहुत दर्द होगा और ये बताओ अब तुम्हें बैच पर क्या लिखवाना है। तो लोगन बोलता है मुझे लिखवाना है वुल्वरीन। तो इसका नया बैच तैयार किया जाता है, उस पर लिखा है वुल्वरीन। और यहाँ पर इसका प्रोसेस शुरू कर दिया जाता है इसके अंदर एडमेंटियम डालने का और सब लोग मिलकर इसके अंदर एडमेंटियम डालते हैं। अब एडमेंटियम से होता क्या है, इसके अंदर का जो स्केलेटन होता है वो अंदर ही अंदर जल जाता है और एडमेंटियम का इसका स्केलेटन बन जाता है और इस प्रोसेस में लोगन मर जाता है। तो सब लोग परेशान हो जाते हैं कि लोगन मर गया, लेकिन धीरे धीरे उसकी सांसें चलने लगती हैं। और तभी स्ट्राइकर कहता है कि हमारा मिशन कामयाब हो गया, हमने वेपन एक्स बना लिया है, अब ऐसा करो इसकी याददाश्त मिटा दो ताकि ये हमारे इशारों पर चले, हम किसी को इसको बेच सके। और तभी ये बात लोगन सुन लेता है पानी के अंदर ही लेटा हुआ और उसके हाथों से निकलते हैं लोहे के क्लोज यानी कि एडमेंटियम के क्लोज और वो गुस्से में निकलता है यहाँ से और कुछ लोगों को मारता हुआ एक लोहे की दीवार काट कर यहाँ से निकलता है और एक झील से कूद जाता है और बहता हुआ एक जगह पर चला जाता है। और हमें दिखाया जाते हैं एक बूढ़ा एक बूढ़ी जो आए हैं अपने घर पर और वो भागते हुए देखते हैं लोगन को जो इनके घर में ही भागता है बिल्कुल नंगा। तो ये बूढ़ा अपने हाथ में गल लेकर आता है इसको कन्फ्रंट करने के लिए और वो देखता है कि तो नंगा है बेचारा है, तो वो इसको कपड़े देता है। और लोगन यहाँ पर देखता है अपने क्लोज को निकाल के, ये तो बहुत तेज है और कितना भयंकर हो चुका हूँ मैं और कितनी ताकत आ गई है मेरे अंदर।
और तभी ये इन बूढ़ा बूढ़ी के साथ बैठकर खाना खाता है और ये लोग अच्छी अच्छी बातें करते हैं। उसके बाद लोगन यहाँ पर सो जाता है। सुबह उठता है तो सुबह क्लास आता है बूढ़ा, और बूढ़ा कहता है ये जैकेट मेरे बेटे की है, तुम पहन लो, अगर तुम्हें कहीं जाना है तो मेरी बाइक ले जाओ। तभी यहाँ पर बुढ़िया आती है लोगन के लिए नाश्ता लेकर, और तभी उसको कोई गोली मार देता है और इस बूढ़े को भी कोई गोली मार देता है। हमें दिखाया जाता है जीरो, जीरो ने इन बूढ़ा बूढ़ी को मार दिया और वो स्ट्राइकर के कहने पे ऐसा कर रहा है। और स्ट्राइकर एक लड़ाकू विमान से एक मिसाइल छोड़कर इसके घर को उड़ा देता है और लोगन पर हमला शुरू हो जाता है और लोगन बहुत तेजी से भागता है। यहाँ पर बहुत अच्छी एक्शन सीक्वेंस हमें दिखाई जाती है जहाँ पे लोगन अपने क्लोज का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करता है, बहुत सारी गाड़ियों को फोड़ता है और एक जंप लेकर हेलीकॉप्टर के दोनों पंख ही काट देता है और हेलीकॉप्टर नीचे गिरकर धराशाह हो जाता है। और उसके अंदर होता है जीरो और जीरो को फोन करता है स्ट्राइकर और स्ट्राइकर कहता है कि बताओ तुमने लोगन को मारा कि नहीं। तभी लोगन उसका वॉकी टॉकी उठाता है और उसको बोलता है कि मैंने जीरो को मार दिया, अब मैं विक्टर को मारने के बाद तुम्हें मारने आऊंगा, और वो यहां से निकल पड़ता है। और यहां पर स्ट्राइकर दिखाया जाता है जिसके पास है एडमेंटियम की गोली। इस गन से लोगन को मारा जा सकता है या उसकी याददाश्त मिटाई जा सकती है। और यहां में एक स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहां पर दिखाया जाता है स्कोर जो कि अभी छोटा है। और यहां लोगन आया अपने पुराने दोस्त से मिलने और इसका दोस्त बोलता है कि देखो हम सब ने, बहुत सारे लोगों ने स्ट्राइकर के इरादों को जानकर उसको छोड़ दिया था उसकी टीम को, लेकिन तुम विक्टर को ढूंढ रहे हो तो विक्टर का पता जो है वो बॉब बता सकता है। तो वो आता है बॉब के पास और बॉब से बहुत पूछने पर वो नहीं बताता, वो कहता है मेरे साथ बॉक्सिंग मैच करो, तो ये बॉक्सिंग मैच करता है उसके साथ। और यहां पर स्कॉट को मारने के लिए आ गया है विक्टर और तभी विक्टर स्कॉट पर हमला करता है, स्कॉट का चश्मा निकलता है और वो पूरे स्कूल को आग लगा देता है। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है बॉब इसको सब कुछ बता रहा है कि विक्टर और स्ट्राइकर एक ही हैं। विक्टर सारे म्यूटेंट को मार के उनका डीएनए इस्तेमाल करके एक ऐसा म्यूटेंट बनाना चाहता है जिसके अंदर सारी पावर्स हों, इसलिए विक्टर सबको मार के सबका ब्लड सैंपल इकट्ठा कर रहा है। और हमें यहाँ पर दिखाया जाता है विक्टर ये सब क्यों कर रहा है, क्योंकि वो एडमेंटियम अपने भी शरीर में डालना चाहता है। और स्ट्राइकर कहता है कि तुम करते रहो, मैं तुम्हारे अंदर भी वही हथियार डाल दूंगा। और बॉब इसको बताता है कि तुम्हें विक्टर का पता एक बंदा बता सकता है जो उस होटल के अंदर है। तो लोगन आता है इस बंदे के पास और ये बंदा कहता है कि तुम कौन हो भाई। और यहाँ विक्टर आता है इस बंदे के पास लोगन के दोस्त पे, वो उसको मार देता है। और यहाँ पर लोगन इस बंदे को कहता है कि तुम बताओ उस फैसिलिटी से भागे थे जहां पर स्ट्राइकर है, मुझे वहां जाना है। तभी ये बंदा इस पर हमला कर देता है और लोगन बाहर आके गिरता है और उसके सामने होता है विक्टर। यहाँ पर फिर से विक्टर और लोगन की लड़ाई होती है, इस बार लोगन विक्टर पर भारी पड़ता है। तभी यहाँ पर ये बंदा अपने तलवार का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करके इन दोनों को दूर दूर कर देता है और लोगन से लड़ने लगता है। तो ये दोनों आपस में लड़ते हैं तो लोगन कहता है कि तुम बताओ विलियम स्ट्राइकर का अड्डा कहां पर है। तो ये कहता है क्या तुम उन्हें मारना चाहते हो, तो कहता है लोगन कहता है हाँ मैं मारना चाहता हूँ। तो कहता है ठीक है चलो मैं तुम्हें ले चलता हूँ। और हमें यहाँ पर दिखाया जाता है ये जो बंदा है रशिया का गुंडा यानी कि मिलिट्री वाला, वो स्ट्राइकर को बोलता है कि मुझे वेपन एक्स चाहिए, किसी भी कुछ भी करके मुझे वेपन एक्स ला के दो। तो स्ट्राइकर कहता है ठीक है। और यहाँ पर हेलीकॉप्टर में बैठा कर ये बंदा लेकर आया है लोगन को स्ट्राइकर के अड्डे में और कहता है कि यहाँ से कूद जाओ। और यहाँ पे स्ट्राइकर दिखाया जाता है जो कि म्यूटेंट को मार रहा है और उनका डीएनए इस्तेमाल करके किसी एक म्यूटेंट के अंदर सारी पावर्स डाल रहा है। और यहाँ पर लोगन आ चुका है स्ट्राइकर के पास और स्ट्राइकर उसको कन्फर्म करता है और उसको बताता है देखो मैं एक ऐसा म्यूटेंट बना रहा हूँ जिसके अंदर सारी पावर, सारे म्यूटेंट की पावर होगी, बस सबकी मैंने पावर इस्तेमाल कर ली है, सिर्फ तुम्हारी पावर रह गई है और तुम्हारी गर्लफ्रेंड जिंदा है, वो मेरे इशारों पे काम करती है। तो वहां पर आती है उसकी गर्लफ्रेंड और उसकी गर्लफ्रेंड कहती है कि मैं तुमसे सिर्फ प्यार का नाटक कर रही थी, मैं तुमसे प्यार व्यार नहीं करती। उसका लोगन यहाँ पर बहुत ज्यादा टूट जाता है और वो कहता है यानी कि मैं वुल्वरीन हूँ, मैं वो चांद हूँ जो अपने दूसरे चांद को देख तो सकता है लेकिन छू नहीं सकता। यहाँ पर बहुत इमोशनल बातें होती हैं और लोगन यहाँ से जाने लगता है। और इधर दूसरी तरफ दिखाया जाता है ये जो हीरोइन है लैला, ये स्ट्राइकर को बोलती है कि जो तुमने कहा वो मैंने किया, अब मेरी बहन को छोड़ दो। और हमें पता चलता है कि ये सचमुच लोगन से प्यार करती है और ये सब कुछ अपनी बहन को बचाने के लिए कर रही थी। और तभी विक्टर इसको मारने आता है और ये चीख देती है, तो इसके चीखने के बाद सुन लेता है लोगन और वो भागा हुआ आता है लैला को बचाने के लिए। यहाँ पर विक्टर और लोगन की फिर से घमासान लड़ाई होती है और वो विक्टर को मारने ही वाला होता है, तभी लैला इसको रोक देती है कि उसको मत मारो, तुम जानवर नहीं हो। और लैला इसको सारी सच्चाई बता देती है कि इसने बहुत सारे म्यूटेंट्स को पकड़ के रखा है और मुझे इसके दबाव में ये सब झूठ बोलना पड़ा, मैं प्यार तुम्ही से करती हूँ। उसके ये दोनों निकल कर आते हैं एक फैसिलिटी के अंदर जहाँ पर बहुत सारे म्यूटेंट्स को स्ट्राइकर ने पकड़ा होता है और ये सबके ताले तोड़कर सारे म्यूटेंट्स को आजाद कराता है। और हमें दिखाई जाती है लैला की बहन जो कि डायमंड की बन जाती है जब इस पर कोई हमला करता है तो। और यहाँ पर स्ट्राइकर भेज देता है डेडपूल को लोगन को मारने के लिए और वो सारी पावर्स डेडपूल के अंदर ही डालना चाहता था, तो डेडपूल का मुंह बंद होता है क्योंकि ये बकबक बहुत करता है ना, आपको पता ही है डेडपूल का। यहाँ पर डेडपूल और लोगन की बहुत ही घमासान लड़ाई होती है और इधर दूसरी तरफ सारे म्यूटेंट भागते हैं और ये लड़की डायमंड की बनकर अपने ऊपर सारे वार झेलती है और वो स्कॉट के साथ मिलकर लोगों को मारते हैं यानी दुश्मनों को और यहाँ से निकलते हैं। और यहाँ पर लोगन और डेडपूल दोनों भयंकर तरीके से लड़ रहे हैं और यहाँ पर सारे म्यूटेंट भागते हैं। लैला कहती है तुम लोग निकलो, मैं जा रही हूँ लोगन को बचाने। और यहाँ पर सारे म्यूटेंट
निकल जाते हैं यहाँ से। और इधर में दिखाया जाता है लोगन बहुत ऊंचाई पर चढ़ चुका है और पलक झपकते ही उसके बाद डेडपूल पहुंच जाता है और ये दोनों बहुत ही भयंकर तरीके से लड़ाई करते हैं और डेडपूल इसको मार के इसका एडमेंटियम लेने ही वाला होता है, तभी ही इसको बचाता है विक्टर आकर और वो कहता है कि हम दोनों भाई हैं और ये दोनों मिलकर डेडपूल से लड़ते हैं और डेडपूल अकेला ही इन दोनों की बैंड बजाता है वो भी एक से एक गजब स्टाइल से। और तभी लोगन के ऊपर वो लेजर लाइट से हमला करता है और लोगन एक तरफ से गिरने वाला होता है, तभी वो उल्टी पल्टी मार के डेडपूल की गर्दन काट लेता है और उसको अंदर ही फेंक देता है और डेडपूल सब कुछ तबाह करते हुए मर जाता है। और यहाँ में दिखाया था स्ट्राइकर के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है, वो डालता है अपने बंदूक के अंदर एडमेंटियम की गोली और यहाँ लोगन और विक्टर दोनों एक हो चुके हैं और यहाँ से बच के भागते हैं। और वहीं पर आता है तबाही फैलाता हुआ वो बंदा जो यहाँ पर लोगन को लेकर आया था और वो कहता है क्या तुमने सारे लोगों को बचा लिया और दुश्मनों को मार दिया, तो ये कहता है हाँ। और तभी वो आता है लैला के पास और ये दोनों सच्चे प्यार का किस करते हैं और वो लैला को उठाकर जाने लगता है और तभी पीछे से गोली से वार करता है स्ट्राइकर और स्ट्राइकर बहुत सारी एडमेंटिक भी गोलियां लोगन को मारता है और उसके माथे में भी गोलियां मार देता है और उसके सामने आकर एक और गोली इसके माथे में मारता है, यानी कि बहुत सारी गोलियां इसके माथे में मार देता है। उसके बाद वो आता है लैला के पास और लैला को मारने की कोशिश करता है, लेकिन लैला के अंदर सुपर पावर ये है वो जिसको छूकर कुछ भी बोलेगी वो उसको करना पड़ता है और ये उसको बोलती है कि तुम जाओ यहां से पैदल चलते रहो जब तक तुम्हारे पैर ना दुख जाए। उसका विलियम स्ट्राइकर इसके काबू में आ जाता है और चलना शुरू करता है और यहां पर सारे म्यूटेंट अपनी जान बचाकर यहां से निकलते हैं और उनको रिसीव करने के लिए आता है चार्ल्स एक्सेवियर। वो इन सबको बोलता है कि मेरे पास एक स्कूल है जहां मैं तुम्हारी परवरिश करूंगा, तुम्हें पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा। और यहां पर लोगन की आंखें खुलती हैं लेकिन इसकी मेमोरी लॉस हो चुकी है, यानी कि इसकी सारी फाइल्स करप्ट हो चुकी है और इसकी याददाश्त जा चुकी है। तभी इसके पास आता है ये बंदा और लोगन इसको पहचानने से मना करता है तुम कौन हो मैं कौन हूं, तो ये बोलता है कि तुम लोगन हो और इसे कहकर यहां से ले जाने लगता है। और तभी वो देखता है यहां पर लैला मरी पड़ी है और उसे कुछ हल्का हल्का याद आता है, वो इस बंदे को कहता है कि तुम जाओ मैं आ जाऊंगा। उसके बाद वो लैला की आंखें बंद करता है और कैमरा ऊपर जाते हुए हमें पूरी फैसिलिटी दिखाई जाती है कि अलग आइलैंड ही था जहां पर ये सारी बकचोदी चल रही थी। और यहां पर हमें स्ट्राइकर दिखाया जाता है जो कि चलता जा रहा है चलता जा रहा है चलता जा रहा है और उसके सामने आते हैं रशिया मिलिट्री और वो इसको पहचान लेते हैं कि ये तो बहुत ही ग्रेट बंदा है और वो उनके साथ हो जाता है और यहां पर ये खूबसूरत फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आप लोगों का स्वागत है एक्समैन के यूनिवर्स में जहां हम एक्सप्लेन कर रहे हैं एक्समैन की सारी मूवीज बहुत ही सिंपल और आसान शब्दों में और बहुत ही कम से कम टाइम में। तो आगे बढ़ने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर ये वीडियो अच्छे लगे तो इस वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है 3600 BCE के अराउंड और हमें दिखाई जाती है नील वैली, यानी कि लगभग 5600 साल पहले जब पिरामिड बनाए जा रहे थे उस टाइम का एरा दिखाया जाता है। और उस टाइम पर कुछ लोग थे जो पिरामिड बना रहे थे और वो लोग कुछ रिचुअल कर रहे थे और हमें दिखाया जाता है कि सब लोग एक रस्म के लिए एक व्यक्ति को लेकर जा रहे हैं और उस व्यक्ति के चारों ओर चार योद्धा हैं उसकी रक्षा के लिए। और हमें धीरे धीरे इंट्रोड्यूस कराए जाते हैं चारों योद्धा और फिर हमें इंट्रोड्यूस कराया जाता है एन सवा नूर जो कि पहला म्यूटेंट है जो सबको पावर्स देता है। और हमें दिखाया जाता है एक और म्यूटेंट जो वहीं पर लेटाया होता है पिरामिड के अंदर जिसकी बॉडी हील हो सकती है। तो यहाँ पर एन सवा नूर चाहता है कि मैं इसकी बॉडी ले लूँ क्योंकि मेरे अंदर इतनी सारी पावर्स हैं बट मैं बूढ़ा होता हूँ। तो वो उसकी बॉडी लेने के लिए उसको अपने बगल में लेटाता है, उसके बगल में खुद लेटता है और पिरामिड के ऊपर एक गोल्ड का छोटा पिरामिड रखा होता है जिस पर सूरज की रोशनी पड़ती है और उसके अंदर से एनर्जी निकलकर पिरामिड के अंदर आती है और पिरामिड के अंदर जहां पर इन दोनों की बॉडी रखी है वहां पर गोल्ड होता है। गोल्ड जो है पिघल जाता है और उसकी एनर्जी इन दोनों की सीट में जाती है और इस प्रतिक्रिया से एन सवा नूर की जो कॉन्शियसनेस है वो उसकी बॉडी में जाने लग जाती है। और वहीं हमें दिखाई जाते हैं दूसरी ओर कुछ लोग इसके गंदे इरादे जानते हैं तो वो लोग एक युद्ध छेड़ देते हैं एन सवा नूर के खिलाफ और चारों ओर से हमले शुरू हो जाते हैं और ये चार रक्षक उनसे एन सवा नूर को बचाते हैं और इसी चक्कर में पूरा का पूरा पिरामिड तबाह होने लगता है, हर तरफ तबाही मचने लग जाती है, पूरा पिरामिड ढह जाता है, तीन रक्षक मारे जाते हैं और एक रक्षक एन सवा नूर को बचाते बचाते अपनी सारी एनर्जी एन सवा नूर में डाल देती है और खुद को सेक्रीफाइस कर देती है और एन सवा नूर बेहोशी के हालत में ही उस पिरामिड के नीचे ही दब जाता है। और फिर उसके बाद ये फिल्म शुरू होती है और हमें दिखाया जाता है एक फेज कि पिरामिड के बाद कितने सारे पैगंबर्स आए, कितने सारे धर्मों का निर्माण हुआ और लोग अलग अलग फिलोसफीज लेकर धर्मों में बट गए। उसके बाद लोगों ने अपनी सरहदें बना ली, लोग एक दूसरे से लड़ने लगे और आज सारे के सारे देश अपनी अपनी सरहदें बांटकर बैठे हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है 1973 का सीन जो कि पिछली फिल्म में हुआ था, उस न्यूज को स्कूल में बच्चों को पढ़ाया जाता है और ये टीचर पढ़ाती है, कहती है ये मैग्नीटो है, 10 साल पहले इसने हमारे देश पर हमला किया और कुछ म्यूटेंट्स ने मिलकर उसे हरा दिया
और मिस्टिक ने एक हीरो बनते हुए सबको बचाया। और वहीं पर हमें दिखाया था स्कॉट, स्कॉट को कुछ प्रॉब्लम होती है और वो टॉयलेट में आता है और उसकी आंखों से लेजर निकलती है और वो हर तरफ चीजें तबाह कर देता है। उसके बाद हमें बर्लिन का सीन दिखाया जाता है, बर्लिन में रिवन दिखाई जाती है, रिवन यानी मिस्टिक, वो आती है एक फाइट क्लब में और फाइट क्लब में एंजल कर्ट से लड़ाई कर रहा होता है, यानी कि यहाँ पर म्यूटेंट को म्यूटेंट से लड़ाया जाता है उनकी मर्जी के खिलाफ। और रिवन उनकी फैसिलिटी में पहुंचकर एक बंदे को पेल के वहां की बिजली काट देती है जिसकी वजह से वहां पर ब्लास्ट होता है, सब लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं और रिवन कर्ट को लेकर यहां से भाग जाती है। और फिर हमें दिखाया जाता है पोलैंड का सीन जहां पर मैग्नेटो एक अच्छा इंसान बन गया है, वो एक मजदूर बनकर एक फैक्ट्री में काम करता है और शाम को छुट्टी करके अपने घर पर आता है जहां पर उसकी एक बीवी है, उसकी एक प्यारी सी बच्ची है और वो अपनी बेटी को कहानी सुनाता है, एक छोटी सी लोरी, और वो कहता है कि ये लोरी मेरे दादाजी ने मेरी माँ को सुनाई, मेरी माँ ने मुझे सुनाई और मैं तुम्हें सुना रहा हूँ, लेकिन जो मेरे साथ हुआ वो तुम्हारे साथ नहीं होगा। बचपन में मेरी माँ को मेरे सामने ही छीन लिया गया, मेरे पिता को मार दिया गया, लेकिन तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होगा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। उसके बाद एक्सेवियर स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहां पर एलेक्स स्कॉट को लेकर आया है क्योंकि स्कॉट उसका भाई है। स्कॉट जेन से टकराता है और जेन स्कॉट से थोड़ी सी बातें करती है और इन दोनों की थोड़ी सी तू मैमा होती है। उसके बाद हंक इन दोनों को लेकर आता है चार्ल्स के पास और चार्ल्स कहता है कि दिखाओ तुम्हारी आंखों में क्या है, और वो दिखाता है कि इसकी आंखों से लेजर निकलती है जो एक पेड़ को तबाह कर देती है। और उधर में दूसरी ओर दिखाया जाता है नील वैली जो कि आज के युग में कायरो के नाम से जानी जाती है जो इजिप्ट में है। वहां पर कुछ लोग एंसवा नूर को पूछते हैं, वो एक तरफ जाते हैं, उनका पीछा करते करते मायरा जो कि CIA एजेंट है उनका पीछा करते हुए उनके जगह में आती है जो जमीन के नीचे है और वो अंदर घुसकर सब कुछ देखने लगती है और वो देखती है गोल्ड का पिरामिड जिसके ऊपर अजीबोगरीब साइन बने होते हैं और उसी को लोग पूज रहे होते हैं। और वहीं हमें दिखाया जाता है उस गुफा के अंदर कभी भी रोशनी नहीं गई, इन्होंने हमेशा रोक कर रखा, और रोशनी उधर से निकलती है और वो पड़ती है इस गोल्ड के पिरामिड के ऊपर और वहां से कुछ किरणें निकलकर एंसवा नूर तक जाती हैं और एंसवा नूर होश में आ जाता है 5,500 साल बाद। सब लोग इसकी जयजयकार करने लग जाते हैं और एंसवा नूर वहां से निकलता है एक रेडिएशन ब्लास्ट करते हुए और उसका ब्लास्ट बर्लिन पोलैंड हर तरफ जाता है और पोलैंड में जहां मैग्नेटो काम करता है वहां से उबलता हुआ मेटल एक व्यक्ति के ऊपर गिरने लगता है, लेकिन मैग्नेटो उसको रोक लेता है। और जब मैग्नेटो ये सब करता है तो इसको कुछ लेबर लोग देख लेते हैं कि इसके अंदर सुपर पावर है और ये शायद मैग्नेटो है। और इधर स्कूल में एक्सेवियर नोटिस करता है कि जेन के अंदर कुछ प्रॉब्लम है, वो अपनी ताकत कंट्रोल नहीं कर पा रहे जिससे सारे बच्चे डर रहे हैं, और वो जेन के ब्रेन के अंदर झांकता है और एक्सेवियर को नजर आता है इस दुनिया का अंत। तो जेन प्रोफेसर को सॉरी बोलती है। तो एक्सेवियर हंग को लेकर आता है सेरिब्रो के अंदर और वो जो रात को झटके लगे थे उसकी छानबीन करने लगता है और उसे पता चलता है मोयरा के बारे में कि मोयरा ने वहां पर इन्वेस्टिगेशन की है, उसके पास अच्छी खासी फाइल है किसी सीक्रेट के बारे में, तो वो उससे मिलने का प्लान बनाता है। और यहाँ मैग्नेटो को डर लग रहा है, वो कहता है अपनी बीवी को हमें यहाँ से निकलना होगा, मुझे लगता है मुझे लोग पहचान गए हैं, और वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं लेकिन इसकी बेटी को वहाँ की पुलिस पकड़ लेती है और कहती है कि तुम मैग्नेटो हो, चलो हमारे साथ, तुमने बहुत लोगों को मारा है 10 साल पहले। मैग्नेटो कहता है कि चलो मैं चलने के लिए तैयार हूँ लेकिन मेरी बेटी को छोड़ दो। ये लोग मैग्नेटो को अपने साथ ले जाने लगते हैं लेकिन इसकी बेटी मीना उसको बुरा लगता है और वो अपनी म्यूटेंट पावर से कुछ पंछियों को कंट्रोल करने लगती है और कहती है कि मेरे पिता को छोड़ दो। इसी बीच में एक पुलिस वाले के हाथ से एक एरो चल जाता है और वो एरो मीना और उसकी माँ के पेट में घुस जाता है और मैग्नेटो के हाथ में ये दोनों मर जाते हैं। उसके बाद मैग्नेटो अपनी बेटी का लॉकेट उठाता है और उससे इन सबकी गर्दन काट के इनको मार देता है और वो भगवान को बोलता है क्या तुम यही चाहते हो मुझसे, और बहुत दुखी होता है। और दूसरी तरफ एंसवा नूर वो मार्केट घूम रहा है और वो देखता है स्टॉर्म को, स्टॉर्म एक तूफान लाके चोरी करके भागती है, उसके पीछे कुछ लोग आ जाते हैं उस पर हमला करते हैं और तभी एंसवा नूर इन सबको मार देता है और स्टॉर्म से बातें करता है। उसके बाद मोयरा के पास आता है चार्ल्स एक्सेवियर, उससे थोड़ा सा हालचाल पूछता है और पूछता है कि आपने कायरो में ऐसा क्या स्पेशल देखा। तो मोयरा एक्सेवियर को बताती है कि वहां पर कुछ लोग एंसवा नूर के किस्से सुनाते हैं कि वो दुनिया का सबसे पहला म्यूटेंट था और उसने पिरामिड बनाए और अलग अलग सभ्यताओं में उसका जिक्र हमें देखने को मिलता है कि वो अपने 4 रक्षकों के साथ आता है और सारी की सारी सभ्यता को नष्ट कर देता है और पहले ही बहुत सारी सभ्यताओं को वो नष्ट कर चुका है और वो शायद अब आ चुका है आज की सभ्यताओं को नष्ट करने के लिए। और हमें दिखाया जाता है एंसवा नूर को स्टॉर्म अपने घर पर ले आती है और एंसवा नूर टीवी देखता है और सबको समझने की कोशिश करता है कि इस दुनिया में चल क्या रहा है और उसे पता चलता है कि सारे इंसानों ने अपनी अपनी सरहदें बांट ली है, सब एक दूसरे से लड़ते हैं और शांति का माहौल नहीं है। और वो फिर तय करता है कि अब इस दुनिया का अंत करके मैं एक नई दुनिया बनाऊंगा और वो स्टॉर्म को ताकत दे देता है और अपना पहला
रक्षक तैयार कर लेता है। और उधर हमें दिखाया जाता है कैलिबॉन, वो म्यूटेंट्स को इधर से उधर भेजता है इलीगल तरीके से। उसके पास आती है रिवन, वो कर्ट के लिए इससे एक फेक पासवर्ड बनवाती है। और तभी रिवन को कैलिबॉन खबर देता है कि तुम्हारा दोस्त मैग्नीटो उसके बीवी बच्चों को किसी ने मार दिया और मैग्नीटो ने उन सबको मार दिया। तो रिवन निकलती है चार्ल्स के पास आने के लिए। और यहाँ हंक ने एलेक्स के लिए बनाया चश्मा जिसमें वो देख सकता है आंखें खोलकर, और उसकी आंखों से जो लेजर निकलती है वो चश्मा ऑब्जर्व कर लेगा। और वो मिलता है जेन से और उससे बातें करता है, उससे दोस्ती कर लेता है। और स्कूल में आ जाती है रिवन कर्ट को लेकर, हंक से बात करती है। उसके बाद कैलिबॉन के पास आता है उनसवा नूर, और वो पूछता है कि मुझे कुछ म्यूटेंट्स की तलाश है जिनके पास बहुत सारी पावर्स हो, बताओ मुझे। लेकिन कैलिबॉन एक बंदूक उठाकर उनसवा नूर पर तान देता है और उनसवा नूर उसके बंदूक को हवा में ही गायब कर देता है। फिर वहाँ साइलोक कैलिबॉन को बचाने की कोशिश करती है और उनसवा नूर साइलोक की ताकत बढ़ाता है और कहता है कि मैं तुम्हारे लिए ही आया हूँ, मैं म्यूटेंट्स का रक्षक हूँ और हम सब मिलकर इंसानों को खत्म करेंगे, एक नई दुनिया बनाएंगे। और यहाँ स्कूल के अंदर स्कॉट बोर हो रहा है, वो सबको कहता है कि चलो हम लोग घूमने चलते हैं, मॉल घूमेंगे। और वो कर्ट को, जेन को और एक और लड़की होती है उसको अपने साथ लेकर घूमने निकल पड़ता है। और यहाँ एंजल दिखाया जाता है, एंजल के पास आता है उनसवा नूर और एंजल के पंखों को वो मेटल का बना देता है और उसको और ताकत दे देता है। हंक रिवन को अपनी लैब में लेकर आता है और दिखाता है कि ये रहा हमारे पास एक प्लेन और हमारे पास न्यूक्लियर रिएक्टर भी है जिसकी वजह से पूरे स्कूल को बिजली मिलती है। लेकिन चार्ल्स ये सब नहीं चाहते, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम लोग कोई हम पर हमला करे तो उसके लिए तैयार रहें। और उधर मैग्नीटो दिखाया जाता है, मैग्नीटो आता है अपनी फैक्ट्री के अंदर और वो इनको बोलता है कि तुम लोगों ने पुलिस वालों को बता दिया कि मैं मैग्नीटो हूँ और उन्होंने मेरी बीवी बच्चों को मार दिया, अब मैं तुम्हें मार दूंगा। और ये उनको मारने ही वाला होता है तभी वहां पर आता है उनसवा नूर और वो मैग्नीटो के सामने ही उन फैक्ट्री वालों को मार देता है और कहता है कि चलो मेरे साथ, मैं तुम्हारे लिए ही आया हूँ। और वो उसी जगह लेकर आता है जहाँ पर मैग्नीटो के मदर को, फादर को मार दिया गया था बचपन में ही। और उनसवा नूर मैग्नीटो को बोलता है कि मैं दुनिया का सबसे पहला म्यूटेंट हूँ, एक तरह से तुम्हारा भगवान हूँ, मैं तुम्हारी रक्षा के लिए, तुम्हारे उद्धार के लिए यहाँ पर आया हूँ। तो मैग्नीटो कहता है कि जब मेरे माँ बाप को मारा गया, जब मेरे बीवी बच्चों को मारा गया, तब कहाँ थे तुम? तो उनसवा नूर कहता है कि तब मैं कैद में था, गहरी नींद में, लेकिन अब मैं तुम्हारे सामने हूँ, अब तुम्हें सब कुछ मिलेगा, कोई तुमसे कुछ नहीं छीन सकता। और वो मैग्नीटो को छूकर उसकी ताकत बढ़ाता है और उसे कहता है इस धरती के अंदर बहुत सारा मेटल है, तुम सब कुछ खींच सकते हो। और मैग्नीटो अपनी ताकत का नमूना वहीं से शुरू करता है और वो पूरी की पूरी जगह को, जितना भी उसके अंदर मेटल होता है, वो निकाल के दिखाता है और हर तरफ तबाही का मंजर होता है। और वहीं हमें न्यूज में दिखाया जाता है कि मैग्नीटो उसके बीवी बच्चों को किसी ने मार दिया है और मैग्नीटो ने बहुत सारे पुलिस वालों को मार दिया है। ये न्यूज पीटर सुनता है जो क्विक सिल्वर है। वो अपनी मदर से कहता है कि मुझे जाना होगा अपने फादर से बात करने के लिए। और यहाँ स्कूल में चार्ल्स मोयरा को लेकर आता है और तभी वो देखता है रिवन को और वो रिवन से बातें करने लगता है और कहता है कि तुम्हारा स्वागत है। रिवन चार्ल्स को बताती है कि मैग्नीटो के बीवी बच्चों को पुलिस वालों ने मार दिया और उन पुलिस वालों को मैग्नीटो ने मार दिया। अब मैग्नीटो बहुत गुस्सा है, वो सारे इंसानों को मार देगा, तो हमें उसे समझाना पड़ेगा। तो वो लोग निकलते हैं, साइबर वो चलाते हैं और चार्ल्स मैग्नीटो से कॉन्टैक्ट करता है और उसको बोलता है कि मुझे बहुत दुख हुआ ये सुनकर कि तुम्हारी बीवी बच्चों को किसी ने मार दिया, लेकिन अभी भी मौका है, हम लोग मिलकर सब कुछ ठीक कर सकते हैं। मैग्नीटो कहता है कि अब कुछ ठीक नहीं हो सकता, मेरे बीवी बच्चे मर चुके हैं, वो वापस नहीं आ सकते। और तभी इन दोनों को बातें करते हुए उनसवा नूर सुन लेता है और वो चार्ल्स के दिमाग में घुस जाता है और उसको दिखाता है बहुत सारी तबाही। और वो उसके दिमाग में घुस कर जितने भी लोगों ने न्यूक्लियर बनाया होता है सबके सब एक्टिवेट करवा देता है। सारे के सारे देशों के न्यूक्लियर बॉम्ब एक ही टाइम पर एक्टिवेट हो जाते हैं और वो आसमान में उड़ा दिए जाते हैं। और आसमान में जाने के बाद इसका प्लान होता है कि इस पूरी अर्थ को एक ही टाइम पर नष्ट कर देने का। और तभी चार्ल्स एलेक्स को कहता है कि यहाँ पर सब कुछ तबाह कर दो, अगर मेरा दिमाग उन सवा नूर के साथ जुड़ा रहा तो वो पूरी दुनिया को अभी खत्म कर देगा। उसके बाद एलेक्स यहाँ पर पूरा सेरेब्रो तोड़ देता है। तभी वहाँ पर आ जाता है उन सवा नूर और वो मैग्नीटो को आदेश देता है कि चार्ल्स को अपने पास लाओ। और मैग्नीटो चार्ल्स को अपने साथ ले जाता है, लेकिन ले जाते एलेक्स रोकने की कोशिश करता है और वो अपनी छाती से लेजर निकालता है और जो लगता है न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर, जहाँ से बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। और तभी वहाँ पर पहुँच जाता है क्विक सिल्वर और वो इतनी तेजी से ये जो बम ब्लास्ट हुआ था उसमें से लोगों को सर्वाइव करता है, उनको बचाता है बहुत ही गजब स्टाइल से, स्लो मोशन में। वो बच्चों को बचाता है, कुछ लड़कियों को बचाता है, टीचर को बचाता है, लड़का लड़की किस करते हैं उनको बचाता है, पर्दे खींच के एक जगह टांग देता है, कुत्ते को बचाता है, दो बच्चों को बचाता है और लगभग वो सभी को बचा लेता है, लेकिन वो एलेक्स को नहीं बचा पाता। उसके बाद वहाँ पर आता है स्कॉट और वो कहता है मेरा भाई एलेक्स कहाँ पर है? और तभी इन्हें पता चलता है कि इन्होंने एलेक्स को खो दिया क्योंकि वो धमाके के सबसे करीब था। उसके बाद जेन को पहली आवाज़ आने लगती है कि यहाँ पर कोई आने वाला है और वो
स्कॉट और कर्ट को लेकर छुप जाती है और वहीं पर आता है बड़ा हेलीकॉप्टर और कहता है कि ये हम तुम्हारी मदद के लिए आए हैं, हम लोग डॉक्टर्स हैं, कुछ ऐसे से करके पैनिक नहीं करते। और तभी वहां से निकलता है विलियम स्ट्राइकर और वो एक साउंड वेव निकाल के सारे म्यूटेंट्स को बेहोश कर देता है और वो कहता है कि इसको ले चलो, इसके लो चलो, कुछ कुछ लोगों को टारगेट करता है और इनके सिपाही उन सबको ले जाने लगते हैं। एक सिपाही जीन के पास भी आता है लेकिन जीन अपने ब्रेन से उसको मैनिपुलेट करती है कि यहाँ पर कोई नहीं है। उसके बाद वो कर्ट की हेल्प से एनी के पिंजरे में चले जाते हैं और वहां से निकल नहीं पाते और कर्ट इन सबको लेकर निकल पड़ता है यहाँ से और म्यूटेंट्स यहाँ पर अकेले रह जाते हैं। उसके बाद जेन कहती है कि हमें अपने म्यूटेंट दोस्तों की रक्षा करनी है, उन्हें बचाना ही होगा। और विलियम स्ट्राइकर इन सारे म्यूटेंट्स को लेकर उसी फैसिलिटी में आता है जहाँ पर वेपन एक्स भी है और उधर हमें दिखाया जाता है उनसवा नूर और वो कहता है चार्ल्स को कि देखो तुम्हारे अंदर अद्भुत शक्तियां हैं, तुम पूरी दुनिया से कंटेक्ट कर सकते हो, तो मेरे साथ आ जाओ, हम लोग पूरी दुनिया पर राज करेंगे और पूरी दुनिया खत्म कर देंगे। तो चार्ल्स मैग्नेटो को बोलता है कि क्या तुम भी इस दुनिया को खत्म करना चाहते हो, तुम्हारे बीवी बच्चे मर गए तो क्या तुम पूरी दुनिया को खत्म कर दोगे। और उधर विलियम स्ट्राइकर ने सारे म्यूटेंट्स को पकड़ रखा होता है और वो उनको धमकी देता है। उसके बाद उनसवा नूर चार्ल्स के दिमाग से कॉन्टेक्ट करके पूरी दुनिया में एक मैसेज भेजता है, इस दुनिया के देशवासियों, मैं उनसवा नूर इस पूरी दुनिया को खत्म करके एक नई दुनिया बनाऊंगा जहां पर तुम जैसे लालची घमंडी जिनके अंदर दया नहीं है जो हमेशा लड़ते रहते हैं तुम सबको खत्म कर दूंगा। इसी बीच में चार्ल्स जेन को एक मैसेज देता है कि मैं कायरो में हूँ, इजिप्ट में, आकर मुझे ढूंढो। और इधर उनसवा नूर सबको धमकी दे रहा होता है। इसी बीच में चार्ल्स अपनी एक लाइन जोड़ देता है कि इस दुनिया का अंत हो रहा है लेकिन जो ताकतवर लोग हैं वो मदद करें कमजोरों की। उसका जेन कहती है कि हमें प्रोफेसर को बचाना ही होगा, मुझे उन्होंने अपना एड्रेस दिया कि वो वहां पर हैं। और वो छुपते छुपाते इधर उधर जाते हैं और जेन को महसूस होता है कि यहाँ पर कुछ खास है और वो एक फैसिलिटी का दरवाजा खोलती है और वहां से निकलता है हमारा लोगन वेपन एक्स जिसकी याददाश्त जा चुकी है। सिक्योरिटी इस पर हमला करती है लेकिन लोगन सबको चीरता हुआ यहाँ से निकलने लग जाता है और विलियम स्ट्राइकर जब ये देखता है उसके तोते उड़ जाते हैं और वो डर के दोस्तों से छुपने लगता है। उसका जेन आती है लोगन के पास, उसके दिमाग पर जो हथियार लगे होते हैं उसको हटाती है और उसके दिमाग को छूकर उसकी कुछ यादें उसको दे देती है। उसके बाद लोगन यहाँ से निकल कर चला जाता है। उधर कर्ट सब लोगों को बोलता है कि थोड़ा साइड में हो जाओ और दूसरी तरफ से स्कॉट एक दीवार तोड़कर इन सबको बचा लेता है और सब लोग निकल पड़ते हैं चार्ल्स को बचाने के लिए। और यहाँ पर उनसवा नूर जितना भी मेटल है वहां से इकट्ठा करके एक मेटल का पिरामिड बनाता है। रिवन और हंक आते हैं विलियम स्ट्राइकर के अड्डे पर और वहां से वो फाइटर जेट लेते हैं और एक और कॉस्ट्यूम भी पहनते हैं। और उनसवा नूर यहाँ पर रिवील करता है कि देखो मैं चार्ल्स की बॉडी और उसका ब्रेन ले लेता हूँ जिससे पूरी दुनिया को मैं एक ही पल में खत्म कर सकता हूँ। और मैग्नेटो तुम जाओ, इस अर्थ का जितना भी मेटल है सब निकाल लो। उसका मैग्नेटो निकलता है, एक जगह पर जाता है, वो दुनिया का जितना भी मेटल है सब इधर से उधर हिलाने लगता है जिसके वजह से अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इधर उधर होने लगता है। और साइंटिस्ट कहते हैं अगर ऐसा ही चलता रहा तो अर्थ अपने पाथ से भटक जाएगी। और यहाँ पर मैग्नेटो पूरी दुनिया का जो मेटल है उसको निकालता रहता है और उनसवा नूर चार्ल्स को वैसे ही लेटा देता है उसकी बॉडी लेने के लिए और चारों रक्षक तैनात हो जाते हैं उनसवा नूर को बचाने के लिए। और वहीं पर पहुंच जाते हैं हमारे एक्समैन्स। रिवन कहती है मैं जा रही हूँ मैग्नेटो के पास क्योंकि सिल्वर को लेकर, तुम लोग नीचे जाकर चार्ल्स को देखो, उसको ढूंढो। जेन, स्कॉट, कर्ट वो नीचे आते हैं, चार्ल्स को ढूंढने की कोशिश करते हैं। रिवन और क्विकसिल्वर आते हैं मैग्नेटो से बात करने के लिए और यहाँ पर बॉडी एक्सचेंज करने का प्रोसेस उनसवा नूर स्टार्ट करने वाला होता है और वो जो गोल्ड का पिरामिड होता है वो ऊपर लगा देता है। और इधर म्यूटेंट्स की लड़ाई होने लगती है, स्टॉर्म जेन पर हमला करती है तो जेन स्टॉर्म पर एक गाड़ी फेंकती है और गाड़ी को काटती हुई साइलोक आती है बड़े गजब स्टाइल से। उसके बाद ये दोनों मिलकर इन म्यूटेंट्स पर हमला करते हैं और कर्ट पिरामिड के अंदर घुसकर चार्ल्स को ढूंढने की कोशिश करता है, तभी उस पर हमला करता है एंजल और इन दोनों की लड़ाई होती है। और जब मैग्नेटो से रिवन बात करने की कोशिश करती है और उसको समझाती है कि देखो हम एक परिवार हैं, वो उनसवा नूर सबको मार देगा, हमारे म्यूटेंट्स भाइयों को भी, तो होश में आओ। मैग्नेटो कहता है मेरा परिवार अब तबाह हो चुका है, अब मेरा कोई परिवार नहीं है। उधर साइक्लोप अपनी आंखों से लेजर निकाल कर सबको तबाह करता है। उधर हंक पर साइलोक हमला करती है और इधर प्रोसेस शुरू कर दिया जाता है, वो चार्ल्स की बॉडी लेने लगता है। और तभी कर्ट एंजल को एक जगह पर फंसा कर चार्ल्स को लेकर जहाज के अंदर आ जाता है। और उधर हंक पर साइलोक हमला करती है और कर्ट हंक को लेकर जहाज के अंदर ले आता है। और उधर उनसवा नूर को पता चलता है कि चार्ल्स को यहाँ से हटा दिया गया है, ये सब लोग यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। तभी एंजल उड़ता हुआ साइलोक को पकड़ता है, साइलोक उनके जहाज पर चढ़कर ऊपर से इनका जहाज ही काट देती है जिससे इनका जहाज अनबैलेंस्ड हो जाता है और कर्ट इन सबको नीचे उतार देता है और साइलोक उस जहाज से नीचे गिरती है और वो बेहोश हो जाती है। उधर रिवन मैग्नेटो को समझाने की कोशिश करती है और वो कहती है कि मैं अपने परिवार के लिए लड़ती रहूंगी। उसके बाद मैग्नेटो को याद आता है कि चार्ल्स मेरा परिवार है,
उसने मेरी कितनी मदद करी, मुझे एक भाई की तरह प्यार दिया। ये सारी बातें वो याद करने लग जाता है और उन सवानूर सबको धमकी देता है और तभी उस पर पीटर हमला करता है यानी क्विकसिल्वर और उन सवानूर उसको पकड़ लेता है, उसको मारने वाला होता है। मैग्नेटर भी ये चीज देखता है और तभी उसके सामने साइलोक आती है। उन सवानूर पीटर को पकड़ लेता है और कहता है कि इसको काट दो और साइलोक उठाती है हथियार और वो काटती है उन सवानूर की गर्दन, लेकिन उसको कुछ नहीं होता। उन सवानूर इसकी गर्दन पकड़ता है और हमें पता चलता है कि ये तो मिस्टेक है। और जब ये बात स्टॉर्म को पता चलती है, स्टॉर्म को बड़ा दुख होता है। मैग्नेटो भी बहुत दुखी होता है। हंक और चार्ल्स दोनों दुखी होते हैं। चार्ल्स कहता है उसे छोड़ दो। तभी चार्ल्स उन सवानूर के दिमाग में चला जाता है और उससे दिमाग में ही लड़ाई करता है। इन दोनों का बैटल चलता है उसके दिमाग के अंदर ही, जहां पर उन सवानूर चार्ल्स पर भारी पड़ता है और रियल टाइम में भी मतलब दिमाग के बाहर उन सवानूर म्यूटेंट्स पर हमला करता है, उनको मारने की कोशिश करता है और चार्ल्स की तरफ बढ़ता है। तभी वहां पर मैग्नेटो भी एक्समेंस की ओर से लड़ता है उन सवानूर के खिलाफ। उन सवानूर कहता है कि तुमने मुझे धोखा दिया। मैग्नेटो कहता है धोखा मैंने तुम्हें नहीं, मैंने अपने परिवार को दिया है। और वो बहुत सारा मेटल उठाकर उन सवानूर पर हमला करता है। उन सवानूर इस सारे हमले से बचता है और तभी स्कॉट अपनी लेजर से उस पर हमला करता है। स्टॉर्म ये सब देखती है, हंक पीटर को बचाता है। उधर दिमाग में चार्ल्स पर उन सवानूर हमला करता रहता है और चार्ल्स बहुत कमजोर पड़ जाता है। चार्ल्स मदद के लिए जेन को बुलाता है कि जेन मेरे दिमाग में घुसो, मैं अकेला इससे नहीं लड़ सकता। तो जेन चार्ल्स के दिमाग में घुसते हुए उन सवानूर से कनेक्ट हो जाती है और उन सवानूर पर हमला कर देती है अपनी फ्यूनिक्स पावर दिखाकर, जिसके सामने उन सवानूर हारने लगता है। और तभी उस पर स्कॉट हमला करता है, मैग्नेटो हमला करता है, जेन तो अपनी फ्यूनिक्स पावर से हमला करते ही है। इसी बीच में स्टॉर्म भी हमला करती है और उन सवानूर को ये सारे मिलके मार देते हैं। और शाइलोक को जब होश आता है वो पतली गली पकड़ के निकल लेती है। उसके बाद ये सब लोग एक साथ मिलते हैं और चार्ल्स मायरा को उसकी सारी यादें दे देता है और मायरा को चार्ल्स की सारी बातें याद आ जाती है। और हमें दिखाई जाती है पूरी दुनिया में तबाही, जगह जगह पर जो मेटल है वो कैसे डिस्टर्ब हो चुका है, सारी मशीनें रद्द कर दी गई हैं। और सरकारों को पता चलता है कि वो उन सवानूर पहला म्यूटेंट था, वो पूरी दुनिया को तबाह करना चाहता था, लेकिन हमारे जो म्यूटेंट्स हैं एक्सेवियर के जो म्यूटेंट्स हैं उन सब ने उन सवानूर को हराया और उसको हराने में मैग्नेटो ने भी साथ दिया। उसके बाद जेन और मैग्नेटो मिलकर चार्ल्स एक्सेवियर का स्कूल दोबारा से बनाते हैं अपनी पावर से। क्विकसिल्वर कहता है स्टॉर्म को कि हमें भी यहीं पर रुक जाना चाहिए। उसका स्कूल फिर से बन जाता है और चार्ल्स मैग्नेटो को बोलता है कि तुम हमारे साथ क्यों नहीं रुक जाते। मैग्नेटो कहता है कि देखो यार मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता क्योंकि मैंने बहुत गलत काम किए हैं। उसके बाद हमें रिवन दिखाया जाता है। रिवन एक्समैन की एक नई टीम बनाती है जिसमें साइक्लोप यानी कि स्कॉट, क्विकसिल्वर, स्टॉर्म, जेन और वो खुद होती है और वो इन सबको तैयार करती है कि हमें आने वाले खतरे से अपने आप को बचाने के लिए लड़ने की प्रैक्टिस करनी होगी। और वो सेंटिनल से लड़ने की कोशिश करते हैं एक फैसिलिटी के अंदर और चार्ल्स इन सबको देखता है और हमें भी। और यहाँ पर ये फिल्म एंड हो जाती है। फिर हमें दिखाया था एक पोस्ट क्रेडिट सीन जहाँ पर वेपन एक्स का जो ब्लड है वो रखा हुआ था और उसे एक बंदे ने उठा के कोल्ड स्टोरेज में रख लिया और ये ब्लड यूज होगा लोगन मूवी के अंदर, जहाँ पर म्यूटेंट्स के डीएनए का यूज करके, उनके ब्लड सैंपल का यूज करके कैनेडियन लड़कियों को, औरतों को प्रेग्नेंट करके म्यूटेंट्स तैयार किए जाएंगे। तो दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले वार्निंग, चेतावनी, बीड़ी और सिगरेट का सेवन ना करें, अगर ऐसा करेंगे तो आप बीमार पड़ जाएंगे और अगर आप बीमार पड़ गए तो मेरी वीडियोस को कौन देखेगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है जीन ग्रे और उसकी मम्मी डैडी से, जो कि कहीं पर जा रहे होते हैं और तभी जीन अपनी पावर्स को कंट्रोल नहीं कर पाती और वो रेडियो का चैनल इधर से उधर करने लग जाती है। उसकी मदर कहती है ऐसा मत करो। इसी बीच में जीन से कुछ ऐसा हो जाता है जिससे जीन की मदर उसको नींद आ जाती है, वो सो जाती है और गाड़ी क्रैश हो जाती है दूसरी कार से और इस एक्सीडेंट में जीन की मदर मर जाती है और जीन को कुछ भी नहीं होता। उसके सामने एक शील आ जाती है। जब जीन को होश आता है तो उसके पास आता है चार्ल्स एक्सेवियर और वो कहता है कि तुम्हारे मम्मी और पापा दोनों मर चुके हैं और मेरे पास एक स्कूल है जहाँ पर मैं स्पेशल बच्चों को उनकी एजुकेशन पूरी करवाता हूँ, तो तुम मेरे साथ चलो। जीन कहती है मेरे पास सुपर पावर्स हैं जिनको मैं कंट्रोल नहीं कर सकता और इसी वजह से लोगों का नुकसान कर देती हूँ। तो एक्सेवियर कहता है मेरा स्कूल तुम्हें सिखाएगा कि अपनी पावर्स को कैसे कंट्रोल करें। जीन कहती है मैं लोगों के लिए खतरा हूँ। एक्सेवियर कहता है एक पेन से किसी को मारा भी जा सकता है और उसी पेन से कुछ अच्छा लिखा भी जा सकता है, तो वो हम पर डिपेंड करता है कि हम अपनी पावर को, अपनी शक्ति को एज अ गिफ्ट यूज करते हैं या एज अ वेपन। तो इतनी गहरी गहरी बातें करके वो जीन ग्रे को अपने स्कूल में जीन को पढ़ने के लिए मना लेता है। जीन ग्रे आती है इनके स्कूल में और फिल्म शुरू होती है एक्समैन डार्क फ्यूनिक्स। हाँ तो आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी बात, हम लोगों ने एक्समैन की बाकी जितनी भी मूवीज हैं वो एक्सप्लेन करके इसी चैनल पर डाल रखा है, आप जाकर वो देख लें।
इस वीडियो को देखने के बाद। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। फिर में आगे सीन दिखाया जाता है 1992 का। नासा को ये अपोलो मिशन करती है स्पेस में जाने का, लेकिन वहाँ के जो एस्ट्रोनॉट होते हैं उनका जो स्पेसशिप होता है वो खराब हो जाता है और एस्ट्रोनॉट उसके अंदर फंस जाते हैं। तो ये मदद के लिए एक्समैन को कॉल लगाते हैं, यानी कि चार्ल्स एक्सेवियर को, और चार्ल्स एक्सेवियर हंक यानी कि बीस्ट को बोलता है हमारा वो शिप तैयार है ना। हंक कहता है हाँ तैयार है। उसे एक्सेवियर की पूरी टीम उस शिप के अंदर बैठकर आसमान में चले जाते हैं। इधर एक्सेवियर नासा को कॉन्टेक्ट करता है, उनसे बात करता है कि हमारी टीम अब तैयार है, आपके एस्ट्रोनॉट को हम लोग बचाने की कोशिश करेंगे, आप लोग बेफिक्रे हो जाओ। इधर स्पेसशिप में आने के बाद हमें दिखाया जाता है कि स्पेस के अंदर एक अलग एनर्जी है, एक सोलर फ्लेयर एक जगह पर रुका हुआ है और उनके पास ही इनका स्पेसशिप जो इंसानों का जो नासा का स्पेसशिप है वो बहुत तेजी से घूम रहा है। तो रिवन कहती है स्कॉट को कि अपनी आंखों से लेजर मार के उसको थोड़ा सा स्थिर करो। स्कॉट अपनी आंखों से लेजर देके उसको थोड़ा सा उसके घूमने की स्पीड को कम करता है। स्टॉर्म भी उनके शिप को थोड़ा सा मेंटेन करती है और क्विक सिल्वर उनके स्पेसशिप में जाकर वहां के सारे लोगों को निकाल कर अपनी शिप में ले आता है। और तभी इनमें से एक एस्ट्रोनॉट कहती है कि हमारे जो सीनियर हैं वो पीछे की तरफ शिप में फंसे हुए हैं। तो हम कहता है हमारे पास सिर्फ एक मिनट है जल्दी करो। उसके बाद जेन कर्ट को लेकर स्पेसशिप के अंदर जाती है और जेन स्पेसशिप को कंट्रोल करती है, उसको टूटने से रोकती है, और कर्ट वो साइंटिस्ट को लेकर उनके स्पेसशिप में आ जाता है। और तभी सारी की सारी एनर्जी जो भी सोलर फ्लेयर है वो सारा का सारा कंप्रेस होकर जीन के अंदर आ जाता है और बाहर सब लोग डरने लग जाते हैं ये हो क्या रहा है। और जीन ग्रे वो सारी की सारी एनर्जी को अपने अंदर अब्सॉर्ब करती है और एक ब्लास्ट होता है, मतलब जितनी भी एनर्जी है वो जीन ग्रे के अंदर आ जाती है और जितना मैटर होता है वो विस्फोट होके सारा खत्म हो जाता है और जीन ग्रे को कुछ भी नहीं होता और कर्ट उसे वहीं से उठाकर अपनी शिप में ले आता है। तो जीन ग्रे कहती है चलो अब घर चलते हैं। तो ये सब लोग नीचे आ जाते हैं और नीचे सब लोग इनको स्वागत करते हैं, इनको धन्यवाद बोलते हैं और हमें दिखाए जाते हैं बहुत सारे फैंस। स्कूल में आने के बाद भी सारे के सारे बच्चे एक्समैन को बधाई देते हैं पहले मिशन के लिए। उसके बाद हंक जीन को चेक करता है और जीन हंक का माइंड रीड करती है कि कुछ प्रॉब्लम है। फिर वो आती है स्कॉट के पास और स्कॉट को बताती है कि मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, बहुत एनर्जी है मेरे अंदर। और हमें अगले शॉट में दिखाया जाता है कि तीन स्पेसशिप अर्थ की ओर आ रही है और वो एक फार्म हाउस में गिरती है और हमें फार्म हाउस में दिखाया जाते हैं कुछ लोग और वहां पर एक लड़की भी होती है जिसको कुछ आवाजें आती है अपने गार्डन से। वो यहां से निकलकर अपने गार्डन में आती है और गार्डन में हमें दिखाए जाते हैं स्कल्स जो कि मार्वल सिनेमेटिक यूनिवर्स में है। एक स्कल इस लड़की की शक्ल देखकर इसी का रूप ले लेता है और ये लड़की जिसका नाम है कायरा वो आती है अपनी टीम को लेकर इस घर में और जितने भी लोग होते हैं सबका रूप ये स्कल्स ले लेते हैं और इंसान बन जाते हैं। और उधर स्कूल के अंदर सारे के सारे म्यूटेंट्स वो लोग पार्टी कर रहे हैं क्योंकि इनका सबसे पहला मिशन था जिसमें इन्होंने एस्ट्रोनॉट्स को बचाया और दुनिया भर में इनका नाम हो गया। जीन बहुत सारी दारू पी लेती है और स्कॉट को कहती है कि और दारू लेकर आओ और यहाँ पर सब लोग बातें करते हैं। फिर रिवन आती है, वो हंक से बात करती है, हंक को कहती है कि देखो हम लोगों ने अपनी जान की बाजी लगाकर उन एस्ट्रोनॉट्स को बचाया लेकिन मैं ये सब नहीं चाहती, मैं एक आम जिंदगी जीना चाहती हूँ, तो मैं एक्समैन छोड़कर जाने वाली हूँ बहुत जल्द, तुम भी चलो मेरे साथ। लेकिन हंक कहता है नहीं एक्सेवियर को मेरी जरूरत है। और हमें एक्सेवियर दिखाया जाता है जिसको मिनिस्टर अवार्ड दे रहे हैं, पूरी सभा में बुलाकर सब लोग म्यूटेंट्स का सम्मान कर रहे हैं। और यहाँ पर जीन दारू ही दारू पीती जा रही है, वो नशे में आ चुकी है, उठपटांग बातें कर रही है स्कॉट के साथ। और तभी जीन को कुछ होने लगता है, उसे आवाजें आती हैं और वो बेकाबू होने लगती है और वो अपनी एनर्जी का एक फील्ड बनाकर एक फोर्स जनरेट करती है जिससे वहाँ पर जितने भी स्टूडेंट होते हैं सबको चोट लग जाती है। एक्सेवियर को ये पता चलता है कि कुछ तो हो रहा है स्कूल में और वो यहाँ से निकलता है और वो आता है जीन के पास और उसके पीछे पीछे स्कल्स थे ह्यूमन रूप में, वो चार्ल्स का पीछा करते हैं। चार्ल्स जीन का ब्रेन रीड नहीं कर पाता तो वो आता है सेरिब्रो के अंदर और सेरिब्रो के जरिए जीन ग्रे के दिमाग के अंदर घुस जाता है और दिमाग के अंदर पता चलता है कि जीन ग्रे की जो यादें हैं वो रिलीज हो चुकी हैं, यानी कि वो जो एक्सीडेंट हुआ था उसके बाद जो उसकी मदर मरी थी, उसके फादर मरे थे, वो सारी उसे यादें आ रही हैं और वो बेचैन हो रही है। और तभी जीन ग्रे को होश आने लगता है और वो कहती है कि चार्ल्स मेरे दिमाग से बाहर निकलो। उसके बाद जीन के पास आता है स्कॉट। जीन कहती है कि देखो मेरे फादर जिंदा है, मुझे उनकी आवाजें आ रही है तो मुझे यहाँ से जाना होगा। और वो स्कॉट को सुलाकर यहाँ से निकल पड़ती है अपने फादर से मिलने। और यहाँ पे स्कल कायरा को बोलता है कि वो सारी की सारी जो एनर्जी है वो जीन के अंदर आ चुकी है। तो कायरा कहती है कि हमें उस लड़की के जरिए ही इस एनर्जी को कंट्रोल करना चाहिए। और जीन ग्रे आ जाती है अपने पुराने घर पर और वो अपने फादर से मिलती है। जीन के फादर डरे डरे जीन का स्वागत करते हैं और वो उसके लिए पानी लेने जाते हैं। जीन आसपास देखती है कि मेरे फादर की फोटोज हैं, मेरी मदर की फोटोज हैं, मेरी फोटोज कहाँ हैं। और यही बात वो अपने फादर से पूछती है। उसका फादर कहता है देखो मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता था और तुमने उसकी जान ली तो मैं तुम्हारी फोटोज अपने पास क्यों रखूं। तो जीन कहती है मैं सिर्फ 12 साल की थी, मुझे नहीं पता था मैं क्या कर रही हूं। और वो यहां पर रोने लग जाती है। जीन का फादर कहता है कि देखो
देखो मैंने तुम्हें चार्ल्स एक्सवियर को दे दिया था, ये बोलकर कि वो तुमसे कह दे कि हम सब मर चुके हैं, अब तुम मेरी लाइफ से दफा हो जाओ, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मेरी जीवन साथी को तुमने मार दिया। तो जीन इसको बेहोश करके यहाँ से निकलती है और बाहर देखती है सारे एक्समैन आ चुके हैं। एक्सवियर इसको अपने पास बुलाते हैं, कहते हैं कि आ जाओ हम तुम्हारा परिवार हैं, हम तुम्हारी देखरेख करेंगे। जीन कहती है देखो तुमने मुझसे झूठ बोला, मेरे फादर जिंदा हैं। और तभी कर्ट और बाकी के लोग जीन को जबरदस्ती ले जाने की कोशिश करते हैं क्योंकि जीन वहाँ पर कुछ पुलिस वाले होते हैं, उन पर हमला करती है। क्विक सिल्वर जीन को रोकने की कोशिश करता है और जीन सबका मुकाबला करके सबको हराने लगती है। और तब जीन के पास आती है रिवन और रिवन कहती है कि देखो हम तुम्हारी फैमिली हैं, हम तुम्हारा परिवार हैं, तुम्हें जो भी कुछ हो रहा है वो सब हम ठीक कर देंगे, आओ हमारे साथ। वो ऐसे ऐसे बात कर ही रही होती है तभी वो कहती है कि मेरी नजर से दूर हो जाओ, और वो अपनी बॉडी से बहुत सारी एनर्जी रिलीज करती है जिसके झटके से रिवन दूर गिरती है और उसके अंदर बहुत सारी लकड़ियां घुस जाती हैं। जीन को बहुत बुरा लगता है, जीन ये देखकर डर जाती है और वो उड़कर भाग जाती है। और रिवन यहाँ पर मरने लगती है और सब लोग उसको देखते हैं और रोने लगते हैं। उसका जीन को लेकर आ जाता है स्कूल में और स्कूल में उसको दफनाने के बाद उसका फ्यूनरल होता है, सब लोग दुखी होते हैं। एक्सवियर कहता है कि जीन ग्रे ने इसको नहीं मारा, जीन ग्रे के अंदर कुछ ऐसा है जो उसे ये सब करवा रहा है, ये हम जानते हैं। उसका स्कूल में सब लोग डरे होते हैं कि जीन ग्रे ने रिवन को मार दिया, लेकिन स्कॉट सबको समझाता है कि जीन ग्रे ने नहीं, उसके अंदर कुछ ऐसा है बुरी शक्ति जिसने रिवन को मारा है, जीन ने नहीं मारा। और इधर स्टॉर्म कहती है कि देखो मैंने देखा जीन ने रिवन की जान ली है। इधर स्कॉट को हंक बताता है कि देखो रिवन एक्समैन छोड़कर जाना चाहती थी, वो एक आम जिंदगी जीना चाहती थी, लेकिन तुम्हें इंसानों की रक्षा करनी है, उनका मसीहा बनना है ताकि वो हमें इस देश में रहने दे। ये देश जैसे इंसानों का है वैसे ही म्यूटेंट्स का भी है, वो ऐसे ऐसे कुछ बात करता है। उधर जीन ग्रे दिखाई जाती है जो कि बारिश के अंदर रोती है, और फिर जहाँ पर यह हादसा हुआ था, जहाँ पर जीन ग्रे ने जीन ग्रे के घर पर, वहाँ पर आ जाती है कायरा और वो कहती है कि बताओ तुम्हारी बेटी कहाँ है, और वो उसके पेट में ब्लैक होल बना के उसके दिमाग में घुस के पता लगा लेती है कि जीन ग्रे कहाँ गई है, कि यहाँ पर क्या क्या हुआ है। और फिर हमें सीन दिखाया जाता है एक आइलैंड का जहाँ पर बहुत सारे म्यूटेंट्स रहते हैं। जीन ग्रे वहाँ पर आती है और वो अजीबोगरीब लोगों को देखती है और वो कहती है कि मुझे मैग्नीटो से मिलना है, और वहाँ पर आता है मैग्नीटो और वो कहता है कि जीन तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो जीन कहती है कि देखो मेरी जो शक्तियाँ हैं वो मुझ पर हावी हो रही हैं और मुझे गुस्सा आता है, मैं क्या करूँ, मैं लोगों की जान ले रही हूँ। तो मैग्नीटो यानी कि एरिक बोलता है कि देखो एक टाइम में मेरे अंदर ही बहुत सारा गुस्सा था, मेरे साथ लोगों ने गलत किया और मैंने जिन्होंने मेरे साथ गलत किया उन सबको मार दिया, फिर भी मुझे कभी शांति नहीं मिली, और अब मैं एक आम इंसान की तरह इस आइलैंड पर अच्छे से जिंदगी सरवाइव कर रहा हूँ। और वो पूछता है कि तुम्हारे यहाँ पर जो खून लगा वो किसका है। जीन ग्रे इसकी बातों को ज्यादा रिएक्ट नहीं करती, ना जवाब देती है। और तभी कुछ देर बाद यहाँ पर मिलिट्री के दो हेलीकॉप्टर आ जाते हैं और उसमें से वो लोग निकलते हैं और आते हैं एरिक के पास। एरिक से बोलते हैं कि देखो यहाँ पर जीन ग्रे आई है, हमें वो दे दो क्योंकि उसने पुलिस वालों पर हमला किया है। एरिक कहता है यहाँ पर कोई नहीं आया, ऑफिसर कहता है कि देखो झूठ मत बोलो। और तभी वहाँ पर आ जाती है जीन ग्रे और वो मिलिट्री का एक जहाज अपने हाथों से कंट्रोल करके उसको तबाह कर देती है और दूसरा भी हेलीकॉप्टर तबाह करने लगती है, लेकिन मैग्नीटो उसको रोकने की कोशिश करता है अपनी पावर से और सारे फौजियों को कहता है कि देखो उस हेलीकॉप्टर के अंदर घुस जाओ और यहाँ से निकल जाओ। और वो अपनी पावर से हेलीकॉप्टर कंट्रोल करके जब सारे मिलिट्री के लोग इसके अंदर बैठ जाते हैं उसको तो हेलीकॉप्टर को दूर फेंक देता है और जीन ग्रे से बचा लेता है। फिर वो जीन ग्रे को कहता है कि यहाँ से निकल जाओ। जीन कहती है कि देखो ये मैं नहीं कर रही थी, मेरे अंदर कुछ ऐसा है जो मुझसे अपने आप ये करवा रहा है। लेकिन एरिक कहता है कि निकल लो यहाँ से। उसका जीन यहाँ से भी निकलती है और हमें दिखाया जाता है एरिक के सारे लोग डरे हुए हैं और टीवी पर दिखाया जाता है जितने भी मिनिस्टर्स हैं वो लोग म्यूटेंट्स के खिलाफ एक्शन लेने वाले हैं। चार्ल्स कॉल करता है मिनिस्टर और कहता है कि देखो हमें एक मौका दो अपनी गलती सुधारने का, लेकिन वो लोग कोई रिस्पांस नहीं करते। उसके बाद एक बार के अंदर जीन ग्रे एक बूढ़े का रूप लेकर यहाँ पर दारू पीती है, तभी वहाँ पर आ जाती है वो स्कल कायरा और कायरा कहती है कि देखो तुम्हारे अंदर तो पावर है ना, वो बहुत ही स्पेशल है और जो तुम्हारे लोग हैं वो तुमसे डर रहे हैं और जो तुमसे डरते हैं वो तुम पर हमला करते हैं, तो चलो हमारे साथ। यहाँ पर स्कॉट चार्ल्स को बताता है कि हंक यहाँ पर नहीं है, वो प्लेन लेकर यहाँ से निकल गया है। और फिर हमें दिखाया जाता है एरिक के आइलैंड का सीन जहाँ पर हंक अपना जहाज लेकर आया है और वो एरिक को बोलता है कि देखो जीन ग्रे ने रिवन को मार दिया, अब हम दोनों को मिलकर जीन ग्रे को मारना है। तो एरिक कहता है अच्छा तो वो खून रिवन का था। और उधर वो स्कल कायरा वो जीन को लेकर आती है एक जगह पर जहाँ पर बाकी के स्कल्स होते हैं और वो जीन को बताती है कि देखो इस ब्रह्मांड में बहुत सारी दुनियाएं हैं और हम भी एक दुनिया में रहा करते थे, लेकिन हमारे ग्रह के ऊपर एक स्पेशल एनर्जी रहा करती थी, वो एनर्जी वहां से चली गई जिससे हमारा प्लेनेट तबाह हो गया, और वो एनर्जी जहां पर भी जाती है वहां पर एक नए जीवन को निर्माण करती है जिसे फिनिक्स कहा जाता है। वो बंजर ग्रह पर जान ला सकती है और वो सारी की सारी शक्ति तुम्हारे अंदर है, तो तुम एक तरह से क्रिएटर हो, दुनिया बनाने वाली हो।
क्योंकि वो शक्ति तुम्हारे अंदर है। यहाँ पर हंक और मैग्नीटो को पता चलता है कि जीन ग्रे वहाँ पर है, तो मैग्नीटो अपना उठाता है हैमलेट और वो पहनता है ताकि चार्ल्स उसके दिमाग का पता न लगा सके। और यहाँ पर चार्ल्स भी पता लगा लेता है कि जीन ग्रे कहाँ पर है और अपनी टीम को कहता है कि हमें जीन ग्रे को अपने साथ लेकर आना है, उसके साथ जो भी प्रॉब्लम है उसको ठीक करना है। उसके लिए सब लोग यहाँ से निकल पड़ते हैं जीन ग्रे को लाने के लिए और वो पहुँचते हैं एक जगह पर और वहीं पर एरिक मिल जाता है मैग्नीटो के रूप में। चार्ल्स मैग्नीटो को समझाता है कि देखो वो जीन ग्रे के अंदर कुछ ऐसा है जिसने रिवन की जान ली। मैग्नीटो कहता है कि देखो वो कुछ भी हो मारा जीन ने है तो जीन तो मरेगी, तुम रोक नहीं सकते। ये लोग थोड़ा सा बात करते हैं और तभी इन लोगों के जो म्यूटेंट्स होते हैं वो आपस में लड़ने लग जाते हैं। चार्ल्स की टीम मैग्नीटो की टीम को जीन तक पहुंचने से रोकती है जिसमें जबरदस्त एक्शन दिखाया जाता है। सब लोग अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हैं, एक से एक तरीके से गजब स्टाइल दिखाया जाता है। और इसी बीच में जब बहुत सारी लड़ाई हो जाती है मैग्नीटो जमीन पर हाथ रखता है और जमीन के नीचे से पुरानी मेट्रो निकालता है और रास्ता ब्लॉक कर देता है अंदर आने का और खुद अंदर आ जाता है जीन को मारने के लिए। और वो जीन के सामने आके कहता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा और वो एक सीढ़ी का लोहा निकालकर जीन के अंदर घुसाने लग जाता है। लेकिन जीन अपनी पावर से सब कुछ रोक देती है और कहती है कि तुम मुझे नहीं मार सकते, मैं तुम्हें मार सकती हूँ। और वो मैग्नीटो का हैमलेट चिपकाने लग जाती है तो मैग्नीटो को अपना ही हैमलेट खुद तोड़ना पड़ जाता है और मैग्नीटो बेहोश होकर यहाँ पर गिर जाता है। और तभी चार्ल्स मैग्नीटो के दिमाग को ट्रेस करता है और उसे पता चलता है कि मुझे अंदर कैसे जाना है और वो कर्ट को बुलाता है और वो कर्ट के जरिए जीन के पास आ जाता है। जीन कर्ट को दूर फेंक देती है। उसका चार्ल्स जीन को समझाने की कोशिश करता है कि देखो वो जो औरत है उससे दूर हो जाओ, वो हरामी है, तुम्हारे अंदर बहुत ताकत है, पहचानो उसको, तुम कुछ भी कर सकती हो। तो जीन कहती है कि मेरे पास चल कर आओ और वो अपनी ताकत से चार्ल्स एक्सेवियर को कंट्रोल करती है और चार्ल्स एक्सेवियर जो कि नहीं चल सकता उसको चलवाती है और अपने पास लेकर आती है और कहती है कि तुमने मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया है, तुम बहुत बुरे हो, तुमने मुझसे सब कुछ छुपाया, मेरे फादर जिंदा थे। तो एक्सेवियर कहते हैं देखो जीन तुम हमारे परिवार का हिस्सा हो, तुम्हारे पिता तुमको नहीं चाहते थे लेकिन मैंने तुमको वहां से उठाया, तुम्हें अपना एक परिवार दिया ताकि तुम अच्छे से अपनी जिंदगी को जी सको, इसी वजह से मैंने तुम्हारे फादर की सच्चाई तुम्हें नहीं बताई और मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ, तुम मेरे दिमाग में देख सकती हो। उसके बाद जीन चार्ल्स एक्सेवियर की सारी बातें याद करती है और उसे सब कुछ पता चल जाता है कि उसके फादर इसे प्यार नहीं करते थे और एक्सेवियर ने इसकी काफी मदद की बचपने में, इसको प्यार दिया, इसको परिवार दिया, इसको अपनी बेटी की तरह पाला। तभी जीन कहती है कायरा को कि मेरी सारी एनर्जी तुम ले लो, इसने मुझे परेशान कर रखा है, मैं इस एनर्जी के काबिल नहीं हूं। तो कायरा उसको छूकर उसकी सारी एनर्जी लेने लगती है और एनर्जी लेते लेते जीन बहुत ही कमजोर होने लगती है। और उधर डीएमसी एक टीम है, वो लोग आ चुके हैं, वो सारे म्यूटेंट्स को मार मार के उनको बेहोश कर रहे हैं, उनके गले में कुछ ऐसा पहना दे रहे हैं जिससे वो अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। और यहाँ पर कायरा वो जीन को मारने लग रही है। एक्सेवियर कहते हैं जीन को कि जीन उससे दूर हो जाओ, वो तुम्हारी जान ले लेगा, लेकिन जीन को कुछ नहीं पता चलता। तभी स्कॉट आता है, स्कॉट कायरा पर हमला करके उसको दूर ऊपर छत पर पहुंचा देता है। उसके बाद एक्सेवियर और जीन को यहाँ से ले जाने की कोशिश करता है लेकिन इनको डीएमसी के लोग पकड़ लेते हैं, इनके गले में कुछ पहना देते हैं। और कायरा जो छत पे थी वो यहाँ से देखती है कि सारे म्यूटेंट्स को पकड़कर स्पेशल यूनिट के लोग ले जा रहे हैं और इन म्यूटेंट्स को एक ट्रेन के अंदर एक कॉलर पहनाकर बांध दिया होता है जिससे कोई भी म्यूटेंट अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकता। उसके बाद एक्सेवियर यहाँ पर सबको बताता है, मैग्नीटो को भी बताता है कि देखो उसके साथ जो वो औरत है वही सब कुछ कर रही है, वो एनर्जी उसको चाहिए और वो जो खास एनर्जी है उसने जीन ग्रे को करप्ट कर रखा है, तो हमें जीन ग्रे को बचाना होगा, जीन ग्रे दोषी नहीं है। और सारे एक्सेवियर की बात को समझ जाते हैं और यहाँ पर जीन को बंदी बनाया जाता है। ये लोग ट्रेन के जरिए कहीं पर म्यूटेंट्स को ले जा रहे होते हैं और एक टनल के अंदर हमें दिखाया जाते हैं बहुत सारे स्कल्स जो कि उस ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं। और जैसे ही ट्रेन वहां पर आती है सारे स्कल्स उस ट्रेन के ऊपर चढ़ जाते हैं। हेलीकॉप्टर से मिलिट्री के लोग ये देखते हैं और अंदर इन्फॉर्म करते हैं कि ऊपर बहुत सारे स्कल्स हैं और मिलिट्री के लोग यहाँ पर जगह सिक्योर करते हैं। और तभी वहां से एक स्कल आता है, ये सब लोग उस पर गोले चलाते हैं लेकिन वो अकेला ही इन सबकी बैंड बजाता है। उसके जितने भी स्कल्स होते हैं वो सारे के सारे जो जितने मिलिट्री के लोग हैं उनको मारने लग जाते हैं, उन पर हमला करने लग जाते हैं और बहुतों को मार देते हैं और ये लोग एक स्कल को नहीं मार पाते। उसके स्कल अंदर ट्रेन के अंदर आ जाता है, ट्रेन के अंदर सबको मारने लगते हैं लेकिन एक इंसान एक मिलिट्री वाला बंदा वो म्यूटेंट्स को खोल देता है और सारे म्यूटेंट्स जीन को बचाने की कोशिश करते हैं क्योंकि वो लोग जीन को लेने आए हैं। और यहाँ पर घमासान लड़ाई होने लग जाती है जहाँ पर स्टॉर्म अपनी फुल एनर्जी के साथ इन लोगों पर हमला करती है बहुत ही गजब स्टाइल से। मैग्नीटो पर अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए सब लोगों को मारता है, हंक भी सबकी मदद करता है, कर्ट भी एक इंसान को बचाने की कोशिश करता है लेकिन एक स्कल एक ऑफिसर को मार देता है तो कर्ट उस ऑफिसर को ट्रेन के सामने ले आकर छोड़ देता है और स्कॉट एक्सेवियर को लेकर आता है जीन ग्रे के पास। यहाँ पर मैग्नीटो इन स्कल्स को मार रहा है और सारे स्कल्स को एक बोगी के अंदर डाल के
अपनी मुट्ठी से उस बोगी को पिचका देता है और ट्रैक से नीचे उतार देता है। और तभी कायरा देखती है और कायरा वहां से जंप लगाती है और आती है सीधा ट्रेन के अंदर। वो हंक को बेहोश कर देती है। फिर स्टॉर्म उस पर हमला करती है, वो स्टॉर्म को भी बेहोश कर देती है। उसका तो कर्ट से लड़ती है और कर्ट को हरा देती है। फिर आती है मैग्नीटो के पास और मैग्नीटो बहुत सारी गन्स उठाकर इस पर तान देता है और फायरिंग शुरू कर देता है, लेकिन इस स्कल को कुछ भी नहीं होता और वो आगे बढ़ती रहती है। यहाँ पर चार्ल्स जीन के दिमाग में घुसकर उससे बात करता है और जीन कहती है कि थैंक यू, आपने मुझे परिवार दिया, मुझे अच्छी परवरिश दी, अब मुझे पता चल गया कि मुझे क्या करना है। और यहाँ पर कायरा सबको मारने ही वाली होती है तभी जीन हवा में उड़ जाती है और सारे जितने भी म्यूटेंट्स होते हैं उनके ऊपर एक शील्ड बना देती है और पूरी ट्रेन को हवा में ले जाती हुई एकदम क्रश कर देती है, जिससे ट्रेन की धज्जियां उड़ जाती है और वो एक साइड पर जाकर गिरती है, लेकिन एक भी म्यूटेंट को कुछ नहीं होता। उसके बाद बहुत सारे स्कल आते हैं जीन ग्रे को मारने के लिए। जीन ग्रे एक एक की धज्जियां उड़ाती है स्लो मोशन में और यहाँ पर भयंकर तबाही दिखाई जाती है कि जीन ग्रे के अंदर कितनी सारी ताकत है और वो अपने एक इशारे से कितने लोगों को मार रही है। तभी वहां पर आ जाती है कायरा और कायरा उसकी बची हुई एनर्जी को अपने अंदर लेने की कोशिश करती है, लेकिन ले नहीं पाती, वो अपने हाथ हटाने लगती है, लेकिन जीन उसके हाथ पकड़ लेती है, कहती कि लो ताकत लो, तुम्हें मेरी ताकत चाहिए ना। और तभी यहाँ पर जितने म्यूटेंट होते हैं वो लोग भी मरने लग जाते हैं, क्योंकि ये एनर्जी इतनी सारी है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में अगर जाएगी तो आसपास का सारा जो वातावरण है वो तबाह हो जाएगा। तो जीन ग्रे कायरा को लेकर आसमान में उड़ जाती है और आसमान में बहुत सारी एनर्जी इस कायरा के अंदर डाल देती है और ये कायरा यहाँ पर मर जाती है। फिर उस एनर्जी को जीन ग्रे अपने अंदर ले लेती है और वो बन जाती है एक फ्यूनिक्स पावर, जो कि सर्वश्रेष्ठ ताकत है। और सारे म्यूटेंट्स वो देखते हैं जीन ग्रे जो कि फ्यूनिक्स बन चुकी है। उसके यहाँ पर जीन ग्रे का फिनरल होता है एक तरह से कि वो मर चुकी है, वो वापस नहीं आएगी। और हमें स्कूल दिखाया जाता है, स्कूल में सब लोग अब अच्छे खासे रहने लगे हैं। चार्ल्स एक्जेवियर वो रिटायर्ड हो चुका है और हंक चार्ल्स एक्जेवियर की गद्दी ले चुका है और वो रिवन से प्यार करता है। और हमें दिखाया जाता है एक कैफे के अंदर एक्जेवियर बैठा है रिटायर्ड होकर और उसके पास आता है एरिक अपनी चेस लेकर और ये दोनों थोड़ी सी बातें करते हैं, अपने पुराने दिनों को याद करते हैं और गेम खेलना शुरू कर देते हैं। और हमें आसमान में दिखाई जाती है फ्यूनिक्स यानी कि जीन ग्रे और यहाँ पर ये फिल्म एंड हो जाती है। तो कहानी शुरू होती है बूढ़े लोगन से जो अपनी गाड़ी के अंदर बैठकर सोया होता है और तभी उसकी गाड़ी हिलती है और हमें बाहर दिखाए जाते हैं कुछ लोग जो कि लोगन की गाड़ी के टायर निकालते हैं। जब लोगन को ये बात पता चलती है वो अपनी गाड़ी से बाहर आता है और इन लोगों को बोलता है कि चलो निकलो यहाँ से, इस गाड़ी का ड्राइवर अभी जिंदा है। तब ये लोग लोगन पर गोली चला देते हैं, लेकिन ये बकलोल ये नहीं जानते कि लोगन को गोली से कुछ नहीं होता। उसके बाद लोगन नीचे गिर जाता है और वो फिर से उठता है और अपने क्लोज निकालता है और उसका एक क्लोज फंस जाता है। फिर उसे निकाल के ये उन सबको मारने लगता है। यहाँ पर घमासान लड़ाई होती है और लोगन बहुत ही कमजोर पड़ता है क्योंकि वो बूढ़ा हो चुका है, लेकिन किसी तरीके से ये उनको मार पीट के वहाँ से भगा देता है और तीन लोगों को जान से मार देता है। फिर वो वहाँ से निकलता है, एक होटल के अंदर आता है, उसके सीने में जितनी गोलियां लगी होती है उसको निकालता है और हमें दिखाया जाता है कि लोगन सच में बहुत कमजोर हो चुका है। और ये समय चल रहा है 2029 और रेडियो पे सुनता है कि बहुत सालों से एक भी म्यूटेंट पैदा नहीं हुआ पिछले 25 सालों से और जितने म्यूटेंट्स हैं उनको पकड़ के मार दिया गया है। उसके बाद लोगन यहाँ से निकलता है, अगली सुबह एक कब्रिस्तान में जाता है किसी क्लाइंट को लेकर और वहीं पर एक औरत आ जाती है गैब्रियला। वो कहती है, लोगन मैं आपको जानती हूँ, मेरी मदद करो, मुझे और मेरी बेटी को एक जगह पर जाना है, वहाँ पर ले चलो। लोगन कहता है, मुझसे दूर रहो, मुझे बहुत जरूरी काम है। और वो अपने क्लाइंट को अपनी गाड़ियां बैठा कर वहाँ से ले जाता है और फिर वो आता है एक फार्मेसी में और वहाँ से कुछ दवाइयाँ लेता है और उसको दवाई लेते हुए डोनाल्ड नाम का बंदा देखता है और वो लोगन की गाड़ी में आकर बैठ जाता है और लोगन को बोलता है, तुम्हारे पास गैब्रियला आई थी, उसके पास एक बच्ची है जो हमारी अमानत है, तो अगली बार वो तुम्हारे पास आए तो उसे कोई हेल्प मत करना और हमें बता देना कि वो तुम्हारे पास आई है। लोगन कहता है, तू कौन है बे? तो डोनाल्ड कहता है, वो सब छोड़ो, ये लो कार्ड, गैब्रियला जब भी आए मुझे बताना। लोगन उसका कार्ड लेकर एक जगह से निकलता है और वो एक ऐसे जगह पे आता है जहाँ पर किसी भी देश का कोई रूल नहीं चलता, यानी कि वो किसी भी देश का हिस्सा नहीं है वो एरिया, और वहाँ पुरानी मशीनें होती हैं। उन मशीनों के अंदर ये छुप छुप कर रहता है कैलिबन और चार्ल्स एक्जेवियर के साथ। कैलिबन वही है जो म्यूटेंट्स को ट्रैक करता है, यानी पता लगाता है सारे म्यूटेंट्स का, म्यूटेंट्स कहाँ रहते हैं। लोगन चार्ल्स के पास आता है, उसको इंजेक्शन देता है क्योंकि चार्ल्स अपनी पावर को अब कंट्रोल नहीं कर पाता। जब भी वो दवाइयों का सेवन बंद कर देता है तो वो अपने माइंड से हर चीज को फ्रीज कर देता है, लोगों का सांस लेना भी फ्रीज हो जाता है, ये दवाइयां उसे कंट्रोल में रखती है। चार्ल्स लोगन को बताता है, लोगन पिछले 25 सालों से एक भी म्यूटेंट पैदा नहीं हुआ, लेकिन मुझे कुछ आभास हो रहा है, कुछ नए म्यूटेंट्स हैं, तुम्हें उनकी मदद करनी चाहिए। लोगन कहता है, चार्ल्स अब समय बदल चुका है, पिछले 25 सालों से एक भी म्यूटेंट पैदा नहीं हुआ। उसके बाद लोगन अपने सड़े हुए सी जगह में सोता है जहां पर इसके पुराना सामान रखा होता है। उसके पास आता है कैलिबन और कैलिबन कहता है, मुझे पता है तुम मरने वाले हो, तुम्हारे जख्म पहले की तरह नहीं भर रहे हैं और तुम्हें दिखाई भी नहीं देता। उसका लोगन निकलता है, कुछ लड़कियों को गाड़ियां बैठाता है और लड़कियां बैचलर पार्टी कर रही हैं और जो दुल्हन है वो लोगन को सरप्राइज देती है, हे ग्रैंडपा, और वो अपने बूब्स लोगन को दिखाती है और
लोगन स्माइल करता है। उसके बाद लोगन इनको इनके पते पर छोड़ता है और इसको क्लाइंट मिलते हैं कि दो लोग हैं इनको यहाँ से वहाँ छोड़ना है। तो वो आता है वहाँ पर और वो देखता है कि ये गैब्रियला है जो अपनी बेटी के साथ कहीं पर जाना चाहती है। लोगन यहाँ से जाने लगता है तभी एक औरत गैब्रियला से लड़ने लग जाती है। तो लोगन गैब्रियला को बचाता है क्योंकि गैब्रियला बहुत घायल हो जाती है और वो उसे लाकर उसके कमरे में छोड़ता है। गैब्रियला जब अपने कमरे में आती है तो वो बहुत सारे पैसे उठाकर लोगन को देती है और कहती है प्लीज हम दोनों को नो डकोटा छोड़ दो, हमें सिर्फ तुम पर भरोसा है, तुम ही छोड़ सकते हो, मेरी छोटी सी बच्ची है, प्लीज मदद करो। तो लोगन कहता है ठीक है मैं देखता हूँ और वहाँ से निकल कर आता है चार्ल्स के पास और चार्ल्स को कहता है कि मेरे को एक बहुत बड़ी अमाउंट मिल रही है, वो अमाउंट मुझे मिल जाएगी तो हम लोग एक शिप खरीद कर समुद्र में चले जाएंगे। और फिर अगली सुबह लोगन निकलता है गैब्रियला और उसकी बेटी को लेने के लिए, लेकिन गैब्रियला यहाँ पर हमें मरी हुई दिखाई जाती है जिसे किसी ने मार दिया है। तो लोगन वहाँ तलाशी लेता है और उसे मिलता है गैब्रियला का फोन और वो उसे लेकर वहाँ से निकल पड़ता है और वो आता है अपने एरिया में। वो कैलिबन को कहता है मुझे लगता है हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा, कुछ लोग यहाँ पर आने वाले हैं। और कैलिबन देखता है कि गाड़ी के पीछे का जो डिक्की है वो खुली हुई है और उसके अंदर एक बैग और एक बॉल है। वो लोगन को दिखाता है, लोगन कहता है अरे ये क्या। और तभी वहाँ पर आ जाता है डोनाल्ड अपने बंदे लेकर और वो कहता है कि लोगन तुमने मुझे नहीं बताया कि गैब्रियला तुमसे मिलने आई थी, गलत बात। और वो कहता है कि वो बच्ची मेरे हवाले कर दो और वो इस पर हमला करने वाला होता है। तभी वहाँ पर वो बच्ची आ जाती है जिसका नाम है लोरा। वो डोनाल्ड को पत्थर मार के उसे बेहोश कर देती है। और फिर चार्ल्स आता है, चार्ल्स कहता है ये वही म्यूटेंट है जिसके बारे में बता रहा था लोगन, तुम्हें इसकी मदद करनी है, इसके जैसे और भी हैं उन सबकी मदद करनी है। उसके बाद चार्ल्स लोरा को अपने साथ अंदर ले जाता है। लोगन कैलिबन को कहता है कि इस डोनाल्ड को दूर जाके खाई में गिराओ और लोरा आकर अंदर खाना खाती है। चार्ल्स उससे बातें करता है और वो लोगन को बोलता है कि लोरा को जहाँ पर जाना है वहाँ पर छोड़ाओ, उसे मदद की जरूरत है। और कैलिबन यहाँ पर डोनाल्ड को छोड़ता है और तभी डोनाल्ड को होश आ जाता है और वो अपने बंदों के साथ कैलिबन को पकड़ लेता है और पूरी टीम लेकर आ जाता है लोगन के पास। लोगन चार्ल्स को गाड़ियाँ बैठा कर यहाँ से निकलने लग जाता है। तभी डोनाल्ड के बहुत सारे लोग इसको घेर लेते हैं और लोगन को मारने लग जाते हैं और लोगन बहुत बूढ़ा हो चुका है, उसे बहुत सारी गोलियां मारते हैं। उसके बाद लोगन बुरी तरह से यहाँ पर पिटने लग जाता है और डोनाल्ड अपने एक बंदे को भेजता है कि जाओ अंदर से लोरा को लेकर आओ। और लोरा यहाँ पर टीवी देखती है, टीवी के अंदर बाहर की फुटेज चल रही होती है कि बाहर लोगन की धुलाई हो रही है और वो इंतजार करती है कि बंदा यहाँ पर आए और मैं उसको तोड़ूं। और दो मिनट बाद हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सब लोग हैरान हैं और उनके सामने से लोरा चलकर आती है, एक बंदे की गर्दन काट के उसे अपने हाथ में लेकर इनके सामने फेंकती। डोनाल्ड कहता है इसको जरा संभल के मारना, गोलियां इस पर असर नहीं करती। उसका लोरा निकालते अपने हाथों से क्लोज और इन लोगों पर हमला शुरू कर देती है। ये लोग गोलियां चलाते हैं, लोरा यहाँ से भाग के अंदर चले जाती है। अंदर एक एक बंदे लोरा पर हमला करते हैं और लोरा अकेली एक एक करके सबको पीटने लगती है। वो लोग लोरा के पीठ में लोहे का तीर घुसा देते हैं लेकिन लोरा उससे भी शरार कर जाती है, उसे निकालकर इनको काटती है और वो अपने पैरों से भी क्लोज निकालती है, इन सबको पूरी तरह से कूटती है। और लोगन भी यहाँ से उठकर चार्ल्स को गाड़ी में बैठाता है और लोरा को भी अपनी गाड़ी में बैठाकर यहाँ से निकल पड़ता है और सब लोग इसके पीछे पड़ जाते हैं। और लोगन फुल स्पीड से गाड़ी को इनके चुंगल से बचाने की कोशिश करता है और रेल की पटरी के पास आ जाता है। ट्रेन आती है और लोगन अपनी गाड़ी को पटरी के उस पार ले जाता है और गुंडों को उधर फंसा कर ये खुद वहां से निकल पड़ता है। लेकिन डोनाल्ड वो कैलिबन को पकड़ लेता है, कैलिबन को टॉर्चर करता है कि उन लोगों को ट्रैक करो कि वो कहां जा रहे हैं और अभी कहां हैं। उसका लोगन और चार्ल्स गैब्रियला के वीडियो देखते हैं। गैब्रियला ने एक मैसेज दिया होता है कि ये एक कंपनी है ट्रांसिजन जो कि जितने भी म्यूटेंट्स हैं उनका डीएनए उनके जीन्स यूज करके अपनी फैसिलिटी के अंदर म्यूटेंट्स बना रहे हैं, लेकिन म्यूटेंट्स इनके कब्जे में नहीं आ रहे हैं, इनके कंट्रोल में नहीं है, उनकी अपनी एक लाइफ है, बस उन पर ये काबू नहीं कर पा रहे हैं। इस वजह से ये लोग उन्हें मारने का प्लान कर रहे हैं और एक अलग ही प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं जिसका नाम है वेपन X-24। डॉक्टर जेंडर उसको बनाने की कोशिश कर रहा है जो बहुत खतरनाक है और वो लोग जो म्यूटेंट इनके कंट्रोल में नहीं आता उसको जान से मार देते हैं। और लोरा के अंदर भी इन्होंने लोगन की तरह क्लोज डाल रखे हैं और लोरा लोगन के डीएनए से ही बनी है। और यहाँ पर बैटरी लो हो जाती है। उसके लोगन निकलता है एक मॉल के अंदर, वहां से लेता है चार्जर और कुछ कपड़े कुछ खाना और आकर गाड़ी में बैठता है, फोन को चार्जिंग में लगाता है और सब लोग सो जाते हैं। फिर लोगन वीडियो चालू कर देता है और हमें आगे दिखाया जाता है कि लोरा के अंदर भी सेम वही काबिलियत है जो लोगन के अंदर थी, यानी कि एक तरह से लोरा लोगन की बेटी है। वीडियो में और दिखाया जाता है कि बहुत सारे म्यूटेंट आत्महत्या कर चुके हैं और वेपन X-24 वो तैयार है और गैब्रियला अपनी लास्ट बात बोलती है कि लोगन वो तुम्हारी बेटी है, उसकी मदद करो, उसकी रक्षा करो। उसके बाद लोगन इन सबको लेकर आता है शहर के अंदर, शहर के अंदर लेता है एक होटल मतलब होटल के अंदर रूम और कुछ कपड़े खरीदता है, खुद नहाता है। चार्ल्स और लोरा एक पुरानी फिल्म देखते हैं और लोगन ट्रांसिजन की फाइल्स देखता है जिनमें अलग अलग म्यूटेंट्स की जानकारी दी गई होती है कि कौन सा म्यूटेंट कौन से डीएनए से कौन से जीन से बना है। और वो लोरा की फाइल देखता है और लोरा की फाइल में लोगन का नाम होता है। फिर वो एक कॉमिक देखता है जो कि लोरा के बुक के अंदर थी एक्समेंस की और नॉर्थ डकोटा उसके अंदर ही एक एड्रेस है। वो चार्ल्स के पास आता है और वो कहता है कि देखो जहाँ इस लड़की को जाना है ना नॉर्थ डकोटा उस नाम की कोई जगह है ही नहीं, वो सिर्फ कॉमिक बुक के अंदर है। और वो कहता है कि मैं अभी जरा गाड़ी लेकर आता हूँ और लोरा ये लो दवाई ये चार्ल्स को हर एक घंटे में देते रहना। उसके बाद लोरा यहाँ पर फिल्म देखती है और फिल्म के डायलॉग्स को रटने में लग जाती है और डोनाल्ड कैलिबन की मदद से ट्रैक करते हुए चार्ल्स और लोरा के पास आ गया है। लोगन आता है गैराज में और वो अपनी
बाल्किन पुरानी गाड़ी देकर एक नई गाड़ी लेता है जो थोड़ी घिसी पिटी होती है। बाल्किन कहती है कि एक घंटा रुको, इसके टायर चेंज कर देती हूँ। और वो बार के अंदर आकर वो कॉमिक देखने लग जाता है और कॉमिक के अंदर सेम वही इंसिडेंट हो रहे होते हैं जो इसकी लाइफ में हो रहे हैं। लोगों को यहाँ पर समझ नहीं आता ये हो क्या रहा है। वो फिर आता है होटल के अंदर और तभी वहाँ पर चार्ल्स को दोहरा पड़ने लग जाता है और चार्ल्स यहाँ की सारी चीजें फ्रीज कर देता है जिससे सब लोग तड़पने लग जाते हैं। और लोगन किसी तरीके से आगे बढ़ता हुआ बहुत सारे गुंडों को मार देता है जान से जो चार्ल्स और लोरा को मारने आए थे। तो सबको मार देने के बाद लोगन चार्ल्स को उसका एंटीडोज दे देता है जिससे चार्ल्स नॉर्मल होता है और वो लोरा और चार्ल्स को लेकर यहाँ से निकलता है। और हमें बाकी लोग दिखाया जाता है जिनकी पूरी बैंड बजी हुई है। चार्ल्स लोगन को बताता है कि लोगन ये लोरा तुम्हारी बेटी है, मैंने इसके दिमाग से कॉन्टेक्ट करके देखा है, ये X-23 है तुम्हारी बेटी, तो इसकी मदद करो। और उधर में देखा जाता है एक डॉक्टर जेंडार, इसने ही सारे म्यूटेंट्स को मारा है। इसने एक ऐसा वायरस 25 साल पहले एनवायरनमेंट में फैलाया जिसकी वजह से नए म्यूटेंट्स बनना बंद हो गए और जितने म्यूटेंट्स थे उनको पकड़ पड़ के उनका DNA, उनके जीन्स सब कुछ इसने अपने पास रखा है और नए म्यूटेंट्स बना रहा है जो इसके कंट्रोल में रहे। वो आता है कैलिबन के पास, उससे एड्रेस लेता है कि बताओ लोगन कहाँ है। लोगन गाड़ी से जा रहा होता है तभी वहाँ पर ऑटोमेटिक वाले ट्रक थोड़े से बेकाबू हो जाते हैं जिसकी वजह से कुछ लोग और होते हैं जो कहीं पर जा रहे होते हैं उनकी गाड़ी पर डिसबैलेंस हो जाती है, उनके घोड़े इधर से भागने लग जाते हैं, ट्रक से टकराने लग जाते हैं। तो चार्ल्स अपने माइंड से सारे घोड़ों को शांत करता है, एक साइड पर ले आता है और जो दूसरे लोग होते हैं उनकी गाड़ी को निकालने में लोगन मदद करता है। उसके बाद ये लोग कहते हैं कि आप लोग कहीं दूर जा रहे हैं, आप लोग चाहें तो आज रात को हमारे यहाँ रुक सकते हैं। तो चार्ल्स कहता है ठीक है। और यहाँ पर डॉक्टर जेंडार वो कैलिबन से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज मुझे बताओ लोरा और लोगन कहाँ पर हैं, फिर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। कैलिबन कहता है ठीक है। उसके ये सब लोग यहाँ पर खाना खाते हैं और थोड़ा बहुत बातचीत करते हैं। फिर ये जो बंदा होता है ये कहता है कि हमारा पानी कुछ लोगों ने रोक दिया है तो मुझे जाना होगा। तो लोगन कहता है मैं भी चल दो तुम्हारे साथ, बस अपने फादर को ऊपर सुला कर आता हूँ। और वो चार्ल्स को ऊपर कमरे में सुला देता है और इस बंदे के साथ निकल पड़ता है इसकी पानी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ये लोग एक बड़े से खेत में होते हुए एक जगह पर आते हैं जहाँ से इनका पानी कुछ लोग बंद कर देते हैं जिनसे उनकी दुश्मनी है। ये लोग यहाँ से पानी शुरू करते हैं, उसके बाद गुंडे आ जाते हैं और वो कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे यहाँ से पानी स्टार्ट करने की। वो बंदूक लेकर इन पर तान देते हैं, लोगन उसकी बंदूक लेकर तोड़ देता है, उसके मुंह पर भी मारता है और कहता है निकल लो यहाँ से। उसके बाद हमें इधर दिखाया जाता है घर के अंदर चार्ल्स पर एक बंदा हमला कर देता है X-24 जो कि लोगन का क्लोन है, सेम पावर सेम क्लोज। लोरा उस पर हमला करती है, वो लोरा को भी घायल कर देता है। उसके बाद जो यहाँ पर था ये सबको मार देता है और लोरा को पकड़ कर ले जाने लगता है। तो वहाँ पर ये बंदा आ जाता है, ये बंदा X-24 को मारने की कोशिश करता है। चार्ल्स को मरा देख कैलिबर को बहुत बुरा लगता है, तभी वहाँ पर वो गुंडे आ जाते हैं जिनको अभी लोगन ने तंग किया था। वो X-24 के पास आते हैं और कहते हैं कि तू मेरे लिए काम कर, तेरे अंदर बहुत ताकत है। लेकिन X-24 इन सबकी गर्दनें काट देता है। डॉक्टर जेंडार X-24 को रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन वो रुकता ही नहीं है, वो सबको मारता रहता है। और उधर कैलिबर को आता है गुस्सा, वो निकालता है बहुत सारे ग्रेनेड्स और अपने आप को इन लोगों के साथ ब्लास्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन डोनाल्ड खुद कूद कर अपनी जान बचाता है। फिर यहाँ X-24 पर लोगन हमला करता है और यहाँ पर घमासान लड़ाई होती है। लोगन से लड़ता है, यानी कि लोगन X-24 से लड़ता है। इसी लड़ाई के बीच में ये बंदा X-24 पर गाड़ी चढ़ा देता है, उसके बाद गन निकालता है और उसका भेजा उड़ा देता है और खुद मर जाता है। उसके बाद लोगन लोरा को उठाता है, यहाँ से चला जाता है गाड़ी में बैठकर। लोरा जब चार्ल्स की लाश को देखती है वो बेकाबू हो जाती है और वो बहुत रोती है। उधर X-24 वो लगभग मरने वाला होता है लेकिन डॉक्टर जेंडार उसको एक इंजेक्शन लगाता है जिससे X-24 की जो ताकत है वो बढ़ जाती है और वो मरता नहीं। उसके लोगन गाड़ी ले जाकर एक जंगल में पार्क करता है और गड्ढा खोदकर चार्ल्स की लाश को वहां पर दफन कर देता है और बहुत इमोशनल हो जाता है, वो रोने लग जाता है। और तभी उसका हाथ पकड़ती है लोरा और यहां पर बहुत ही मस्त सीन आता है। उसका लोगन बहुत दुखी होता है और वो उसकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती और वो गाड़ी को फावड़े से पीटने लगता है। और लोरा देखती है बगल में एक गाड़ी कोई लेकर आया है और लोगन जिसकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है वो उसको फावड़े से फोड़ा जा रहा है। उसके बाद वो गिर जाता है। लोरा उसको उठा के हॉस्पिटल में लेकर आती है और हॉस्पिटल में डॉक्टर जब इसको देखता है और वो कहता है कि देखो तुम म्यूटेंट हो और तुम्हारे शरीर के अंदर कुछ ऐसा है जो तुम्हें मार रहा है, तुम्हें ठीक किया जा सकता है, थोड़े से चेकअप करवा लो। तो लोगन कहता है कि देखो डॉक्टर, मुझे पता है आप बहुत अच्छे आदमी हैं लेकिन अगर मैं आपके पास रुका तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, तो मुझे जाने दो। वो यहाँ से निकलता है, गाड़ी में बैठता है। यहाँ पर पहली बार लोरा बात करती है और वो बोलती है जोना, गिडियन, रिबेका, डिलाइला, रिक्टर, ये सब लोग नॉर्थ डकोटा में हैं, मुझे वहाँ पर छोड़ो। लेकिन लोगन कहता है कि देखो नॉर्थ डकोटा नाम की कोई जगह नहीं है, ये सब कुछ एक काल्पनिक कथा है जो एक कॉमिक बुक के अंदर है, तो वहाँ जाने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन लोरा निकालती है एक मैप और कहती है कि देखो ये वो जगह है जहाँ पर हमें जाना है। लोगन समझाता है कि नहीं, ये एक कॉमिक की जगह है जो रियल में एग्जिस्ट नहीं करती। तो यहाँ पर बहुत कन्फ्यूजन होती है। लोरा बार बार जिद करती है मुझे यहाँ पर जाना है, यहाँ पर छोड़ो, यहाँ पर छोड़ो, यहाँ पर सब लोग हैं। और वो फिर से बोलती है
Rebecca, Delilah, who's that? Rictor, who is Jonah, Gideon, Rebecca, Delilah, Stop. Rictor. तो इसकी बातों से तंग आकर लोगन कहता है ठीक है ले चलता हूँ, चलो देख लेना जहाँ पर तुमने जाना है वहाँ पर क्या है क्या नहीं है। और वो गाड़ी चलाने लगता है और गाड़ी चलाते चलाते वो बहुत ज्यादा थक जाता है, वो सोने लग जाता है। तो लोरा कहती है कि ऐसा है गाड़ी रोको आराम करो। लोगन गाड़ी रोक कर सो जाता है। उसका लोरा उतरती है गाड़ी से और वो लोगन की सीट पर बैठती है और गाड़ी खुद ड्राइव करती है। और ड्राइव करते करते वो नॉर्थ डकोटा ले आती है गाड़ी को। लोगन को होश आता है, वो अपनी गाड़ी से निकलता है और देखता है कि सच में नॉर्थ डकोटा नाम की एक जगह है जहाँ पर बहुत सारे म्यूटेंट्स हैं और वो लोग यहाँ से कनाडा जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखकर वो बेहोश हो जाता है। ये म्यूटेंट्स लोगन को ऊपर ले आते हैं बांध कर। लोगन इन सबको देख कर हैरान होता है, फिर से बेहोश हो जाता है। फिर ये लोग उसका थोड़ा सा इलाज करते हैं, इसे कुछ दवाइयाँ देते हैं। उसके बाद लोगन होश में आता है, वो लोरा से थोड़ी सी बात करके फिर से बेहोश हो जाता है। उसके बाद सारे बच्चे लोगन की जो मूछें दाढ़ी है वो बीच में से काट देता है और लोगन का पुराना लुक बन जाता है वुल्वरीन। उसके बाद यहाँ पर जो रिक्टर होता है वो किसी बंदे से बात करता है और वो कहता है कि हम यहाँ से कब निकलें। तो उधर से एक बंदा बोलता है कि तुम्हें कल सुबह ही यहाँ से निकलना होगा, उस वक्त सैटेलाइट बंद होगा और कोई देख नहीं पाएगा कि कौन हमारी सरहद में आ रहा है कौन जा रहा है। वो कहता है ठीक है। और यहाँ पर लोरा बड़े स्कोप से इधर उधर देखती है और रिक्टर लोगन को उसके बाकी के पैसे देता है जो उसने वादा किया था। लोगन कहता है कि मुझे इन पैसों की जरूरत नहीं है, रख लो अपने पास। यहाँ पर लोरा लोगन को बोलती है कि आप भी हमारे साथ चलो, ऐसे आप मर जाओगे, चार्ल्स ने बोला था कि मैं आपका साथ ना छोड़ूं। लोगन बोलता है देखो मैं कोई परिवार नहीं बनाना चाहता, तुम मेरी बेटी नहीं हो, जो भी मेरे करीब आता है वो मर जाता है, जिससे मैं प्यार करता हूँ वो मर जाता है। तो लोरा बोलती है इसका मतलब मुझे कुछ नहीं होगा। इनका थोड़ा सा झगड़ा होता है। उसके बाद लोगन सो जाता है और सुबह उठता है, देखता है कि सब लोग यहाँ से निकल गए हैं और वो देखता है कि यहाँ पर कुछ ड्रोन उड़ रहे हैं, यानी कि यहाँ पर डोनाल्ड के लोग आ चुके हैं। और वो कुछ इंजेक्शन यहाँ से उठाता है जो कि पावर को बूस्ट कर देते हैं। और यहाँ पर जंगल के अंदर डॉक्टर जेंडार अपनी फौज लेकर म्यूटेंट्स बच्चों को पकड़ने लग गया है और लोगन बचाने की कोशिश करता है और वो बहुत थक जाता है। उसके बाद वो इंजेक्शन अपने अंदर ले लेता है, उसको लेना चाहिए था आधा लेकिन वो पूरा ले लेता है। उसके बाद म्यूटेंट बच्चे भागते हैं एक एक करके और ये लोग एक एक करके सारे म्यूटेंट्स को बच्चों को पकड़ते हैं और बहुत सारे बच्चों को पकड़ लेते हैं। फिर लोगन पर ये लोग हमला करते हैं। लोगन और लोरा दोनों मिलकर इन लोगों की बैंड बजाते हैं। उसके बाद लोगन और लोरा दोनों बाकी के बच्चों को बचाने का प्लान करते हैं कि मैं जाकर उनके साथ बात करूंगा और लोरा तुम अपने म्यूटेंट दोस्तों को बचाना। उसके बाद लोगन आ जाता है इन लोगों के पास और ये लोग और डोनाल्ड रिक्टर को लेकर आता है, कहता है कि मैं इसको गोली मार दूंगा, अपने क्लोज अंदर करो और यहाँ पर बैठो। और तभी वहाँ पर आता है जंडार और जंडार बोलता है कि देखो मैंने तुम्हारी पूरी नस्ल मिटा दी और बहुत जल्द तुम सबको मार के हम नए म्यूटेंट्स बनाएंगे जो हमारे इशारों पर चलेंगे, इंसानों को कोई खतरा नहीं होगा और मैं विलियम स्ट्राइकर का बेटा हूँ। तो लोगन कहता है अच्छा वही विलियम स्ट्राइकर जिसको मैंने जहाँ से मार दिया, वो ऐसे करके इसका टाइम वेस्ट करता है। और वहाँ पर लोरा चुपके से जाकर अपने सारे म्यूटेंट दोस्तों को उनकी कैद से आजाद कराती है। उसके बाद यहाँ पर हमला शुरू हो जाता है। फिर वहाँ पर X-24 आता है और लोगन से लड़ता है। इन दोनों की घमासान लड़ाई होती है और इस बार X-24 लोगन पर भारी पड़ता है और सारे म्यूटेंट बच्चे जितने गुंडे होते हैं डोनाल्ड सबको मारते हैं और वो डोनाल्ड को भी जमीन में दफन करके मार देते हैं अपनी पावर का यूज करके। और यहाँ पर X-24 लोगन को मारने वाला था तभी रिक्टर एक बड़ा ट्रक उठाकर X-24 के ऊपर गिरा देता है। लोगन बच्चों को कहता है कि तुम यहाँ से निकलो, मैं मेरे को अकेले ही इससे लड़ना होगा। और X-24 अपने क्लोज निकालकर लोगन के सीने में घुसा देता है और उसे एक पेड़ के पास ले जाता है और एक पेड़ का मोटा हिस्सा लकड़ी का हिस्सा उसके पेट में घुस जाता है लोगन के। और X-24 लोगन की गर्दन ही काटने वाला होता है तभी उसके पीछे से लोरा एडमेंडियम की गोली से X-24 का भेजा उड़ा देती है और वो आती है लोगन के पास और वो लोगन को पहली बार यहाँ पर पापा बोलती है। और लोगन कहता है कि देखो इस दुनिया में अच्छे लोग भी हैं बुरे लोग भी हैं, तो तुम्हें थोड़ा संभल कर रहना पड़ेगा, शरीफ लोगों को मत मारना, अच्छे लोगों को मत मारना और बुरे लोगों से अपनी रक्षा करना और कोशिश करना किसी को मत मारो, क्योंकि मैंने बहुत लोगों को मारा है और मैं कभी सो नहीं पाया लेकिन अब शायद मेरे सोने का समय आ गया है। ये बात बोलकर वो मर जाता है। उसके बाद लोरा इन सबको एक स्पीच देती है जो उसने फिल्म में सुना था कि देखो इस दुनिया में बहुत तरह के लोग हैं, कुछ अच्छे कुछ बुरे, ये हमें तय करना है, हमें बुरों के साथ जाना है या अच्छों के साथ जाना है, बुरों के साथ हमेशा बुरा होता है अच्छों के साथ अच्छा ही होता है, तो यहाँ से निकलो और अपनी मदर को ढूंढो जिन्होंने तुम्हें पैदा किया और उनके साथ रहो, अभी तुम बच्चे हो, ये बोलती है। उसके बाद यहाँ से सारे म्यूटेंट निकल पड़ते हैं लोरा को अकेला छोड़कर और लोरा अपनी एक अलग राह पकड़ लेती है, वो किसी को मारना नहीं चाहती, एक आम जिंदगी जीना चाहती है। और वो लोगों को दफना कर वहाँ पर क्रॉस खड़ा करके जाने लगते हैं। तभी लोरा आती है वापस और वो क्रॉस को गिरा के उसे एक्स बना देती है, एक्स जो कि एक्स जीन है जिससे बनते हैं म्यूटेंट्स। और यहाँ पर ये लोगन फिल्म एंड हो जाती है। तो दोस्तों फिल्म बहुत अच्छी है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबाएं ताकि अगली बार हम कोई वीडियो डालें आप लोगों के पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।